एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी की नावल फांसी के बाद, टेलीफोन का तार पोल से अलग करने के बाद वह सब इमारत के कंपाउंड में आ गए। पूरी इमारत अंधकार में डूबी हुई थी, इसलिए कि उन्होंने बिजली के तार पहले ही काट दिए थे। यह आने वाले संख्या में 10 थे। एक पिछली चार दीवारी के पास इस प्रकार खड़ा हो गया था कि पूरे कंपाउंड पर नजर रख सके। दूसरा नौकरों के क्वार्टरों के निकट खड़ा रहा। तीसरा इमारत के सदर दरवाजे पर जम गया और शेष 7 इमारत के अंदर दाखिल हो गए। फिर 4 तो पूरी इमारत में फैल गए और 3 एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। एक और पुराने मगर बड़े बड़े ट्रंक एक दूसरे पर रखे हुए थे। एक और पुराना सोफा पड़ा हुआ था और इधर उधर कुछ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे थे। एक सोफा उधड़ने लगा और दूसरा जल्दी जल्दी ट्रंक हटाने लगा। तीसरा सतर्कता के साथ खड़ा रहा। उसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था और बाएं हाथ में जलती हुई टॉर्च थी। सोफे के अंदर से 100-100 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई और सबसे निचले वाले ट्रंक से जब लिहाफ निकालकर फाड़ा गया तो उसमें से भी 100-100 की बहुत सारी नोटें बरामद हुई। उन्होंने 2 खाली थैलों में नोटें भरी। फिर जो बाकी बची उन्हें उन तीनों ने अपनी पतलूनों और कोटों की जेबों में ठूस ली और फिर टॉर्च बुझाकर तीनों कमरे से बाहर निकल आए। उन्हीं के साथ वह चारों भी बाहर निकले थे जो इमारत के अंदर फैले हुए थे। फिर जैसे ही 10 एकत्रित होकर पिछली चार दीवारी की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही पीछे से फायरिंग आरंभ हो गई। उन 10 में से एक ने अट्टहास लगाया, फिर गरज कर बोला, मेरा नाम रंधा है, मैं अपना काम कर चुका और अब वापस जा रहा हूँ। इस चेतावनी के साथ कि अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। फिर फायरिंग करते हुए वह 10 पिछली चार दीवारी के पास आए और बारी बारी दीवार फलांग कर दूसरी ओर कूदने लगे। अचानक एक आदमी की पसली में गोली लगी और वो चीख मार कर गिर पड़ा। उसके एक साथी ने फौरन उसे उठाकर पीठ पर लादा और दूसरे साथी की सहायता से दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। जिसने गर्जना की थी और अपना नाम रंधा बताया था, वह अभी तक सीना ताने खड़ा था। जब नवा आदमी दीवार पर चढ़ने लगा तो उसने उससे कहा, तुम सब आगे बढ़कर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं 1 का उत्तर 2 से दिया करता हूँ। नवे आदमी के कूद जाने के बाद वह भी दीवार फलांग कर दूसरी ओर कूद गया। उसके साथ ही एक और भागते चले जा रहे थे, मगर वही एक जगह आड़ लेकर बैठ गया। रिवॉल्वर जेब में रखा और कंधे से टॉमी गन उतार कर दीवार की ओर देखते लगा। कुछ ही क्षण बाद उसे उसी इमारत के कंपाउंड में आदमियों के चलने की आहट महसूस हुई। फिर उसने अनुमान लगाया कि वह लोग पिछली दीवार की ही ओर जा रहे हैं। उसने टॉमी गन की नाल दीवार की ओर उठा दी। फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी। कंपाउंड में लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, फोन करना बेकार है, चलो चार दीवारी की दूसरी ओर देख लिया जाए। मेरी भी यही राय है, अभी वह अधिक दूर नहीं गए होंगे। अगर हम लोग पुलिस के चक्कर में पड़े तो पुलिस के आते आते वह न जाने कहां निकल जाएंगे। फिर आवाजें बंद हो गई और उसके बाद कंपाउंड की ओर से 2 आदमी पिछली दीवार पर चढ़े और दूसरी ओर कूदने ही जा रहे थे कि तड़ातड़ 2 फायर हुए। दोनों गोलियां उन दोनों के सीने पर पड़ी थी। एक चीख कर कंपाउंड में गिरा था और दूसरा चीखता हुआ दूसरी ओर गिरा था। रंधा ने बदला ले लिया है, वह कर्ज रखने का आदि नहीं है, ये कहते हुए उसने अट्टहास लगाया और टॉमी गन कंधे पर से लटकाते हुए उसी ओर भागा जिधर उसके साथी भागे थे। कुछ दूर जाने के बाद रंधा ने मुख से एक विचित्र प्रकार की आवाज निकाली। उत्तर में उसे वैसी ही एक दूसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसके साथी मिल गए। जख्मी की क्या दशा है, रंधा ने पूछा। 2 दिन से अधिक जीवित न रह सकेगा सरदार, एक ने कहा। अच्छा, तुम लोग इसे यही रहने दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और ठीक 2 घंटे बाद तुम लोगों से मिलूंगा। थैले भी यही छोड़ जाओ, रंधा ने कहा। वो लोग थैले वही रखकर एक ओर चल पड़े। जब वह नजरों से ओझल हो गए तो रंधा ने जेब से पेट्रोल भरी एक शीशी निकाली और उसे अपने जख्मी साथी के कपड़ों पर खाली करके कपड़ों में आग लगा दी और फिर उसकी खोपड़ी पर एक फायर भी कर दिया। उसके बाद दोनों थैले पीठ पर लाद कर इत्मीनान से एक ओर बढ़ता चला गया। 2 घंटे बाद एक आलीशान इमारत में अपने 8 साथियों सहित बैठा हुआ रंधा शराब पी रहा था। उन्हें देख कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह डाकू है। रात का समय था। रंधा अपने 5 साथियों को लेकर एक इमारत में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह उसने इस इमारत में दाखिल होने से पहले बिजली का तार अलग कर दिया था, इसलिए पूरी इमारत में अंधेरा था।
तीन को उसने पहरेदारी पर लगाया और दो को साथ लेकर एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में मसहरी पर एक आदमी सो रहा था। रंधा ने टॉर्च का प्रकाश इधर उधर डाला, फिर सोने वाले की आंख पर रोशनी डाली। सोने वाला पहले कुलबुलाया, फिर आंखें खोली। उसके बाद हड़बड़ाकर उठ बैठा और हकलाने लगा, तुम लोग कौन हो? मैं रंधा हूँ, रंधा ने बड़ी इत्मीनान से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, उस आदमी ने कहा। रंधा तो जेल में था और उसे फांसी की सजा हो गई थी। ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हें लूटने के लिए मैं जेल से बाहर आ गया, रंधा ने कहा। फिर फुफकार कर बोला, रंधा को झूठा कहने वाला जिंदा नहीं रहता, मगर कुछ कारणवश मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। लाओ चाबी निकालो और ये भी सुन लो कि रंधा को कोई जेल में रख नहीं सकता। मेरे पास चाबी नहीं है, वह आदमी फिर हकलाया। क्या मरना ही चाहते हो, रंधा गरजा। उस आदमी ने चुपके से चाबी निकालकर रंधा को दे दी। रंधा ने अपने एक साथी को चाबी थमा दी। वह आदमी चाबी लिए हुए मसहरी के नीचे घुस गया। उसने मसहरी के नीचे की कालीन हटा दी और एक जमीन बंद तिजोरी उसे दिखाई दी। उसने चाबी से तिजोरी निकाली। रंधा अपने दूसरे साथी के साथ खड़ा उस मसहरी वाले को देखता रहा। फिर उसने मसहरी के नीचे वाले साथी की आवाज सुनी, तिजोरी में केवल 2.5 लाख है सरदार, और थोड़े से सोने के बिस्कुट है। जो कुछ भी मिला है उसे लेकर बाहर आ जाओ, रंधा ने कहा। फिर मसहरी वाले आदमी से बोला, और रुपए कहाँ है? बैंक में, उस आदमी ने कहा। बैंक में तो थोड़े से रुपए है, रंधा ने कहा। यह तो काला रुपया है, तुम पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकोगे कि तुम्हारे यहाँ से कितने रुपए चोरी हो गए हैं? मेरे पास अब कुछ नहीं है, उस आदमी ने कहा। क्या तुम रंधा को मूर्ख समझते हो? रंधा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे मैं जानता हूँ। अगर वह सब चुपचाप मेरे हवाले कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि उसका एक चौथाई भाग यही छोड़ जाऊंगा, और यदि तुमने आपत्ति की तो मैं सबसे पहले तुम्हारे परिवार के एक एक आदमी को चुन चुन कर मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हारी जबान काट कर इसी कमरे में बंद कर दूंगा और फिर इस इमारत में आग लगा दूंगा। और यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि रंधा जो कुछ कहता है वह कर डालता है। मुझे एक बात बता दो, उस आदमी ने कहा। पूछो, मुझे जल्दी नहीं है, रंधा ने कहा। तुम्हें ये कैसे मालूम हो जाता है कि रुपए कहाँ रखे हैं? तुम कारोबारी आदमी हो, जब तुम अपने दाव पेच किसी को नहीं बताते तो फिर भला मैं तुम्हें अपनी बात कैसे बता सकता हूँ, रंधा ने कहा। हाँ बताओ, और रुपए कहाँ है? उस आदमी ने शीशे वाली इमारत की ओर संकेत किया, फिर रंधा के मांगने पर उसकी भी चाबी दे दी। उस अलमारी से भी नोटें निकाली गई। रंधा ने अनुमान से एक चौथाई नोटे अलग करके शेष 3/3 नोटे तथा सोने के बिस्किट थैले में भरवाए और जब चलने लगा तो उस आदमी ने कहा, मेरी एक इच्छा है। कहो। किसी को यह न मालूम होने पाए कि मेरे घर से तुम्हें कितने रुपए मिले हैं। मुझे स्वीकार है, रंधा ने कहा और सारे साथियों सहित थैले लिए हुए इमारत से बाहर निकल गया और फिर अपने साथियों से अलग हो गया। इस बार भी थैले उसी के पास थे। ठीक 2 घंटे बाद वह नगर के एक आलिशान होटल में अपने साथियों से मिला। नगर का वह भाग था जहाँ आधी रात व्यतीत होने के बाद भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण यह था कि शरीफों की इस बस्ती से मिला हुआ वह भाग था जो रेड लैम्प एरिया कहलाता था। किसी जमाने में यहाँ रातों में खोए से खोए छिलते थे। लोगों की नजरें ऊपर ही की ओर उठी रहती थी, मगर कई वर्ष पहले जब यहाँ का कूड़ा पूरे नगर में फैला दिया गया था तो यहाँ नाच गाने का बोर्ड लग गया था, मगर पुराने ग्राहक शौकीन मिजाज तथा औसत आमदनी वाले अब भी रातों में यही मंडराते रहते थे। इस चहल पहल का एक कारण यह भी था कि यहाँ एक आलिशान होटल था जिसमें 84 कमरे थे और संध्या होते ही उस कमरे में वह कूड़े भरने लग जाते थे जो पूरे शहर में फैला दिए जाते थे। यहाँ हर धर्म के हर प्रकार के लोग नजर आते थे। ठीक 12 बजे रात को उसी होटल में 6 कमरों के द्वार एक साथ खुले और हर कमरे से एक एक आदमी निकल कर सीढ़ियों की ओर बढ़े। नीचे आकर सब मिल गए और एक साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह सब एक चौड़ी गली में मुड़ गए। इस गली में सेठ दुमीचंद का 3 खंडों वाला मकान था। मकान पुराने ढंग का था और 2-3 वर्ष पहले उसे नया बनाने का भी यत्न किया गया था। मकान का सदर दरवाजा जालीदार लोहे का था। दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन्हें पार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। गली में चाय की दुकानें थी, आमतौर से 1 बजे रात तक खुली रहती थी और आज भी खुली हुई थी। वो 6 आदमी लोहे के फाटक तक आए। फाटक बंद था। फाटक के दूसरी ओर एक सशस्त्र संतरी स्टूल पर बैठा ऊंग रहा था। फाटक के पास इतने आदमियों को देखकर वह चौंका और फिर इसके कि वह उठे, जाली के अंदर से गुजरती हुई राइफल की नाल उसके सीने से जा लगी। फिर उनमें से एक ने मंद मगर फुफकार भरी आवाज में कहा, फाटक खोल दो।
वरना गोली तुम्हारा सीना भीतती हुई दूसरी ओर निकल जाएगी। मैं रंधा हूँ। गोली मार दो, दरवाजा नहीं खुलेगा, संतरी ने कहा। क्या तुम यह समझ रहे हो कि मैं केवल धमकी दे रहा हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि रंधा जो कहता है वो कर डालता है, संतरी ने कहा। मगर फाटक इसलिए नहीं खुल सकता कि इसमें लगे हुए ताले की कुंजी मेरे पास नहीं है। सेठ जी अपने हाथ से ताला बंद करके कुंजी अपने साथ ले जाते हैं और सवेरे आकर अपने हाथ से ताला खोलते हैं। हो सकता है वह ठीक कह रहा हो। खैर, अभी सच्चाई मालूम हो जाती है, रंधा ने कहा और जेब से एक डब्बा निकाला जिसमें किसी प्रकार का चूर्ण भरा हुआ था। उसने उसे फाटक के मध्यवर्ती भाग पर चिटक दिया। 5 मिनट भी न बीते होंगे कि उतने स्थान के लोहे में मोम के समान नरम पड़ गया। रंधा ने रिवॉल्वर के कुंदे से 3-4 बार हल्के हल्के प्रहार किया और उतना भाग टूटकर नीचे गिर पड़ा। इतना स्थान हो गया था कि एक आदमी सरलता से अंदर दाखिल हो सकता था। सबसे पहले रंधा ही अंदर दाखिल हुआ और जब उसने अपने रिवॉल्वर की नाल संतरी के सीने पर लगा दी तो उसके साथी ने राइफल की नाल हटा ली और फिर एक एक करके सब अंदर आ गए। उसके बाद सबसे पहले संतरी के होठों पर टेप चिपकाया ताकि वह बोल न सके। फिर उसके हाथ पैर बांधे गए और उसकी जामा तलाशी ली जाने लगी। सचमुच उसके पास कुंजी नहीं थी। रंधा ने 2 आदमियों को बाहर निकाल दिया ताकि वह उस गली की निगरानी करते रहे। शेष 3 को उसने अपने साथ चलने के लिए कहा। 3 में से एक ने संतरी को कंधे पर लादा और 3 रंधा के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ एक छोटे से गलियारे तक ले गई। वे सब गलियारे में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। दाहिनी ओर एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था बल्कि केवल भिड़ा हुआ था। चारों उसी कमरे में दाखिल हो गए। मसहरी पर एक सुंदर और जवान लड़की सो रही थी। यह ना, रंधा ने अपने साथियों से पूछा। हाँ, एक ने उत्तर दिया। ठीक है, संतरी को यही डाल दो, वापसी पर इस लड़की को ले चलेंगे, रंधा ने कहा। फिर चारों तीसरे खंड के उस कमरे में पहुंचे जिसमें खुद दुमीचंद सोया हुआ था और उसी में सेफ भी था। आहट पाकर दुमीचंद उठ बैठा और उन्हें घूरने लगा, मगर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा इस प्रकार सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर से सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। सेठ दुमीचंद आज से 3 वर्ष पहले केवल दुमीचंद था, मगर इन 3 वर्षों में उसने सरसों के तेल और वनस्पति घी के व्यवसाय से इतना कमाया था कि उसकी गणना भी नगर के प्रमुख धनवानों में होने लगी थी और वह दुमीचंद से सेठ दुमीचंद कहलाने लगा था। उसके पास कितनी दौलत थी इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। आयु 50 से अधिक थी मगर दिखने में 30 का प्रतीत होता था। चेहरे पर हर समय लालिमा छाई रहती थी। 2 जवान लड़के थे और एक लड़की थी जिसके विवाह की बात चल रही थी, मगर कदाचित वह किसी दूसरे से प्रेम करती थी इसीलिए शादी से बराबर इनकार किए जा रही थी। चाबियां कहाँ है सेठ? रंधा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। मुझे फाटक की भी चाबी चाहिए, इसलिए कि आने में हमें काफी कष्ट उठाना पड़ा था। तुम्हारा संतरी तुम्हारा वफादार है, वह हमें जागता हुआ मिला था। अचानक दुमीचंद के चेहरे पर फिर लालिमा दौड़ गई। उसने बड़े तीखे स्वर में कहा, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम मुझे कत्ल ही कर दोगे ना, तो कत्ल कर दो, मगर इतना याद रखना कि इस नगर में कर्नल विनोद भी रहता है जिसका असिस्टेंट कैप्टन हमीद है। हमीद मेरे बड़े लड़के का गहरा दोस्त है और मैं अपने बड़े लड़के को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। और अगर मैं तुम्हें कत्ल न करूँ तो? रंधा ने मुस्कुराकर पूछा। तो मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, दुमीचंद ने कहा। और ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी आशा से अधिक तुम्हें नजराने के तौर पर रकम दूं। अच्छी बात है, रंधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे वादे पर विश्वास करके वापस जा रहा हूँ, लेकिन अपने साथ तुम्हारी लड़की लेता जाऊंगा। जब तुम नजराने की रकम अदा कर दोगे तो मैं तुम्हारी लड़की तुम्हें वापस कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, दुमीचंद चीख पड़ा। अच्छी बात है, रंधा ने शांत स्वर में कहा। अब मैं तुम्हारे धन के साथ ही साथ तुम्हारी लड़की वीना को भी ले जाऊंगा और तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, दुमीचंद ने कहा। अब तक रंधा ने जो चाहा है वही हुआ है और अब भी वही होगा जो रंधा ने कहा है, रंधा ने कहा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। भयानक चित्कार के साथ दुमीचंद मसहरी पर तड़पने लगा। रंधा ने उसकी जेब से चाबियां निकाली और अपने साथियों को लिए हुए उस कमरे में पहुंच गया जिसमें तिजोरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर वस्तु के बारे में मालूम हो कि वह कहाँ है। जब तिजोरी खोलकर नोटे थैलों में भर ली गई तो फिर वह सब उस कमरे में आए जिसमें दुमीचंद की लड़की वीना सो रही थी। संतरी उसी प्रकार पड़ा हुआ था। रंधा ने सोती हुई वीना को बेहोशी की दवा सुंघाई। फिर एक ने वीना को उठाकर कंधे पर लादा और सब नीचे आ गए। रंधा ने फाटक खोला और सबको लिए हुए गली में आ गया। गली का पहरा देने वाले साथियों को संकेत किया कि और सब मिलजुल कर आगे बढ़े। गली में चाय की दुकानों पर बैठे हुए लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा।
मगर किसमें इतना साहस था कि उन्हें टोककर अपनी जान गंवाता। गली के अंत में सड़क पर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। रंधा अपने साथियों तथा थैलो और वीना सहित उसमें बैठ गया और स्टेशन वैगन चल पड़ी। उसके बाद लोग शोर मचाने लगे और कुछ ही क्षण बाद पुलिस की एक जीप रंधा के स्टेशन वैगन के पीछे लग गई। मगर कुछ ही क्षण बाद स्टेशन वैगन से लगातार दो फायर हुए और दो धमाकों के साथ पुलिस की जीप लड़खड़ाकर रुक गई। ड्राइवर की चतुर्यता का कारण जीप उलटने नहीं पाई थी। और फिर जब जीप ठीक होकर आगे बढ़ी तो रंधा की स्टेशन वैगन का दूर दूर तक पता नहीं था। टेलीफोन की घंटी लगातार बजने के कारण कैप्टन हमीद की आँख खुल गई और वह रिसीवर उठा माउथपीस में दहाड़ा, हेलो कैप्टन हमीद मर चुका है। कप्तान साहब, दूसरी ओर से किसी औरत की कपकपाती हुई आवाज आई। मैं 14 जॉर्ज रोड से सीमा बोल रही हूँ। आपने मुझे वीना के साथ देखा था? रंधा मेरी कोठी में दाखिल हो चुका है। हम सब खतरे में हैं और अब मैं कोतवाली फोन करने जा रही हूँ। टेलीफोन की घंटी लगातार बजने के कारण कैप्टन हमीद की आँख खुल गई और वह रिसीवर उठाकर माउथपीस में डाड़ा, हेलो कैप्टन हमीद मर चुका है। हमीद ने कुछ कहना चाहा था मगर संबंध कट चुका था। उसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर पतलून की जेब में रखा और हैंगर से कोट खींचकर पहनता हुआ बाहर निकला। आज पतलून पहनकर सोना काम आ गया था, वरना पतलून पहनने में काफी समय लगता। बाहर आकर उसने चौकीदार को कुछ आदेश दिए और गैराज से आस्टेन निकालकर जॉर्ज रोड की ओर चल पड़ा। पिछले कई महीनों से रंधा का नाम आतंक, विनाश और हत्या का सिंबल बन चुका था। उसने उसके द्वारा डाले जाने वाले डाकों के कारण कोई भी अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझता था। अभी कुछ ही दिनों पहले सेठ दुमीचंद की हत्या और उसकी लड़की वीना के अपहरण ने पूरे नगर में सनसनी फैला रखी थी कि पुलिस की जीप पर रंधा द्वारा किए गए फायरों ने और आतंक फैला दिया। रंधा दो बार गिरफ्तार हुआ था मगर दोनों बार भाग निकला था। पहली बार तो उस समय भाग निकला था जब उस पर मुकदमा चल रहा था और दूसरी बार उस दिन भागा था जिस दिन उसे फांसी की सजा मिली थी। अभी तक ये भी पता नहीं चल सका था कि रंधा की टोली में कितने आदमी थे और रंधा का शरण स्थल कहाँ था। इस समय हमीद यह सोच रहा था कि कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब कानून का सहारा लेना ही कानून के विरुद्ध काम करना होता है। जैसे यही रंधा का केस सेशन में चलने के बाद हाईकोर्ट में चला, मगर नतीजा क्या निकला? समय नष्ट हुआ और दोनों बार रंधा भाग भी निकला। होना तो ये चाहिए था कि जब वह गिरफ्तार हुआ था उसी वक्त उसे गोली मार दी जाती। यही बात उसने विनोद से भी कही थी और विनोद ने बड़ी गंभीरता के साथ उसे समझाया था। बात तो तुमने ठीक ही कही है, मगर प्रश्न यह है कि गोली मारने वाला कौन होगा? यह अधिकार किसे दिया जाएगा, मुझे या तुमको? और फिर इसकी क्या जमानत होगी कि कल हमारे हाथ किसी निर्दोष पर नहीं उठेंगे? हमीद ने तर्क तो नहीं किया था मगर संतुष्ट भी नहीं हुआ था। बराबर यही सोचता रहता था कि जब भी उसे रंधा मिलेगा वह रंधा को गोली मार देगा, चाहे परिणाम जो भी हो। और इस समय संयोगवश उसे अवसर मिल गया था। उसने जॉर्ज रोड पहुंचकर गाड़ी रोक दी और उतरकर पैदल 14 नंबर की कोठी के पिछले भाग की ओर चल पड़ा। आज रमेश को न्यूज स्टार के ऑफिस में काफी देर हो गई थी। हाल ही में जो सनसनीपूर्ण घटनाएं नगर में हुई थी उनका विचार करते हुए न्यूज स्टार के एडिटर ने उसे एक विशिष्ट राइटअप लिखने के लिए कहा था। इसी में देर हो गई थी। रमेश में राइटअप में सारा नजला पुलिस पर उतारा था। विनोद की अनुपस्थिति के कारण उसकी हिम्मत और खुल गई थी। यदि विनोद रहा होता तो उसके लेखने में इतनी कटुता न होती। 1 बजे रात में वह अंतिम कॉपी प्रेस को देने के बाद उठने की तैयारी कर ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। उसने मुंह बनाकर रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से सरला की आवाज आई। वो कह रही थी, मैंने घर पर फोन किया था, वहां से उत्तर न मिलने पर ऑफिस के नंबर पर रिंग किए। आज तुमको इतनी देर क्यों हो गई? तुम इस समय कहाँ हो और क्यों हो? रमेश ने पूछा। मैं इस समय जॉर्ज रोड के पब्लिक कॉल ऑफिस में हूँ, आवाज आई। और क्यों हूँ? इसका उत्तर यह है कि मैं लाल जी की सीमा के साथ साथ वीकेंड शो पिक्चर देखने गई थी। मैं उसी की गाड़ी में गई थी और पिक्चर देखने के बाद उसकी गाड़ी से लौटी भी थी। मैं तो पिक्चर देखने के बाद सीधी घर ही जाना चाहती थी, मगर सीमा जिद करके जॉर्ज रोड ले आई। वही होटल में हम दोनों ने भोजन किया। फिर सीमा ने कहा कि वह मुझे अपनी गाड़ी में मेरे फ्लैट पहुंचा देगी, मगर मैंने ये कहकर उसे अपना पीछा छुड़ा लिया कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचाने के बाद उसे अपने घर तक जाने में काफी देर हो जाएगी। वो मेरी बात मानकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपनी कोठी की ओर चली गई। मैं सड़क पर खड़ी होकर टैक्सी की प्रतीक्षा करने लगी कि अचानक बिजली फैल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं घबराकर सीमा की कोठी की ओर बढ़ी कि अचानक एक स्टेशन वैगन दिखाई पड़ी जो सीमा की कोठी की ही ओर जा रही थी।
वह सीमा की कोठी के कुछ इधर ही रुक गई और उसमें से 6 आदमी उतरे। फिर वह सीमा की कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गए। मेरा विचार ही नहीं वरना विश्वास है कि उनमें से एक रंधा था। अच्छा, तुम जहाँ हो वही ठहरो, मैं आ रहा हूँ, रमेश ने कहा और संबंध कट कर ऑफिस से बाहर निकल आया। दूसरे ही क्षण उसकी मोटरसाइकिल जॉर्ज रोड की ओर जा रही थी। सीमा की कोठी के लगभग 100 गज इधर ही रमेश ने सड़क के नीचे मोटरसाइकिल उतार कर खड़ी कर दी और पैदल चलता हुआ सीमा की कोठी के पिछले भाग की ओर आया और दीवार फलांग कर कंपाउंड में आ गया। सल्ला का बयान उसे 100% सच मालूम हुआ, इसलिए कि उसने एक सशस्त्र आदमी को कंपाउंड के फाटक पर खड़ा देखा था और एक सशस्त्र आदमी को कंपाउंड में देखा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि रंधा अपने 3 साथियों सहित कोठी के अंदर मौजूद है। वह पाँव दबाता हुआ इमारत की ओर बढ़ ही रहा था कि किसी औरत की चीख उसे सुनाई पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। चूंकि सीमा सरला की प्यारी सहेली थी, इसलिए रमेश से भी उसकी गाड़ी चनती थी और वह सरला के साथ कई बार सीमा की कोठी पर जा भी चुका था। सीमा उन लड़कियों में से थी जो संकट काल में भी अपने होशो आवाज पर अधिकार पर अधिकार रखती हो। उसके कई भाई थे मगर सभी उससे छोटे थे। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए अपने घर में वह लड़का ही समझी जाती थी। अपने पिता के सारे कारोबार की अधिपति थी, धरना जानती ही नहीं थी। स्वतंत्र विचार की थी, इसलिए न केवल अपनी सहेलियों में बल्कि अपने पिता के मित्रों तथा नगर के सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रिय थी। अधिक सुंदर तो नहीं थी मगर चूंकि बचपन ही से उसे व्यायाम का शौक था, इसलिए उसका शरीर सुगठित था। विश्वविद्यालय तक वह खेल कूद में भाग लेती रही थी। NCC की ट्रेनिंग में उसे बेस्ट क्रेडिट का प्राइज मिला था। निशानेबाजी में 1st आई थी। सीमा को घोचू टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वीना उसकी सहेली थी मगर सीमा के विचारानुसार वीना घुचू लड़की थी और सरला स्मार्ट, इसीलिए सरला से उसकी गाड़ी छनती थी। मगर जब वीना के पिता की हत्या हो गई और वीना का अपहरण हो गया तो उसने शपथ ग्रहण की कि वह रंधा का पता लगाकर रहेगी और वीना को मुक्त कराएगी। आज सरला को वह जबरदस्ती अपने साथ पिक्चर दिखाने ले गई थी। वापसी पर भोजन करने के बाद जब उसने सरला को उसके फ्लैट पर वापस पहुंचाना चाहा था तो सरला ने इनकार कर दिया था, इसलिए वह अपनी कोठी चली आई थी। कार गैराज में खड़ी करके अपने सोने वाले कमरे में आई थी। भोजन कर चुकी थी, बस सोना ही सोना था। चौकीदार उसे जागता हुआ मिला था, इसलिए संतुष्ट भी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कपड़े बदलने ही जा रही थी कि अचानक लाइट ऑफ हो गई और इमरजेंसी बल्ब चलने लगा। टेलीफोन का डायल भी चमकता रहा जिसे उसने खास ढंग से बनवाया था। वैसे तो लाइट का चला जाना कोई खास बात नहीं थी, बहुधा ऐसा होता ही रहता था, मगर आज लाइट ऑफ होते ही हल्की सी घरघराहट सुनाई देने लगी थी। सीमा ने इमरजेंसी बल्ब बुझा दिया और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखने लगी। सड़क का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कंपाउंड के फाटक से कुछ फासले पर किसी खड़ी गाड़ी की छाया नजर आ रही थी और कंपाउंड में 6 आदमी छाया समान नजर आ रहे थे जो कोठी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। रंधा, वो मन ही मन बड़बड़ाई और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। कोई दूसरी लड़की रही हो तो उसके हाथ पैर फूल गए होते या फिर उसने शोर मचाना आरंभ कर दिया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले कैप्टन हमीद को फोन किया, फिर कोतवाली के नंबर मिलाए। वहां इंस्पेक्टर आसिफ मिला था। संयोगवश वह उस समय कोतवाली में ही मौजूद था। रंधा के मामले में वही तफ्तीश कर रहा था। टेलीफोन करके वह संतुष्ट हो गई। उसे विश्वास था कि आज रंधा अवश्य गिरफ्तार हो जाएगा। रंधा के डाके डालने का तरीका ऐसा था कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता था, मगर आज पुलिस के पहुंचने की 100% संभावना थी। सीमा के संतोष के कुछ और कारण भी थे, जैसे यह कि वह जानती थी कि कोठी में बहुत थोड़े रुपए हैं। उसके पिता लालजी कालाधन घर या लॉकर में रखने के कायल नहीं थे, और यह कि जो रुपए और आभूषण थे भी तो वह ऐसे स्थान पर और इस प्रकार रखे हुए थे कि उन्हें प्राप्त करने में कम से कम आधा घंटा अवश्य लग सकता था, और सीमा के अनुमान के अनुसार पुलिस 10 मिनट में वहां पहुंच सकती थी। वह कदमों की आहट सुनती रही। आने वाले उसके कमरे के सामने सर से गुजरते आगे बढ़ गए, फिर पहले दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसके बाद लालजी की नींद में डूबी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है? रंधा, तुम्हारी लड़की सीमा कहाँ है? एक क्षण के लिए सीमा का दिल यह सोचकर धड़क उठा कि क्या वीना के सामने उसे भी रंधा अपने साथ लेना जाना चाहता है। फिर उसने सिर झटक दिया। कानों में इस प्रकार की आवाजें पड़ती रही। वह सिनेमा गई थी, अभी तक नहीं लौटी। तुम झूठ बोल रहे हो लालजी, वो कोठी में मौजूद है। तो फिर तलाश कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सेफ की कुंजी कहाँ है? ये लो, इनमें 2 अलमारियों की भी चाबियां है, मगर तुम्हें निराशा ही होगी रंधा, इसलिए कि मुश्किल से 4-5 हजार पा सकोगे। इतनी रकम तो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता था। कुछ क्षणों तक खड़खड़ की आवाज सुनाई देती रही, फिर आवाजें आने लगी। सीमा का बेडरूम किधर है?
इस कोठी में 12 कमरे हैं और हर कमरा उसका बेडरूम है। अच्छी बात है, मैं पता लगा लेता हूँ। तुम लोग पूरी कोठी में फैल जाओ और हर कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर यह ऐलान कर दो कि अगर 5 मिनट के अंदर सीमा अपने पिता लालजी के बेडरूम में नहीं पहुँची तो लालजी को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर दरवाज़ों के खटखटाने की आवाज़ें सीमा को सुनाई देने लगी। जब उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा गया तो उसने रेडियम डायल वाली अपनी रिस्ट वॉच देखी। कोतवाली फ़ोन किए हुए 10 मिनट बीत चुके थे और अब तक पुलिस का पता नहीं था। एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा, ये सोच कर कि रंधा जो कुछ कहता है उसे कर भी डालता है। उसे अपनी जान का मोह नहीं था, मगर वह अपने पिताजी को कत्ल होना नहीं देखना चाहती थी। उधर रंधा के दिए हुए समय में केवल 1 मिनट रह गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाते हाथों से कमरे की चिटकनी गिराकर दरवाजा खोला और बाहर निकली। एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था। अपनी समझ में वो बड़ी तेजी से अपने पिता के बेडरूम की ओर बढ़ी, मगर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वह चीख पड़ी, डैडी। हमीद सीमा की कोठी के पिछले भाग की ओर आया था। इतना उसे मालूम था कि रंधा अपने आदमियों के साथ जिस इमारत में दाखिल होता है उस इमारत के पिछले भाग पर अपना आदमी अवश्य तैनात रखता है। इसलिए उसने एक कंकरी उठाकर अंदर कंपाउंड में फेंकी, मगर जब कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई तो वह दीवार पर चढ़ गया और धीरे से कंपाउंड में उतर गया। उसने देखा कि एक आदमी दीवार की ओर से पोजीशन लेता हुआ कंपाउंड की ओर बढ़ रहा है और फिर दूसरी ओर भी उसे एक आदमी की झलक दिखाई दी, जो उसके अनुमान के अनुसार रंधा की टोली का आदमी नहीं हो सकता था। वो पेट के बल रेंगता हुआ इमारत की ओर बढ़ने लगा। फिर जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा, वैसे ही एक कमरे के दरवाजे के निकट उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो उधर बढ़ा ही था कि कंपाउंड की ओर से एक चीख की आवाज़ आई और फिर उस औरत की चीख उभरी, जो परछाई रूप दिखाई दी थी, और हमीद ने उस औरत को गिरते हुए देखा। हमीद तेजी से उस औरत की ओर बढ़ा। उसी समय उस कमरे से 3 आदमी निकले जिसके सामने वो औरत गिरी थी। तीनों में से एक उस औरत को उठाने के लिए झुका ही था कि हमीद उसके सिर पर पहुंच गया और गरज कर बोला, अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर उन्होंने हाथ उठाने के बजाय हमीद पर हमला कर दिया और हमीद ने अपने बचाव के लिए फायर करना आरंभ कर दिया, मगर इसका विचार रखा था कि गोलियां सीने पर न पड़ने पाए। एक के बाद एक दूसरी और तीसरी चीख उभरी, क्या हो रहा है? कमरे के अंदर से गरजदार आवाज आई, इतनी गोलियां क्यों चलाई जा रही है? पुलिस, बाहर से एक ने कराते हुए कहा। इतने में हमीद कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। कमरे में इमरजेंसी बल्ब जल रहा था। उसने उसकी रोशनी में रंधा और लालजी को देखा। रंधा कमरे में हमीद को देखकर चकित रह गया। हमीद ने न तो खुद रंधा पर फायर किया और न उसने रंधा को इतना असर दिया कि वह उस पर फायर करता। उसने रंधा पर छलांग लगा दी थी और रंधा को रेंगता हुआ दीवार तक ले गया था। बाहर रंधा के तीनों साथी कराते हुए उसी कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। शायद वह सब अपने सरदार रंधा को बचाना चाहते थे, मगर वे सफल न हो सके, इसलिए कि रमेश रंधा के उन साथियों को खत्म करके वहां पहुंच गया था जो कंपाउंड की देखभाल पर तैनात थे। ठीक उसी समय सर्च लाइट का प्रकाश उस पर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो पुलिस आ ही गई, इसलिए खिसक जाना चाहिए, मगर उसी समय उसे एक औरत की चीख सुनाई दी जो कह रही थी, तुम डैडी को देखो, मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर वह फिर चीखने लगी। पहले तो रमेश समझ ही न सका कि मामला क्या है, मगर जब ध्यान से देखा तो पता चला उन तीनों में से एक ने उस औरत को पकड़ लिया है। उसने उस औरत को पहचान भी लिया, वह सीमा थी। उन तीनों ने जब रमेश को देखा तो बौखला गए, फिर सीमा को छोड़कर फायर करते हुए कंपाउंड की ओर भागे। रमेश वहीं रुका रहा। उसी समय रंधा कमरे से बाहर निकला। उसके हाथों में टामिकन थी, वह अंधाधुन फायरिंग कर रहा था। उसे इसकी भी चिंता नहीं थी कि उसकी गोलियों का निशाना कौन बन रहा है। वो अपने ही एक साथी की लाश पर पाँव रखता हुआ बाहर आ गया और एक खंभे की आड़ लेकर फायरिंग करता रहा। रमेश पहले तो चीखता गया था, फिर पेट के बल रेंगता हुआ रंधा की ओर बढ़ने लगा। रंधा का विचार था कि रमेश उसकी गोलियों का निशाना बन गया होगा, इसीलिए वह रमेश की ओर से निश्चिंत था। और रमेश को भी यह नहीं मालूम था कि उसके पीछे भी कोई रेंगता हुआ आ रहा है। वह रेंगता हुआ रंधा के निकट पहुंच गया और उसके पैरों को पकड़कर झटका दिया। रंधा ने टामिगन निकाल नीचे की ओर झुकाना चाहिए ताकि रमेश पर फायर करे, मगर उसी समय एक भरपूर हाथ उसकी गुद्दी पर पड़ा और वह लहरा कर गिर पड़ा। फायरिंग बंद कीजिए, रमेश ने अपने पास ही हमीद की आवाज़ सुनी और चौंक कर दाहिनी ओर देखा। हमीद रंधा पर सवार था और उस पर घूसे बरसा रहा था। उसकी टामीगन दूर पड़ी हुई थी। फायरिंग बंद हो गई और फिर इंस्पेक्टर आसिफ दिखाई पड़ा। उसके अधरों पर विजय मुस्कान थी। उसने रंधा के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। रंधा के 4 साथियों की लाशें मिली थी। 5वां खुद रंधा था जो गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर 6वें आदमी का पता न चल सका और न वह स्टेशन वैगन ही मिल सकी जिसके बारे में सरला ने रमेश को बताया था और जिसे खुद रमेश और हमीद ने भी सड़क पर खड़ी देखी थी।
बहरहाल पुलिस की नजरों में जो कुछ था वह रंदा ही था और रंदा गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए एक प्रकार से सारा केस ही समाप्त हो चुका था। मगर अब भी दुख की बात यह थी कि वीना न मिल सकी थी और न उसका कोई सुराग मिल सका था। विनोद बाहर गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो उसने समाचार पत्रों में हमीद, रमेश और इंस्पेक्टर आसिफ के कृत्यों के विवरण पढ़े और मुस्कुरा कर रह गया। आपने किसी प्रकार की आलोचना नहीं की, हमीद ने कहा। मैं अधिक से अधिक बधाई दे सकता हूँ, विनोद ने कहा। सच्ची बात यह है कि आसिफ अकारण ही क्रेडिट ले रहा है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। रह गया रमेश, तो विश्वास कीजिए कि अगर मैं न पहुंच गया होता तो रंधा की टामीगन से उसकी खोपड़ी हजारों भागों में विभाजित कर दी होती। तुम लालजी के कमरे में क्या कर रहे थे, विनोद ने पूछा। तुम्हें तो रंधा के पीछे ही कमरे से निकल जाना चाहिए था। मैंने रंधा के पीछे झपटा था मगर ठोकर लग जाने के कारण गिर पड़ा, हमीद ने कहा। मगर सच बात यह थी कि वह रंधा का गुस्सा खाकर गिरा था और उसी समय अपने साथी के मुख से पुलिस का नाम सुन के रंधा बौखला कर कमरे से बाहर आ गया था, वरना हमीद का जिंदा बच पाना असंभव ही होता। रंधा अवश्य उसे गोली मार देता। इसका अर्थ यह हुआ कि सेहरा तुम्हारे सर बनना चाहिए, विनोद ने हंसकर कहा। वह तो अपने किस्मत में नहीं, हमीद ने ठंडी सांस खींचकर कहा। फिर सीना ठोककर बोला, मुझे तो अब इस बात का यकीन हो गया है कि मेरी आने वाली 7 पुश्तों में किसी के सर सेहरा न बन सकेगा। तुम्हें विश्वास है कि रंधा को फांसी दी जाएगी, विनोद ने पूछा। विश्वास न करने का कारण, क्या तुमको ये याद नहीं रहा कि पिछली बार भी उसे फांसी की सजा हुई थी मगर वो जेल से भाग निकला था। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, हमीद ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि पिछली बार बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा था, इसलिए उसे भागने का अवसर मिल गया था। वह तो इस बार भी होगा, विनोद ने हंसकर कहा। पहले सेशन, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक कहते हैं आप, मगर इस बार जेल के कर्मचारी पूरी तरह सतर्क रहेंगे, इसलिए कि पिछली बार उन लोगों को काफी सजा भोगनी पड़ी थी। देखो क्या होता है, विनोद ने कहा। वैसे रंधा की फांसी के बाद भी तुम्हारा काम बाकी रह जाता है। मेरा काम? हमीद ने चौंक कर कहा। मैं समझा नहीं, वीणा कहाँ है, विनोद ने पूछा। रंधा की गिरफ्तारी के बाद उससे तो मुक्त हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रंधा के अतिरिक्त कोई और भी है जो या तो रंधा का बाप है या फिर रंधा के बराबर का आदमी है? मेरे कहने की बात छोड़ो और केवल ये सोचो कि रंधा को फांसी हो भी सकेगी या नहीं, और उसकी फांसी के बाद भी खतरा समाप्त होगा या नहीं। ये सब आप सोचिए और जो करना हो कीजिए, हमीद ने कहा। मुझे कुछ नहीं करना है, इसीलिए कि मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करते फिर रहे हैं। इधर कई दिनों से आप गायब थे और अब आप लंदन जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम्हें तो यहाँ रहकर रंधा को फांसी दिलानी चाहिए, विनोद ने कहा। वो तो हो ही जाएगा, अचानक हमीद को चुप हो जाना पड़ा, इसलिए कि एक नौकर ने अंदर दाखिल होकर किसी का विजिटिंग कार्ड विनोद को थमा दिया था और विनोद उसे देखने लगा था। किसका कार्ड है, हमीद ने पूछा। मैं नहीं जानता, मगर मेरा विचार है कि तुम अवश्य जानते होगे, इसलिए तुम ही मिलो। मैं तो चला, विनोद ने कहा और कार्ड हमीद को देकर अंदर की ओर चला गया। हमीद ने कार्ड देखा, उस पर सीमा का नाम लिखा हुआ था। उसने नौकर से कहा, भेज दो। नौकर चला गया और हमीद अकड़ कर बैठ गया। वह इस समय अपने को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा था और इसी समझने की प्रतिक्रिया यह थी कि जब सीमा कमरे में दाखिल हुई तो वह उसका स्वागत करने के लिए नहीं उठा, बस रस्मि तौर पर इतना कह दिया कि तशरीफ रखिए। उधर सीमा की नजरें इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे वह हमीद से अत्यंत प्रभावित और आतंकित हो। वह हिचकिचाती हुई बैठी और रुक रुक कर कहने लगी, मैं क्षमा चाहती हूँ। किस बात के लिए, हमीद ने चौंक कर पूछा। आज 10 दिन बाद आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया था, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? वैसे आपके पिता लालजी मुझसे मिल लिए थे। वास्तव में 3 दिनों तक तो मैं अपने होशो हवास में थी ही नहीं, फिर मैं मिस्टर रमेश से मिली थी। वो मेरी सहेली सरला है ना, वो बदसूरत लड़की, हमीद ने बात काट कर कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरला जैसी निकम्मे लड़की को आपने अपनी सहेली कैसे। सीमा लाखों में एक है, इस बार सीमा ने बात काटी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इन्हीं कारणों से एक एक दिन व्यतीत होता गया और मैं आपसे न मिल सकी। आप लोगों ने जो कारनामा किया है उसकी प्रशंसा करना सूरज को चिराग दिखाना है। आप लोगों की यह कृति तो भुलाई नहीं जा सकती। मगर सच्ची बात तो यह है कि अगर आपने उस दिन फोन न किया होता तो आज भी रंधा उसी प्रकार दंदनाता फिर रहा होता। कर्नल साहब मौजूद नहीं है ना, सीमा ने पूछा। क्यों? आज संध्या को डैडी ने आप लोगों के सम्मान में डिनर की व्यवस्था की है। इसके लिए तो हमें क्षमा ही कीजिए, क्योंकि हम लोग इस प्रकार के निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, ये हमारा सिद्धांत है। बात अब सिद्धांत की आ गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा,
अब आज्ञा दीजिए, सीमा ने कहा और उठ गई। हमीद को सलाम किया और मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। हमीद ने सोचा कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे भी सीमा से बेतकल्लुफ होने का कोई साधन नहीं रहेगा, इसलिए वो उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आहट पाकर सीमा ने गर्दन मोड़ी और हमीद को अपनी ओर आता देखकर यही समझी कि वह उसे छोड़ने आ रहा है, इसीलिए वह रुक गई और हमीद की ओर घूमकर बोली, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, इसकी मंजिल बाद में आएगी, हमीद ने कहा। जी, सीमा बौखला कर बोली। वह हमीद की इस बात का अर्थ नहीं समझ सकी थी। मैं इस समय खुलकर आपसे बातें नहीं कर सकता, क्या आप संध्या को मुझसे मिल सकती है? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, आप संध्या को मेरी कुटिया पर आ जाइएगा, आपके घर पर नहीं बल्कि आर्लेक्चनो में, मुझे स्वीकार है, 7:30 बजे मैं लाउंज में मिलूंगा, हमीद ने कहा और अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि पहले तो उसने यही सोचा था कि सीमा खुद अपनी कार ड्राइव करके आई है, मगर अब वह कार की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी को देख रहा था। वह आदमी भी बराबर हमीद को घूरी जा रहा था। सीमा कार में बैठ गई और कार स्टार्ट होकर कंपाउंड के फाटक से गुजर भी गई, मगर हमीद वहीं खड़ा रहा। वह उसी आदमी के बारे में सोच रहा था तो परिचित ही, मगर हमीद को यही लग रहा था कि उसने उस आदमी को पहले भी देखा था, मगर यह याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहाँ देखा था। आर्लेक्चनो में प्रतिदिन कोई न कोई स्पेशल प्रोग्राम रहता था। आर्लेक्चनो के व्यवस्थापक इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि एक ही प्रकार के प्रोग्राम से तीसरे चौथे दिन ही उकताहट महसूस होने लगती है, इसलिए वह दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम बदलते रहते थे और इस परिवर्तन में भी इसका विचार रखते थे कि कल जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था उसी प्रोग्राम को आज कुछ नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाए। आज भी डांस ही का प्रोग्राम था, मगर शर्त ये थी कि डांस वाले हॉल में वही लोग दाखिल हो सकते थे जिन्होंने हॉल में दाखिल होने का टिकट लिया हो। दूसरी शर्त ये थी कि टिकट लेकर हॉल में दाखिल होने वाला हर व्यक्ति स्टेज पर 3 मिनट तक अपने नृत्य का प्रदर्शन करेगा। नारी और पुरुष का कोई प्रतिबंध नहीं होता। जो डांस करना न जानता हो वह भी स्टेज पर जा सकता था। उन्हें फ्रांसीसी डांसर मादाम जायरे डांस सिखाएगी। हमीद ने अपने लिए 2 टिकट प्राप्त किए थे। प्रोग्राम 9 बजे प्रारंभ होने वाला था और उसने सीमा को 7:30 का समय दिया था। विचार था कि 8 या 8:15 बजे तक डिनर से अवकाश मिल जाएगा और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वह प्रोग्राम में भाग ले सकेगा और यदि मूड आएगा तो वह भी मादाम जायरे के साथ अपने डांस का प्रदर्शन करेगा। उसने 5 बजे से ही तैयारी आरंभ कर दी थी, मगर हर समय यह डर लगा रहा था कि विनोद द्वारा कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। घर से रवाना होने से पहले विनोद उससे मिला था और यह कहकर कोठी से बाहर निकल गया था कि वह एक रिटायर्ड फौजी के साथ तार जम जा रहा है। सारांश यह है कि बन सवरकर पूरी आजादी के साथ हमें ठीक 7 बजे आर्लेक्चनो पहुंच गया। 7:30 बजे तक लाउंज में रहा, फिर डाइनिंग हॉल में बैठ गया, कॉफी मंगाई और हल्की हल्की चुस्कियों के साथ सीमा की प्रतीक्षा करने लगा। जिस प्रकार हवा का झोंका आता है और गुजर जाता है, उसी प्रकार हजारों लड़कियां हमीद के जीवन में आकर चली गई थी। हमीद ने न किसी के लिए बेचैनी महसूस की थी, न किसी के चले जाने के बाद उसका दिल तड़पा था और न वह किसी लड़की की का बंदी बनकर रहा था। बस अच्छी बात तो यह थी कि वह खुद ही लड़कियों से जल्द ही घबरा जाता था और खुद ही उन्हें छोड़कर किसी नई लड़की की तलाश में लग जाता था। लड़कियों से जबानी छेड़छाड़ के आगे वह नहीं जाता था। सीमा उसके लिए नई लड़की नहीं थी, सीमा उसके लिए नई ही लड़की थी। अधिक सुंदर तो नहीं थी, मगर उसकी दूसरी विशेषताएं किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सकती थी, फिर वह तो हमीद था। सीमा हॉल में दाखिल होती हुई नजर आई। इस समय भी उसके वस्त्रों में सादगी थी, मेकअप भी अत्यंत साधारण सा था। उसके साथ एक आदमी था जिससे वह हंसकर बातें कर रही थी। यह वही आदमी था जिसको वह सीमा की कार ड्राइव करते हुए देख चुका था। सीमा का उससे इस प्रकार हंस हंस कर बातें करना हमीद को बुरी प्रकार खल रहा था और यह भी महसूस कर रहा था कि वह आदमी उसे बुरी प्रकार घूर रहा था। वह सोचने लगा कि यदि अवसर मिला तो वह सीमा से उसके बारे में अवश्य पूछेगा। इस समय उसे यह याद नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को कब और कहाँ देखा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह वही आदमी है जिसकी उसे तलाश है। उस आदमी के साथ सीमा हमीद की मेज पर आ गई, मगर वह आदमी बैठा नहीं, फौरन ही वापस चला गया और सीमा मुस्कुराती हुई हमीद के सामने बैठ गई और बोली, कदाचित मुझे कुछ देर हो गई, मैं उस वक्त तक आपका इंतजार करता रहता जब तक यह होटल बंद न होता, हमीद ने स्वप्निल होकर कहा। सीमा की मुस्कान गहरी हो गई और हमीद ये सोचकर हर्षित हो उठा कि पहला ही तीर ठीक निशाने पर बैठा, इसलिए चहक कर बोला, डिनर में आपके लिए कोई स्पेशल आइटम? जो भी आप पसंद करेंगे वही मेरे लिए स्पेशल आइटम होगा, सीमा ने कहा। हमीद ने मेनू को देखकर बैरे को ऑर्डर दिया और सीमा की ओर देखने लगा, जिसकी नजरें हाल का परीक्षण
कर रही थी। उसने उसे संबोधित करके बोला, रमेश आपसे मिला था? हाँ, मगर सरला के साथ, वह भी रंधा की गिरफ्तारी पर हर्षित है। आपका ड्राइवर कितने दिनों से आपके साथ है? हमीद ने पूछा। ड्राइवर? सीमा चौंक कर बोली, मैं तो खुद ही कार ड्राइव करती हूँ, ड्राइवर तो आमतौर से पिताजी के साथ रहता है। इस समय जो साहब आपके साथ आए थे? ओह, सीमा हंसने लगी और फिर बोली, वो ड्राइवर नहीं है, मगर वह यही पसंद करते हैं कि उनका व्यक्तित्व किसी पर प्रकट न किया जाए। क्या मुझे भी आप उनके बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करेगी? विवशता है कैप्टन साहब, मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ, सीमा ने कहा। बस इतना कह सकती हूँ कि वह एक बड़े आदमी है, लेकिन आजकल अपने कारोबारी मामलों के कारण अपने व्यक्तित्व को छिपाए रखना चाहते हैं और लोगों के सामने भी रहना चाहते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वह मेकअप में थे? जी हाँ, सीमा ने कहा। हमीद ने कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। बैरा भी आकर मेज पर खाना लगाने लगा था। जब वह खाना लगा कर चला गया तो सीमा ने कहा, मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। मैं अपनी खुशकिस्मती पर अपने सितारों को मुबारकबाद दूंगा, हमीद ने कहा। आप मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सीमा हंसकर कहने लगी। आपको तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, फिर मैं क्या बनाऊंगा, हमीद ने कहा और फिर फौरन पूछा, मुझसे मिलने की इच्छा से मेरा सम्मान बढ़ाना या मेरे योग्य कोई सेवा थी? देखिए कप्तान साहब, अगर आप इस स्वर में मुझसे बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी या फिर खामोश बैठी रहूंगी, आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। बड़ी मुसीबत है, हमीद ने एक और करार से नीचे उतारते हुए कहा। मैं जब अपनी हार्दिक भावना का प्रदर्शन करता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ, और जब घरेलू किस्म की बातें करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं लड़कियों से बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं और क्या समझते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं केवल अपनी बात कर रही हूँ, मुझे इस प्रकार का स्वर पसंद नहीं। भोजन पच तो जाएगा ना, हमीद ने कहा। अगर आप इसी प्रकार की बातें करते रहे तो कदाचित न पच सके। मगर मैंने तो सुना था कि भोजन करते समय होने वाली बातें चूर्ण का काम करती है, हमीद ने कहा। अवश्य, लेकिन शर्त यह है कि बातें सुखदाई हो। शेक्सपियर ने कहा था कि उसने जो कुछ कहा था वो 300 साल पहले कहा था, सीमा ने बात काट कर कहा। आज की दुनिया दूसरी है, मगर कुछ सर्वकालीन सच्चाइयां भी होती है। सर्वकालीन सच्चाई केवल एक है और वह है व्यक्तित्व का प्रदर्शन। अगर इसको सच समझ लिया जाए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि रंधा के सारे कारनामे उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन ही थे। व्यक्तित्व का प्रदर्शन इस प्रकार होना चाहिए कि संघर्ष न हो, सीमा ने कहा। यही संघर्ष अपराधों को जन्म देता है। निसंदेह रंधा के सारे कारनामे उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन ही थे, मगर उसने कई कत्ल किए, कितनों को लूटा और अपहरण भी किए। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई क्योंकि बेरा आकर प्लेटें हटाने लगा था। जब मेज साफ हो गई और बेरा चला गया तो हमीद ने कहा, आपसे मैं तर्क ने करना नहीं चाहता, मगर आपसे मुझे कुछ बातें अवश्य कहनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। बहुत सारी बातें थी जो फिलहाल गुड़मुड़ हो गई है, इसलिए थोड़ी देर बाद कह सकूंगी। हाँ, ये बताइए कि रंधा को फांसी कब होगी? आप ये क्यों जानना चाह रही है? हमीद सतर्क होकर बैठ गया। बता दूंगी, मगर पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस दिन रंधा गिरफ्तार हुआ था, यदि उसके 15 दिन बाद गिरफ्तार हुआ होता तो हो सकता है कि स्थिति कुछ दूसरी होती, मगर चूंकि उसकी फांसी की तारीख नियत हो चुकी थी, इसलिए इस मध्य उसने जो भी जुर्म किए हैं उनके लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि फांसी की जो तारीख नियत की गई थी उसी तारीख को उसे फांसी हो जाएगी। वो तारीख कब है, सीमा ने पूछा। कल की रात गुजर कर 4 बजे सवेरे, हमीद ने कहा। मगर आप ये बात किसी से कहेगी नहीं, ये सरकारी रहस्य है, सीमा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इस प्रकार संतोष की सांस खींची जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसके सर से टल गया हो। फिर उसने पूछा, कर्नल साहब तो है ना? अभी तो है, मगर कदाचित शीघ्र ही बाहर जाने वाले हैं। इतने में माइक से आज के डांस के प्रोग्राम के सिलसिले में ऐलान होने लगा। आपको डांस में दिलचस्पी है, हमीद ने पूछा। केवल इस हद तक कि मुझे हमेशा आंगन टेढ़ा दिखाई देता है, मगर मेरा विचार है कि आप भी, जब तक 9 मन तेल न होगा, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने जहन को खाली छोड़ देना चाहती हूँ। तो फिर उठिए, डांस वाले हॉल में चले। क्या आपको स्टेज पर अपने डांस का कमाल दिखाना है, सीमा ने पूछा। नहीं, फिर मादाम जायरे के डांस का कमाल देखा जाएगा, इस तरह आपका बोझिल जहन भी हल्का हो जाएगा। वास्तव में मैं सरला की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? वो मेरी सहेली है। आपने भी किस बोर लड़की को सहेली बनाया है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। वो मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, वीना से भी अधिक, सीमा ने कहा। फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, वीना का कुछ पता चला?
अभी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, रंधा की गिरफ्तारी के बाद तो वीना को मुक्त हो जाना चाहिए था। यह आवश्यक नहीं था, इसलिए कि पुलिस न तो रंधा के हेडक्वार्टर का पता चला सकी और न ही रंधा ने कुछ बताया। आश्चर्य है, पुलिस तो सब कुछ उगलवा लेती है, केवल अपराधियों से, फांसी के अपराधी से नहीं। हमीद ने कहा, रंधा को यातनाएं नहीं दी जा सकती। रंधा ने कानूनी सहायता नहीं मांगी, सीमा ने पूछा। रंधा ने अब तक मुंह नहीं खोला। कोई उससे मिलने गया था, सीमा ने पूछा। उसका वकील, जिसने उसके मुकदमे की पैरवी की थी, और दो आदमी जिन्होंने अपने को रंधा का संबंधी बताया था। वे दोनों सीधे साधे देहाती थे, हमीद ने कहा। हो सकता है वो दोनों वीणा के बारे में जानते रहे हो। उनसे पूछगछ की गई थी, मगर उन्होंने कस्में खा खा कर अनभिज्ञता प्रकट की, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। रंधा का वकील कौन है, सीमा ने पूछा। मिस्टर राय, फौजदारी के मशहूर वकील, जिन्हें नगर का हर आदमी जानता है। एक बात समझ में नहीं आती कैप्टन, कि रंधा ने जहां जहां डाका डाला वो लोग कोई साधारण आदमी नहीं थे, मगर पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनमें इतनी अल्प रकम प्रकट की गई है कि मन मानने को तैयार नहीं होता, जबकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति डाका के बाद अत्यंत खराब हो गई है। ये तो सामने की बात है, हमीद ने हंसकर कहा। काले धन के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा के कौन अपनी गर्दन फंसवाता। ठीक कहा आपने, सीमा ने कहा। फिर बोली, मैं जिस कारणवश आपसे मिलना चाहती थी वो अभी तक आपको नहीं बताया। बताने की आवश्यकता भी क्या है, लिखकर दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ कब्र में लेता जाऊंगा, हमीद ने कहकर हंस पड़ा। मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है, इस बार सीमा का स्वर अत्यंत अर्थपूर्ण था। उसने अपने पर्स में से एक लिफाफा निकाला और उसे हमीद की ओर बढ़ाती हुई कहने लगी, ये मुझे कल संध्या की डाक से मिला है। हमीद ने लिफाफा उलट पलट कर देखा, पता अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था। RMS की मोहर लगी हुई थी। डाक में परसों लिफाफा डाला गया था और कल मिल गया था। उसने लिफाफा फाड़ कर अंदर से कागज निकाला, दबीज कागज था। उसने कागज की तह खोली, ऊपर मोनोग्राम बना हुआ था, फांसी का फंदा, और उसके नीचे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में रंधा लिखा हुआ था। इबारत हाथ से लिखी हुई थी, जनानी लिखावट थी, और नीचे वीना का नाम लिखा हुआ था। आप पहचानती है, यह तहरीर वीना ही की है, हमीद ने पूछा। जी हाँ, तो अब आप क्या कहना चाहती है, पहले आप पत्र पढ़ लीजिए फिर मैं कहूंगी। सहेलियां एक दूसरे से खुलकर बातें करती है, हो सकता है वीना ने इसमें आपके किसी रोमांस का उल्लेख किया हो, हमीद ने कहा। संसार की कोई भी नारी या कोई भी पुरुष रोमांस की भावना से खाली नहीं मिलेगा। मैं आपकी ये बात इसलिए सच नहीं मान सकता कि मेरी नजरों में एक ऐसा आदमी है। कौन है वो, सीमा ने पूछा। मेरा चीफ कर्नल विनोद, मैं इसे नहीं मान सकती, कोई न कोई उनकी प्रिया अवश्य रही होगी। प्रिया तो नहीं है, प्रिय कहा जा सकता है, मगर वह कौन है इसे भी सुन लीजिए। सांप, पहाड़, नदी, सागर इत्यादि, कभी कभी सार्विक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अपवादित का होना आवश्यक होता है। अरे बाप रे, इतने गाढ़े गाढ़े शब्द, हमीद ने हंसकर कहा। फिर पूछा, आपने तर्कशास्त्र पढ़ा है या दर्शनशास्त्र? दर्शनशास्त्र तथा तर्कशास्त्र के साथ साथ मानस शास्त्र भी पढ़ा है, सीमा ने गंभीरता के साथ कहा। या अल्लाह, रहम करना, हमीद ने छत की ओर देखते हुए ठंडी सांस खींचकर कहा। आपने अभी तक पत्र नहीं पढ़ा, सीमा ने कहा। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमीद ने कहा और पढ़ने लगा। लिखा था, सीमा रानी, मैं अत्यंत हर्षित हूँ, मैं कैद नहीं हूँ बल्कि तुम सबसे अधिक स्वतंत्र हो। तुम तो नगर में ही कार दौड़ाती फिरती हो, मगर मेरा मन जब चाहता है मैं वायुमंडल की ऊंचाइयों पर भी तैरती हूँ, और जब मन चाहता है सागर की लहरों से भी गुजरती हूँ। वो मुझे बहुत चाहते हैं, यह तो मैं नहीं कह सकती कि वह केवल मेरे ही है, किंतु मुझे इसकी चिंता भी नहीं है। तुम ये अवश्य सोच रही होगी कि आखिर मेरे वह कौन है, तो सुन लो, वह जो भी हो मेरे प्रियतम है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक वह तुम्हारे प्रियतम है। तुमसे मिलने को बहुत दिल चाहता है, तुम्हारे बिना जीवन सूना सूना सा लगता है। मैं तुमसे मिलने की सोच रही थी, मगर अब ये कह रही हूँ कि पहले तुम मुझसे मिलो ताकि आगे का प्रोग्राम तय किया जा सके, उसके बाद हम बराबर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो सुनो, परसों रात में अर्थात शुक्रवार के दिन 26 तारीख को पार्क एवेन्यू में 12वें फ्लैट में मुझसे मिलो, उस फ्लैट में मैं अकेली रहूंगी। मिल रही हो ना, बहुत सारे प्यार के साथ, तुम्हारी वीना। एक बात याद आ गई, तुम मेरी मुक्ति के लिए बड़ी कोशिश कर रही हो, इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कैद में नहीं हूँ। बस ये समझ लो कि मैं अपनी इच्छा से गई थी, पिताजी के मरने के मुझे भी दुख है, मगर अब हो ही क्या सकता है। हमीद ने ठंडी सांस खींचकर कागज और लिफाफा दोनों ही सीमा की ओर बढ़ा दिया और बोला, अब अगर आप कहे तो मैं आपको आवांगार इज्म पर बोर करूं।
अर्थात जो कुछ आज है वही जीवन का अर्जित है, भूत और भविष्य बकवास है। क्या मैं वीना से मिलूं? सीमा ने पूछा। मगर ये भी तो संभव है कि यह किसी प्रकार का जाल हो। हाँ, हो सकता है। तो क्या आप इसमें मेरी सहायता नहीं करेंगे? आप अगर मेरी सहायता चाहेगी तो मैं हाजिर हूँ। वीना ने अपने इस पत्र में रंधा की फांसी का कोई उल्लेख नहीं किया है, इसमें आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? इससे तो यही नतीजा निकलता है कि वीना को इसका विश्वास है कि रंधा को फांसी नहीं होगी। आपका क्या विचार है? मैं भी इसी नतीजे पर पहुंची हूँ, सीमा ने कहा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेगी कि आपका प्रियतम कौन है? हमीद ने कहा। फिर फौरन बोला, क्षमा कीजिएगा, यह आपका निजी मामला है इसीलिए मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए था, मगर घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए यह प्रश्न करना पड़ा है। सीमा के सलोनी चेहरे पर क्षण भर के लिए लालिमा छा गई। फिर उसने कहा, कैप्टन, संसार का हर पुरुष प्रेयसी की भावनाओं से अपने कल्पनाओं के रंग महल को सजाता है, और संसार की हर नारी का प्रियतम उसे जीवन का सौंदर्य प्रदान करता है। इसलिए मैं ये कह नहीं सकती कि आपकी भी कोई प्रेयसी होगी। मेरा भी कोई प्रियतम है, और कभी अवसर आया तो मैं उसका नाम भी बता दूंगी, मगर अभी नहीं। आइए अब डांसिंग हॉल में चला जाए। हमीद उठ ही रहा था कि अचानक पूरा डाइनिंग हॉल अंधकार में डूब गया। मेजें उलटने लगी, बर्तन टूटने लगे, चीखें उभरने लगी, और उन्हीं चीखों में से उसे सीमा की भी चीख सुनाई दी। उसने बौखला कर आवाज दी, सीमा। उत्तर में घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी जो कुछ दूर से आती हुई मालूम होती थी। हमीद आवाज की ओर मुड़ा, लोगों से टकराया भी, उलझकर गिरा भी, मगर आवाज की ओर बढ़ता रहा। और जब दरवाजे के निकट पहुंचा तो देखा कि एक आदमी किसी को भुजाओं पर उठाए चला जा रहा था। हमीद के अनुमान के अनुसार वह इस प्रकार ले जाई जाने वाली सीमा ही हो सकती थी। शोर हो रहा था, लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, कई आवाजें उभर रही थी, और किसी ने चीख कर कहा, ऑडिटोरियम में कई लाशें पड़ी हुई है, मादाम जायरे को गोली मार दी गई। हमीद यह सब सुन रहा था, मगर उसका दिमाग केवल सीमा में उलझा हुआ था, इसीलिए वह लोगों को धक्के देता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। और जब निकट पहुंचा तो उस आदमी की गुद्दी पर भरपूर हाथ मारा। वह आदमी मुंह के बल गिरा, सीमा उसके हाथों से छूट कर दूर जा पड़ी। हमीद उसकी ओर बढ़ा, मगर उसी समय किसी ने पीछे से उसके सर पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वह संभल न सका और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ इसका उसे पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। हमीद की आंखें खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दाखिल हो चुकी थी। वह चौंक कर उठ बैठा। ध्यान पूर्वक कमरे को देखने के बाद जब उसे विश्वास हो गया कि यह कमरा उसी का है तो हाथ सिर पर पहुंच गया। कई घूमड़ थे यह, मगर न तो उनमें दर्द था, न किसी प्रकार की जलन या टपक थी। फिर रात की घटनाएं याद आने लगी, और जब याद वहां पहुंच गई जहां उसके सिर पर प्रहार हुआ था और वह लड़खड़ा कर गिरा था, तो वह यह सोचने लगा कि कर्नल विनोद भी वहां अवश्य मौजूद था, वरना उसे वहां कौन लाता? सीधे सीधे किसी अस्पताल भेज दिया गया होता। अंगड़ाई लेकर उठा, कंधे पर तौलिया डाला, टेलीफोन के पास आया और सीमा के नंबर डायल किए। थोड़ी देर तक घंटी बजती रही, फिर किसी पुरुष की आवाज आई, हेलो, मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ और सीमा से बात करना चाहता हूँ। कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही, फिर सीमा की आवाज आई, हेलो, मैं सीमा बोल रही हूँ और मैं कैप्टन हमीद हूँ, आपके लिए अत्यंत चिंतित था, क्या हुआ था? मैं इस समय किसी प्रकार की बात नहीं कर सकती। ठीक है, फिर बातें होगी, हमीद ने कहा और संबंध कट गया। वह समझ गया था कि शायद फोन रिसीव करने वाला टेलीफोन के पास ही खड़ा था, इसीलिए सीमा ने कोई बात नहीं की, अवसर मिलते ही फोन करेगी। बहरहाल इतना इत्मीनान हो गया था कि सीमा सकुशल है। स्नान करने के बाद वह नाश्ते की मेज पर पहुंच गया, सामान लगा हुआ था। वह कुछ देर तक तो चमचा मेज पर खटखटाता रहा, मगर जब विनोद नहीं दिखाई दिया तो वह नाश्ता करने लगा, मगर कुछ ही क्षण बाद उकताहट और एकाकी का शिकार हो गया। गर्दन उठाकर नौकर की ओर देखा, फिर फाड़ कर चीखा, क्या मुझे इस नाश्ते की मेज पर अकेले मरना है? कप्तान साहब, नौकर डर कर हकलाने लगा, मैं पूछ रहा हूँ कि कर्नल साहब कहाँ है? हमीद ने आंखें निकाल कर कहा। नौकर ने उत्तर देने के बजाय जेब से एक लिफाफा निकाल कर हमीद के सामने रख दिया। ये क्या है बे? देख लीजिए साहब। हमीद ने लिफाफा खोलकर अंदर से कागज निकाला। राइटिंग विनोद की थी और लिखा हुआ था, बेटे हमीद, रात आर्लिक चेनू वाले तुम्हें उस समय कोठी में पहुंचा गए जबकि मैं मौजूद नहीं था। आने पर तुम्हें देखा, मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आर्लिक चेनू वालों से कुछ पूछता या तुम्हारे होश में आने की प्रतीक्षा करता, इसीलिए कि 1:30 बजे वाली फ्लाइट से लंदन जाना था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, यह पहला अवसर है जबकि तुम्हें रंधा जैसे खतरनाक आदमी से अकेले निपटना है। देखो कल 4 बजे सवेरे रंधा को फांसी होती भी है या नहीं।
मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलता, मगर व्यवस्था ये थी कि अगर रंधा की फांसी हो भी गई तब भी तुम्हारा काम शेष रह जाएगा। देखो, लड़ाई में सावधानी से बढ़कर कोई दूसरा हथियार नहीं होता, इसलिए पूरी तरह सतर्क रहना। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि लंदन से भी तुमसे संबंध स्थापित रखूं। तुम्हारी सफलता के लिए मैं दुआएं करता रहूंगा। रमेश का ख्याल रखना। तुम्हारा विनोद। हमीद के लिए यह पत्र बड़ा ही विचित्र साबित हुआ था। एक एक शब्द से प्यार और शुद्ध हृदयता टपक रही थी। उसका मन चाहा कि दहाड़े मार मार कर रोना आरंभ कर दे। विचित्र प्रकार की एकाकी और विवशता का एहसास हो रहा था। उसने अपने को संभाला और सोचने लगा कि आखिर विनोद ने रंधा के बारे में यह सब क्यों लिखा है। सीमा को किसने बचाया और आर्लेक्चुनो वाले अस्पताल ले जाने के बजाय कोठी पर क्यों लाए। अब भला नाश्ते में क्या मन लगता। उसने कॉफी पी, पाइप भरकर 2-3 कश लिए, फिर उठकर अपने कमरे में आया। पाइप बुझाकर अलमारी खोली और अपना छोटा वाला ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला और उसका चेंबर चेक करने के बाद डबल साइड वाला कोट और पतलून पहना। रेडीमेड मेकअप वाली स्प्रिंग निकालकर नथनों में फिट की और बाहर आ गया। मोटरसाइकिल निकालकर सीधे जेल की ओर रवाना हो गया। जेल के फाटक पर पहुंचकर उसने नथने से स्प्रिंग निकालकर जेब में रखी, कोट पलटकर पहना और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल दी। जेलर ने फिक्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। कोई खास बात, हमीद ने पूछा। अभी तक तो सब कुशल ही है, जेलर ने कहा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रंधा से मिलने के लिए उसका वकील और उसके 2 संबंधी आए थे। वो दोनों संबंधी आज 4 बजे संध्या को फिर आएंगे, यह मालूम करने के लिए कि रंधा की लाश उन्हें किस समय दी जाएगी। और कोई नई बात? रंधा की कोठरी पर जो संतरी तैनात है उसकी कुछ सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे, जब से रंधा दूसरी बार आया है उसने एक शब्द भी मुख से नहीं निकाला है। उसका चेहरा इतना बदल गया है कि कुछ लोगों के लिए तो कदाचित शिनाख्त में भी कठिनाई हो, और अक्सर रात में ऐसा महसूस होता है जैसे फुसफुसाहट के भाव में उससे कोई यह कह रहा हो कि फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद भी तुम नहीं मर सकते, भरोसा और विश्वास रखो। हमीद उछल पड़ा, फिर पूछा, वो आवाज रंधा की तो नहीं? जी नहीं, वह किसी औरत की आवाज लग रही थी, जेलर ने कहा। प्रकट है कि रंधा की कोठरी में किसी औरत की परछाई का पाया जाना भी असंभव है। पहले तो मैंने यही समझा था कि संतरी का भ्रम रहा होगा, मगर दूसरे और तीसरे संतरी ने भी यही रिपोर्ट दी। मगर आप इत्मीनान रखें, इस बार न केवल हम ही लोग चौकन्ने और मुस्तैद है, बल्कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, मैं सवेरे 5 बजे कल आऊंगा, हमीद कहता हुआ उठा और जेलर से हाथ मिलाकर फाटक की ओर बढ़ा। फाटक से निकलने से पहले ही वह फिर उसी मेकअप में आ गया जिसमें वह यहाँ आया था। बाहर निकलकर उसने फिर पहली वाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल में लगाई और उस पर बैठकर चल पड़ा। अब दोपहर हो चली थी और हमीद मोटरसाइकिल उड़ाए चला जा रहा था। रंधा गिरफ्तार हो चुका था, उसका गिरोह टूट चुका था, मगर फिर भी न जाने क्यों उसके मन में यह संदेह बना रहा था कि जैसे ही वह कोठी से निकलेगा वैसे ही उसका पीछा आराम हो जाएगा, और इसी आधार पर जो भी गाड़ी उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे दिखाई देती वह यही समझता कि वह गाड़ी उसके पीछे लगी हुई है। हमीद ने यह सोचा था कि कल वह सीमा के साथ पार्क एवेन्यू जाएगा, मगर वह वहां जाने से पहले एक बार अकेले पार्क एवेन्यू जाकर 12 नंबर वाला फ्लैट देख लेना चाहता था। उसका विचार था कि उस फ्लैट में जो भी रहता होगा उसका कुछ न कुछ संबंध उस लोगों से अवश्य होगा जिनके पास वीणा है। अब हमीद रेलवे पुल से आगे बढ़ गया था और अब शहर का खास इलाका भी समाप्त हो गया था। मोटरसाइकिल उस बाजार से गुजर रही थी जो नगर का रेड लैंप एरिया या सबसे अधिक चहल पहल वाला एरिया समझा जाता था। उसी एरिया के भीतरी भाग में सेठ दुमीचंद की कोठी थी। हमीद ने मोटरसाइकिल रोककर उस गली की ओर देखा जिसमें दुमीचंद की कोठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग दुमीचंद की हत्या को भूल चुके हैं और उन नौजवानों को भी सब्र आ गया है जो वीणा को देखकर ठंडी आह भरा करते थे। हमीद ने लंबी सांस खींचकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसी समय गली में एक कार दिखाई पड़ी जिसकी ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे कल हमीद ने आर्लेक्चनो में सीमा के साथ देखा था। पिछली सीट पर दुमीचंद का लड़का प्रकाश बैठा हुआ था जिससे हमीद की इतनी अच्छी मुलाकात थी कि उसे मित्रता ही कहा जा सकता था। वह कार हमीद के निकट ही से गुजर गई। प्रकाश ने उसे देखा भी था मगर कार रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। हमीद ने उसकी कार के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। उसे रह रहकर प्रकाश पर क्रोध आ रहा था जिसने उसे देखने के बाद भी उपेक्षित कर दिया था, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे अपने क्रोध पर हंसी आ गई, इसलिए कि वह तो मेकअप में था, फिर प्रकाश भला उसे कैसे पहचान सकता था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि प्रकाश ही तो है, फिर पीछा करने से क्या लाभ, मगर दूसरे ही क्षण वह आदमी याद आया जो कार ड्राइव कर रहा था। वह हमीद की नजरों से पहले से ही संदिग्ध था, मगर जब से सीमा ने उसके बारे में बताया था तब से उसे उस आदमी से और दिलचस्पी हो गई थी।
और उसने ये निश्चय कर लिया था कि अवसर पड़ने पर वह खुद उससे खुलकर बातें करेगा। बात केवल उसी आदमी की नहीं थी, बल्कि राहत के उत्पात ने और उलझन पैदा कर दी थी। हमीद की समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब रंधा गिरफ्तार हो गया तो फिर वह कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने सीमा का अपहरण करने की कोशिश की थी और मादाम जायरे का कत्ल किया था। उसने ये समझने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर मादाम जायरे को कत्ल क्यों किया गया, उसे किस खाने में रखा जाए, मगर समझ में ना आ सका था। मगर वह अभी भी सोच रहा था कि आर्लेचनो जाकर मादाम जायरे के प्रति भी छानबीन करनी चाहिए। विनोद की अनुपस्थिति के कारण उसे एक प्रकार से नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया था और फिर वह एकदम से चौंक पड़ा, इसलिए कि अब उसकी मोटरसाइकिल उस सड़क पर आ गई थी जो पार्क एवेन्यू की ओर जाती थी। प्रकाश वाली कार उसके आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क एवेन्यू के फ्लैटों के सामने पहुंचकर प्रकाश वाली गाड़ी रुक गई। हमीद ने भी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल रोक दी मगर नीचे उतरा नहीं। सीट पर बैठा हुआ वह आदमी दाहिनी ओर देख रहा था, मगर वास्तव में वह कनखियों से प्रकाश वाली कार को ही देख रहा था। कार से प्रकाश और वह कार ड्राइव करने वाला आदमी, जिसे ड्राइवर ही कहना उचित होगा, नीचे उतरे और बी ब्लॉक के फ्लैटों की ओर बढ़ने लगे। हमीद भी सीट से नीचे उतरा और उनके पीछे पीछे काफी फासला देकर चलता रहा। यहाँ तिजारती कंपनियों के बोर्ड भी नजर आ रहे थे, जिनसे ये बात साबित होती थी कि उन कंपनियों के ऑफिसेज भी है। हमीद को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बात क्या है, जो उन दोनों में से किसी ने भी एक बार मुड़कर पीछे नहीं देखा, बस वह चले जा रहे थे। फिर जब वे दोनों 12 नंबर के फ्लैट में दाखिल हुए तो हमीद की खोपड़ी हवा में नाचने लगी, इसलिए कि वीना ने इसी फ्लैट में सीमा को बुलाया था। और दूसरी चौंका देने तथा आश्चर्य में डालने वाली बात यह थी कि इस फ्लैट पर मिस्टर ए के राय एडवोकेट के नाम की परिचय पट्टिका लगी हुई थी। हमीद रुक कर बड़े ध्यान से परिचय पट्टिका देखने लगा। यह वही ए के राय एडवोकेट था जिसने रंधा के मामले में रंधा की ओर से उसके मुकदमे की पैरवी की थी। फौजदारी का इतना प्रसिद्ध वकील था कि नगर का हर आदमी उसे जानता था। फिर वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। यही उसका ऑफिस था। उसके सेक्रेटरी, पीए तथा क्लर्क यही बैठते थे। मुकदमों की फाइलें भी यही रहती थी। इस समय भी बहुत सारे लोग अंदर नजर आ रहे थे, जिसमें से कुछ ऊंग रहे थे, कुछ मौन थे और कुछ क्लर्कों से कानाफूसी कर रहे थे। अंदर का वातावरण शांत भी था और सनसनीपूर्ण भी। हमीद दरवाजे से बाहर ही खड़ा अंदर का दृश्य देखता रहा। प्रकाश और ड्राइवर चेंबर के अंदर गए और 5 ही मिनट में बाहर निकले। हमीद उनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि उसे सीमा नजर आई। कदाचित वह भी उन दोनों के बाद चेंबर से निकली थी, इसीलिए उन दोनों से कुछ पूछने का विचार उसने स्थगित कर दिया। वह दोनों उसके निकट से ही होते हुए नीचे चले जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए और वह वही खड़ा सीमा के बाहर निकलने का प्रतीक्षा करने लगा। और फिर जैसे ही सीमा बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी, हमीद ने उसका मार्ग रोककर उसे सलाम किया। सीमा के चेहरे पर विस्मय के लक्षण उत्पन्न हुए। उसने विचित्र नजरों से हमीद की ओर देखा और फिर पूछा, कहिए। और तब हमीद को एहसास हुआ कि वह मेकअप में है और सीमा का चकित हो जाना उचित है। उसने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। सीमा एकदम से भड़क उठी और आंखें तरेर कर बोली, आप होश में हैं या नहीं? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित है, फिर आप मुझसे एकांत में क्या बात करेंगे? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है देवी जी, हमीद ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। हमीद की मुस्कान ने सीमा के क्रोध पर घी का काम किया। उसने तीव्र स्वर में कहा, मैं आप जैसे नौजवानों को अच्छी तरह जानती पहचानती हूँ। कुशल इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हमीद उसके सामने से हट गया और वह तेजी के साथ आगे बढ़ गई। हमीद उसे सीढ़ियां तय करते हुए देखता रहा, फिर नथुने से स्प्रिंग निकालकर जेब में रखा और कोट उलट कर पहनता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे पहुंचा तो प्रकाश की मोटर स्टार्ट हो चुकी थी और सीमा अपनी कार में बैठने जा रही थी। फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी, वैसे ही हमीद उसके सामने आ गया। ओ कैप्टन, हेलो, माय गॉड, इस समय आप, अगर मैंने कुछ और मांगा होता तो मुझे मिल गया होता। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाकर यहाँ पहुंचा हूँ, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। अपने फोन के इंतजार में दिन सूख गया या आप सूख गए? सीमा ने शरारत भरे स्वर में कहा, फिर गंभीर होकर बोली, मैंने फोन किया था मगर आप मौजूद नहीं थे। क्या हम इसी प्रकार खड़े और बैठे बातें करते रहेंगे? हमीद ने कहा। ओह, क्षमा कीजिएगा, आइए बैठिए। नहीं, मैं मोटरसाइकिल से यहाँ आया हूँ और उसी से वापस जाऊंगा। आप आर्लेचनो पहुंचिए। आर्लेचनो? सीमा ने भयपूर्ण स्वर में कहा। हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, हमीद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, बहुत सारी बातों की सफाई वही हो सकेगी।
सीमा ने फिर कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट कर दी। हमीद ने उसकी कार के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। एक जगह सन्नाटा पाकर हमीद ने मोटरसाइकिल रोक दी। जल्दी से कोट उलटकर पहना, नथने में स्प्रिंग फिट किए, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। आलेख चनू के गेट में दाखिल होने के बाद हमीद ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और नीचे उतरकर सीमा की कार की ओर बढ़ा। सीमा कार रोककर नीचे उतर रही थी। हमीद झपट कर उसके सामने पहुंच गया। सीमा ने उसे देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम फिर आ गए, बड़े निर्लज्ज मालूम होते हो। शायद तुम मुझे जानते नहीं, क्या यही चाहते हो कि मैं यही सैंडलों से तुम्हारी पिटाई आरम्भ कर दूं? हमीद ने भयभीत हो जाने का अभिनय करते हुए इधर उधर देखा, चारों ओर सन्नाटा था। उसने नथुने से स्प्रिंग निकाला और सीमा चौंक कर एकदम पीछे हट गई। फिर विस्मय और भय से भरे हुए स्वर में बोली, तो वो भी आप ही थे? हाँ, हमीद ने कहा, शेष बातें मेज पर होगी। कुछ मसलतों के आधार पर मैं लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता। बात समाप्त करके हमीद ने फिर नथने में स्प्रिंग डाल दिए और सीमा को लिए हुए हॉल की ओर बढ़ा। मेरा विचार है कि कैबिन में बैठा जाए, सीमा ने कहा। ये उचित नहीं होगा। क्यों? सीमा ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूँ। कैबिन में बैठकर बातें करने से इसकी भी संभावना है कि कोई पर्दे से लगकर हमारी बातें सुन ले, लेकिन हॉल में बैठने से इसकी संभावना नहीं रहेगी, इसलिए कि हम सबको देखते रहेंगे और इस प्रकार हमारी बातें सुनने का किसी को अवसर न मिल सकेगा। समझी? ठीक कह रहे हैं आप। दोनों हाल में आकर एक मेज पर बैठ गए। गत रात्रि के उत्पात का प्रभाव अब भी नजर आ रहा था। बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे और बैरे भी भयभीत नजर आ रहे थे। हमीद ने एक बैरे को संकेत से बुलाकर पहले ऑर्डर दिया, फिर पूछा, मादाम जायरे की दशा अब कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे से बाहर है। कहाँ गोली लगी थी? बाई भुजा पर। और किसी को भी गोली लगी थी? जी नहीं, केवल छर्रे लगे थे जिनके कारण साधारण जख्म आए थे। गोली चलाने वाला तो पकड़ा लिया होगा? हमीद ने पूछा। नहीं, अभी तफ्तीश हो रही है। पुलिस वाले यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, सवेरे कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश और इंस्पेक्टर आसिफ साहब आए थे, मगर ये तो पता चल ही गया होगा कि गोली कहाँ से चलाई गई थी। जी हाँ, ग्रीन रूम के साइड स्क्रीन वाले भाग से चलाई गई थी। बेचारी मादाम जायरे, हमीद ने ठराड़ी सांस खींच कर कहा। हमीद ने ठंडी सांस खींच कर कहा, भला उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा न कहिए साहब, बैरे ने कहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखने में भोले लगने वाले लोग आफत के परकाले साबित होते हैं। तो क्या मादाम जायरे भी? मैं नहीं जानता साहब कि उनकी किसी से शत्रुता थी या नहीं, बैरे ने बात काट कर कहा, या उन्होंने किसी को हानि पहुंचाई थी या नहीं, मगर इतना अवश्य जानता हूं कि लोग उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनकी ओर से संदिग्ध थे। हाँ साहब, केवल काफी हो या और कुछ भी? सैंडविचेस, हमीद ने कहा और बहरा चला गया। हाँ देवी जी, हमीद ने सीमा से कहा, अब आप सुनाइए, कल रात आप यहाँ से अपने घर कैसे पहुंची? मैं बहुत परेशान हूँ कैप्टन, सीमा ने कहा, फिर बड़ी बेतकल्लुफी से बोली, फिर किसी वक्त मजाक कर लेना। कमाल है, भला इसमें मजाक की क्या बात है? फिर क्या है, क्या आपने मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाया था? हमीद खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर बोला, मैं तो ये समझ रहा था कि तुमने मुझे मेरे घर पहुंचाया होगा। क्या बात हुई? सीमा उसे विचित्र नजरों से देखने लगी। शायद तुम अब तक मेरी बातों को मजाक ही समझ रही हो। तो फिर क्या समझूं? इस पर हमीद ने कल रात वाली बातें बताते हुए कहा, तुम्हारी चीख सुनकर मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़ा था, मगर इस बुरी प्रकार मार खाकर गिरा था कि बेहोश हो गया था। मगर जब आँख खुली थी तो मैंने अपने आप को अपने घर के स्लीपिंग रूम में मसहरी पर पड़ा पाया था। सीमा ने इस प्रकार हमीद की ओर देखा जैसे उसे हमीद की बातों पर विश्वास न हुआ हो। फिर वो कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। वैसे मेरी कहानी भी सुन लो। जब यहाँ हाल में अंधेरा हुआ था तो कुछ लोगों ने मुझे अपने बंधन में लिया था, फिर मैंने उनके बंधन से अपने को मुक्त भी देखा था और अंधेरे के बावजूद आपको पहचान भी लिया था। लोग भागे जा रहे थे और उन्हीं के रेले में मैं भी आगे की ओर खिसकती जा रही थी। इसी प्रकार जब कंपाउंड में पहुंची थी तो एक सिपाही ने बड़ी शिष्टता से मुझे सलाम किया था, फिर मुझे मेरी कार में बैठा कर मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था। उसने मुझसे यही कहा था कि वह सब कुछ कैप्टन की आज्ञा पर कर रहा है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वह सिपाही था? हमीद ने पूछा। उसकी वर्दी से। उसका हुलिया क्या था? काफी आयु का आदमी था, दाढ़ी और मूछों के बाल पके हुए थे। तुमसे उसने मेरे बारे में और कुछ नहीं पूछा था? हमीद ने प्रश्न किया। पूछा था, उसने उत्तर दिया था कि कैप्टन हमीद उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जिन्होंने आप पर हमला किया था। तुम्हारे घर पर कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। हमीद को ऐसे लगा जैसे सीमा कुछ छिपा रही हो, इसीलिए उसने पूछा। मगर जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब उस समय कुछ लोग बैठे हुए थे, सीमा ने जल्दी से बात काट कर कहा,
और मैं उन पर यह प्रकट करना नहीं चाहती थी कि मैं आपके पास थी या यह कि मैं आलेखचनों में गई थी। मिस्टर राय या रंधा का वकील या पार्क अवेन्यू का 12 नंबर वाला फ्लैट, मेरा विचार है कि यह तीनों वस्तुएं एक ही है। हाँ, सीमा ने कहा, और वीना ने कल रात में तुम्हें उसी फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, तो फिर इस समय तुम वहाँ क्यों गई थी, हमीद ने पूछा। मैं उस ओर यह पता लगाने गई थी कि पार्क अवेन्यू के बाहर नंबर वाले फ्लैट में कौन रहता है, वीना यहाँ किस प्रकार आएगी, और यह कि अगर हम लोग उससे मिलने गए तो किसी कठिनाई या विपत्ति में तो नहीं पड़ जाएगी। मगर मैंने तो तुमको वकील के चेंबर से निकलते हुए देखा था। मैं चेंबर में इसलिए गई थी कि मिस्टर राय से बातें करके वीना के प्रति कुछ मालूम कर सकूं। तो बातें हो पाई थी? हाँ। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। मिस्टर राय कुछ क्षणों तक तो रस्मी बातें करते रहे, फिर कहने लगे कि कानून का पहला सिद्धांत यह है कि चाहे 10,000 अपराधी छूट जाए मगर किसी निर्दोष को सजा न होने पाए। फिर कहने लगे कि मैं इसी सिद्धांत को मानता हूँ और इसी कोशिश में रहता हूँ कि किसी निर्दोष को सजा न होने पाए। इसके बाद रंधा का जिक्र करते हुए कहने लगे कि रंधा के साथ कानून को इतना कठोर दंड देकर निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फांसी की सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो पूरे समाज को कत्ल कर रहे हैं। रंधा तो केवल कुछ लोगों को उस समय कत्ल करता था जब वह उसकी मांग पूरी नहीं करते थे। मैं कहता हूँ कि तुमने वीना के बारे में भी कुछ बातें की थी या नहीं, हमीद ने झल्लाकर पूछा। मेरे पूछने के पहले वह कहने लगे थे कि रंधा को फांसी से किसी को क्या लाभ पहुंच सकता है, अतिरिक्त इसके कि एक जान और चली जाएगी। जो लोग मार डाले गए वो जिंदा नहीं हो सकते, जिनके माल लूट गए वो न तो बरामद हो सके और न उनको वापस मिले जो उनके पाने के सही अधिकारी थे। यहाँ तक कि सेठ दुमीचंद की लड़की का जो अपहरण हुआ था वह भी न मिल सकी, और रंधा की फांसी के बाद पुलिस को उसके मिलने की आशा नहीं। मिस्टर राय को इसका विश्वास है कि रंधा को फांसी हो जाएगी, हमीद ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानती, वैसे वो यही कह रहे थे कि एक सच्चे और ईमानदार वकील के समान वो आज फिर रंधा की जान बचाने की अंतिम कोशिश करेंगे। तुमने अपने ड्राइवर साहब को देखा था, हमीद ने पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, वह अभी धूमीचंद के लड़के प्रकाश के साथ वहां गए थे। आखिर तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए हो, बड़े आदर से उसका उल्लेख कर रही हो, हमीद ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर गंभीर होता हुआ बोला, बात वास्तव में यह है कि जब कोई बात मेरी समझ में नहीं आती तो मुझे उसकी कुरेद हो जाती है। वो ड्राइवर साहब मुझे रहस्यपूर्ण आदमी मालूम पड़ते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आदमी मेरा देखा हुआ है, कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे उस आदमी की तलाश है। सुनिए कप्तान साहब, सीमा जरूरत से ज्यादा गंभीर होकर बोली, वो ड्राइवर साहब मेरे मित्र है, इसलिए मैं उनके विरुद्ध कोई एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। उनके बारे में अगर आप पता लगाना चाहेंगे तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, मगर आप उनके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। वो तुम्हारे कैसे मित्र है कि उन्होंने तुमसे बात करना भी पसंद नहीं किया, हमीद ने चुपते हुए स्वर में कहा। मैं इस पर किसी प्रकार की समालोचना नहीं कर सकती। इस मध्य बैरा ऑर्डर की चीजें लाकर रख गया था और सैंडविचेस खाने के बाद अब दोनों काफी की चुस्कियां ले रहे थे। तुम्हारे ड्राइवर को प्रकाश किस हैसियत से जानता है, हमीद ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं बता सकती, और सच्ची बात तो यह है कि मैं जानती ही नहीं, आज प्रथम बार मैंने दोनों को एक साथ देखा था, हमीद ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही क्षण बाद बैरा ने बिल लाकर सामने रख दिया। हमीद ने बिल पेमेंट किया और फिर उठना ही चाह रहा था कि सीमा ने कहा, तो रंधा को फांसी हो जाएगी? हाँ, हमीद ने कहा, मगर सुना तो ये जा रहा है कि जिस आदमी को फांसी दी जाएगी वो रंधा नहीं है, रंधा फरार हो चुका है। ये असंभव है, रंधा के आदमी अभी जीवित है, क्या वो रंधा को बचाने का यत्न नहीं करेंगे? जो भी हो, मगर मैं इतना जानता हूँ कि रंधा को कल सवेरे का सूरज देखना नसीब नहीं होगा, हमीद ने कहा और एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। फिर सीमा की आंखों में देखता हुआ बोला, मगर अब मेरे लिए रंधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे ड्राइवर साहब, तुम्हारी वीना और तुम खुद हो। मैं? सीमा ने उठते हुए कहा, भला मैं क्यों? इसलिए कि तुम बहुत सारी बातें छिपाए हुए हो, जो पूछता हूँ उसका गोलमोल उत्तर देती हो, टाल भी जाती और इस प्रकार मुझे सच्चाई तक भी पहुँचने नहीं दे रही हो। कैप्टन, मैं केवल इतना ही कहूंगी कि तुम मेरे प्रति भ्रम में हो, मेरे प्रति भ्रम में हो, हमीद ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, सीमा भी उसके पीछे थी। कंपाउंड में पहुंचकर सीमा ने पूछा, कल रात का प्रोग्राम? कल दोपहर में तय होगा, हमीद ने कहा और उस ओर मुड़ गया जिधर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। सीमा भी हमीद का उत्तर सुनने के बाद अपनी कार की ओर बढ़ गई थी। हमीद अब सीधा घर की ओर जा रहा था। विनोद की अनुपस्थिति के कारण वह मानसिक थकावट का शिकार हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह सालों से मोटरसाइकिल पर बैठा सफर कर रहा हो।
मोटरसाइकिल गैरेज में खड़ी करके वह अपने कमरे में पहुंचा और बिना कपड़े उतारे ही बिस्तर पर ढेर हो गया। दूसरे ही क्षण वह गहरी नींद सो रहा था। आँख खुली तो कमरे में गहरा अंधेरा था। उसने अपने रेडियम डायल वाली रिस्ट वॉच देखी, 7 बज रहे थे। उसने उठकर सबसे पहले स्विच ऑन किया मगर अंधेरा दूर नहीं हुआ। वह चौंक कर घूमना ही चाहता था कि गर्दन के पिछले भाग पर कोई ठंडी सी वस्तु आ लगी और फिर उसे किसी की मंद सी फुफकार सुनाई दी, चुपचाप बाहर की ओर चलो। हमीद को जीवन में प्रथम बार इस प्रकार की दुर्घटना से दोचार होना पड़ा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि विनोद की कोठी में दाखिल होकर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया हो। यही वह अनुभूति थी जिसने उसे बौखला दिया था और उसके हाथ पांव फूल गए थे। वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। गर्दन से वह ठंडी वस्तु लगी रही। बाहर निकलने के बाद भी वह वस्तु उसी प्रकार गर्दन से लगी रही। पूरी कोठी और पूरा कंपाउंड अंधकार में डूबा था। इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि हमीद का दम घुटने लगा था। रखवाली करने वाले कुत्ते तो खैर रात में 12 बजे खुलते थे मगर नौकरों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। यद्यपि अभी 7 ही बजे थे मगर जाड़े का मौसम होने के कारण अच्छी खासी रात मालूम हो रही थी। गेट पर अंदर की ओर एक कार खड़ी थी और उसके पास ही 2 आदमी इस प्रकार खड़े थे कि सड़क पर से देखे नहीं जा सकते थे। कार की अगली ओर पिछली दोनों सीटों के दरवाजे खुले हुए थे। हमीद जैसे ही कार के निकट पहुंचा उन दोनों आदमियों ने उसे जकड़ लिया और फिर हमीद को जकड़े हुए ही पिछली सीट पर बैठ गए और उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया जो हमीद को रिवॉल्वर के जोर पर यहां तक लाया था। फिर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी ओर का दरवाजा बंद किया और कार स्टार्ट कर दी। कार जब गेट से बाहर निकली तो हमीद ने रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली खौफनाक आवाज सुनी। कैप्टन हमीद, आज तुमको केवल वार्निंग दी गई है मगर कल तुमको मौत का संदेश मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा, हमीद ने निर्भय होने का प्रणाम देने के लिए चेक कर कहा। उन तमाम लोगों को जिन्होंने रंधा की गिरफ्तारी में भाग लिया है, जैसे तुम, रमेश, इंस्पेक्टर आसिफ और सीमा इत्यादि, और उन समस्त लोगों को जिन्होंने रंधा के विरुद्ध गवाही दी है, कल से सजा दी जाएगी। तो फिर कल क्यों, आज ही सजा देनी हो वो दे दो। नहीं, आज नहीं, आज तो तुम्हें आसिफ को, रमेश को और सीमा को बस वार्निंग दी जा रही है। सवेरे 9 बजे तुम लोग फिर अपने घरों पर होगे और यदि फांसी का ड्रामा खेला गया तो फिर कल के बाद रंधा अपने हाथों से तुम लोगों को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि रंधा को फांसी नहीं होगी? हाँ, इसकी संभावना है, और अगर हो गई तो फिर रंधा तुम लोगों को दंड देगा। फांसी पाने के बाद रंधा दंड देगा? हा हा हा, हमीद ने अट्टहास लगाते हुए कहा। तुम बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो दोस्त। अधिक बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है कप्तान साहब, ड्राइविंग सीट से आवाज आई। इसी से अनुमान लगा लो कि तुम्हें तुम्हारी कोठी से इस प्रकार ले जाया जा रहा है। तुम लोग हमारे सामने चूहों के समान हो। बस मुझे एक बात का दुख है। वो भी बता दो, हमीद ने कहा। कर्नल विनोद होता तो उसे भी इसी प्रकार बांध कर ले जाता और उसे अजायब खाने में रखता। तुम कौन हो, हमीद ने पूछा। क्या तुमने रंधा की आवाज कभी नहीं सुनी? केवल एक बार सुनी थी, तब भी तुम्हें पहचान लेना चाहिए था। तुम झूठे हो, हमीद ने तीव्र स्वर में कहा। रंधा जेल में है, तुम रंधा नहीं हो सकते। छोटे, ड्राइविंग सीट से गर्जना सुनाई दी। इसके जबड़े पर एक घूसा जड़ दो, ये असभ्य है, इसने मुझे झूठा कहा है। और फिर प्रथम इसके कि हमीद अपना बचाव कर सकता, जबड़े पर इतना शानदार घूसा पड़ा कि न केवल तारे बल्कि आंखों के सामने चांद सूरज तक नाच गए और फिर कुछ याद नहीं रहा। रात का समय था, सर्दी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सरला दांत कटकटाने लगी थी। वो अभी तक जाग रही थी। जागने का कारण यह था कि रमेश ने कहा था कि वो 11 बजे तक अवश्य आ जाएगा, मगर इंतजार करते करते अब 12 बज रहे थे। घबरा कर वो फ्लैट से बाहर निकल आई, सड़क की ओर देखा जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वो कुछ देर तक सड़क की ओर देखती रही, फिर उसे ख्याल आया कि रमेश की मोटरसाइकिल तो यही है, फिर क्यों न वो न्यू स्टार के ऑफिस ही जा पहुँचे। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद वह अंदर आई, ओवरकोट पहनकर रिवॉल्वर जेब में डाला, दूसरे जेब में सिगरेट का एक पैकेट डाला और गैराज से रमेश की मोटरसाइकिल निकाली। मगर अभी उसे स्टार्ट भी न करने पाई थी कि न जाने किधर से आकर 3 आदमियों ने उसे घेर लिया। उसमें से केवल एक के हाथ में रिवॉल्वर था। सरला भौचक्का रहेगी, तुम शोर नहीं बचाऊंगी, अच्छी लड़की, वरना यह रिवॉल्वर भी शोर मचाना नहीं जानता, रिवॉल्वर वाले ने कहा। सरला ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, तीनों के चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे। जिसके हाथ में रिवॉल्वर था वह लंबे कद का स्वस्थ आदमी था, शेष दोनों भी स्वस्थ ही थे मगर नाटे कद के थे। मैं नहीं समझ सकती कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इस हरकत का क्या अर्थ होता है, सरला ने अपनी समझ में अकड़ कर कहा, मगर सच्ची बात तो यह थी कि उसकी आवाज भीख मांग रही थी। सुनो,
हम तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, रिवॉल्वर वाले ने कहा। मगर इस बार उसके स्वर में कोमलता थी। हम तुम्हें केवल यह सूचना देने आए हैं कि आज की रात अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने हमीद को गिरफ्तार कर लिया है और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथी रमेश को भी गिरफ्तार करके एक जगह भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर आसिफ भी रमेश के साथ ही था, इसीलिए उसे गिरफ्तार करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। और अब हम यहाँ से सीधे सीमा के आ जाएंगे, इसलिए कि उसे भी गिरफ्तार करना है। मगर क्यों? सरला ने पूछा। इसलिए कि तुम और उन लोगों ने जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं रंधा की गिरफ्तारी में भाग लिया था। तुम तथा इन लोगों के विचार में आज रंधा की फांसी की रात है, इसलिए तुम सबको आज की रात कैद में रहना है। कल सवेरे तुम सब लोग छोड़ दिए जाओगे और यदि रंधा को फांसी हो गई तो वह रंधा एक जान के बदले चार जाने लेगा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई? क्यों नहीं समझी? फांसी तो रंधा ही को होने वाली है ना, सरला ने पूछा। हाँ, तो फिर फांसी पा जाने के बाद वह किसी की जान कैसे ले सकता है? वह तो मर चुका होगा, रिवॉल्वर वाले ने अट्टहास लगाया और बोला। रंधा कभी नहीं मर सकता। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो कुछ समझ भी नहीं सकती, सरला ने झल्लाकर कहा। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमको समझाऊं, इसीलिए अब अपनी चोंच बंद ही रखो। कदाचित तुम कहीं जा रही थी। हाँ, तो अपना इरादा बदल दो, सीट से नीचे उतरो और फ्लैट के अंदर चलो। सरला मोटरसाइकिल से उतर तो गई मगर फ्लैट के दरवाजे की ओर नहीं बढ़ी, बस वही खड़ी रही। शायद किसी अवसर की ताक में थी, मगर वह लोग भी कम चालाक नहीं थे। कदाचित उन्होंने उसका इरादा भांप लिया था, इसीलिए कि एक ने बढ़कर उसकी मोटरसाइकिल संभाल ली और दूसरे ने उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। सरला के मुंह से चीख की आवाज भी ना निकल सकी, इसीलिए कि चीखी तो थी वो पूरी शक्ति से, मगर मुंह पर पड़ने वाला हाथ भी उतना ही जबरदस्त था। शाटे, रिवॉल्वर वाले ने कहा, अधिक दम की आवश्यकता नहीं है, इसे इसके कमरे में ले चलो और इसकी मोटरसाइकिल गैरेज में खड़ी करके गैरेज में ताला बंद कर दो। सरला की केवल आंखें खुली रह सकी। फिर दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। उन लोगों ने उसको दोनों हाथ से बांध दिया था और मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। फिर सरला ने अपनी बाई भुजा में चुभन सी महसूस की। उसके बाद उसके हाथ भी खोल दिए और मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया गया था। जब हाथ आजाद हुए तो वह उठकर बैठ गई। उसने ओवरकोट की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर पूरे शरीर में थरथरी पड़ गई। न रिवॉल्वर ही निकल सकी और न चीख ही सकी। जेब में हाथ डाले वह मसहरी पर ढेर हो गई। उसने एक भयंकर अट्टहास सुना और फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। सीमा सोने की तैयारी कर रही थी। आर्लेक्चनों में हमीद की बातों ने उसे काफी परेशान कर रखा था। हमीद बार बार उसे ड्राइवर के बारे में पूछ रहा था, मगर वह तो खैर हमीद ही था। अगर उसका बाप लालची भी उसे ड्राइवर के बारे में पूछता तो वह उसे भी न बताती। मगर ड्राइवर से अधिक फिलहाल उसके जहन पर एक ही प्रश्न छाया हुआ था और वह प्रश्न था कि सवेरे 4 बजे रंधा को फांसी होगी या नहीं। रंधा को फांसी होना या न होना खुद उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। यदि रंधा को फांसी हो गई तब तो वह आज़ाद है, और अगर उसे फांसी न हुई तो फिर शायद उसे अपना पूरा जीवन रंधा के विलास गृह में व्यतीत करना पड़ेगा। सीमा ये जानती थी कि अगर रंधा को फांसी नहीं हुई तो वह उसे किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ेगा, और ये बात तो उसे बहुत पहले से मालूम थी कि रंधा उसका अपहरण करना चाहता है। अपहरण का ध्येय भी उसे मालूम था। रंधा उसे अपने रतिगुरु की शोभा बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, वरना यह भी कि रंधा खुद उसे और उसके पिता लालजी को ब्लैकमेल करके धन प्राप्त करता रहेगा। आज सीमा देर से घर पहुंची थी। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से क्लब में डिनर दिया गया था जिसमें वह भी सम्मिलित हुई थी। डिनर के बाद शराब का दौर चलता रहा था और सीमा भी कोका कोला सिप करती रही थी। सिप से बोतल हिला हिला कर उसमें झाग पैदा करके यह प्रकट करती रही थी कि उसमें किक पैदा हो रही है। और इस प्रकार उन लोगों का साथ देने के बबाद जब बिजनेस की बातें आरंभ हुई थी तो 5 करोड़ के उस प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों में मिस्टर नौशेर भी सम्मिलित थे, प्रकाश सुहराब भी जी और मिस्टर मेहता भी शामिल थे। यह तो कहा नहीं जा सकता था कि उनमें से कितने दिलों में हंगामे मचल रहे थे, मगर सीमा ने इतना अवश्य महसूस किया था कि उनमें से हर एक कनखियों से सही ललचाई हुई नज़रों से उसे देख लेता था। 12:15 बजे मीटिंग बर्खास्त हुई थी और घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे, और अब वह विचारों में उलझी हुई कपड़े बदलकर सोने के लिए मसहरी की ओर बढ़ रही थी कि अचानक कमरे में 3 आदमी दाखिल हुए, जिनमें से 2 तो नाटे कद के थे और 1 लंबे कद का था। तीनों के चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे। सीमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई
रंधा की गिरफ्तारी के बाद से वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई दूसरा इस प्रकार निर्भीकता के साथ उसकी कोठी में दाखिल हो सकता है। लंबे आदमी के हाथ में रिवॉल्वर था। उसने फुफकार भरे स्वर में कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना है सीमा? कहा, कहा? सीमा ने हकलाकर पूछा। वहां जहां हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं, रिवॉल्वर वाले ने कहा। कैप्टन हमीद, इंस्पेक्टर आसिफ और रमेश हमारी कैद में है। सरला को थोड़ी ही देर पहले बेहोश करके हम उसके कमरे में डाल आए हैं और अब तुम्हारी बारी है। मगर क्यों? सीमा ने भय के साथ हकलाते हुए कहा। इसलिए कि तुमने भी रंधा की गिरफ्तारी में भाग लिया था, रिवॉल्वर वाले ने कहा। जिन लोगों ने इसका दुस्साहस किया था वो सब हमारी कैद में आ चुके हैं और आज की रात उन सब पर भारी होगी। कल सवेरे लगभग 9 बजे तक तुम सबको हमारी कैद में रहना है। उसके बाद तुम्हारी तकदीरों का फैसला किया जाएगा। तुम हो कौन? सीमा ने पूछा। आश्चर्य कि तुम मुझे नहीं पहचानती, रिवॉल्वर वाले ने कहा। क्या तुमने रंधा की आवाज़ कभी नहीं सुनी? सुनी है, मगर तुम रंधा नहीं हो। काश, तुम नहीं जान सकती, रिवॉल्वर वाले ने कहा और फिर हंसता हुआ बोला, कोई भी नहीं जान सकता कि रंधा कौन है। सवेरे 4 बजे रंधा को फांसी हो जाएगी, मगर जेल के सारे छोटे बड़े कर्मचारी परेशान हैं कि जिस आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जिसे सवेरे 4 बजे फांसी दी जाएगी, वह रंधा ही है या कोई दूसरा आदमी है? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने अधीरता के साथ पूछा। मगर रिवॉल्वर वाला अपनी बात कहता रहा। जेल का कर्मचारी वर्ग कहता है कि रंधा की शक्ल बदल गई है। उन्होंने सारे जतन कर डाले मगर रंधा ने मुख नहीं खोला। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि वह क्यों परेशान है। सीमा ने फिर कुछ कहना चाहा मगर रिवॉल्वर वाले ने हाथ उठाकर कहा, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। तुमको हमारे साथ चलना है। बस यह दो बातें, सीधी प्रकार चलोगी या आपत्ति उत्पन्न करोगी। और फिर प्रथम इसके कि सीमा कुछ भी कहती, रिवॉल्वर वाले ने फिर कहना आरम्भ किया, अगर तुमने आपत्ति उत्पन्न की तो 2-4 तमाचे खाओगी, 2-4 घूसे भी सहन करने पड़ेंगे और तुम्हारे बालों को पकड़कर झटके भी दिए जाएंगे और ले जाया भी जाएगा। और यदि तुमने आपत्ति नहीं की तो फिर किसी प्रकार की यातना नहीं दी जाएगी। अब बताओ क्या कहती हो, मुझे बेइज्जत तो नहीं करोगे? सीमा ने पूछा। नहीं, सीमा ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। छोटे, रिवॉल्वर वाले ने दोनों में से एक को संबोधित करके कहा, सीमा को इज्जत के साथ कार में बैठा दो और वहां पहुंचा दो जहां हमीद इत्यादि है। मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। दोनों में से एक ने सीमा को चलने का संकेत दिया। सीमा दरवाजे की ओर बढ़ी, कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई, फिर कंपाउंड में उतर गई। तमाम बत्तियां जल रही थी मगर प्रतिरोध करने वाला एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। और इस पर सीमा को आश्चर्य था, रिवॉल्वर वाला उन तीनों के पीछे आ रहा था। कंपाउंड के बाहर एक कार खड़ी थी। जब कार के निकट से पहुंच गए तो रिवॉल्वर वाले ने खुद पिछली सीट का दरवाजा खोला, सीमा को अंदर बैठाया और कोमल स्वर में बोला, तुम वादे की पक्की मालूम होती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तुमने केवल हमीद, आसिफ और रमेश ही को गिरफ्तार किया है? सीमा ने पूछा। हाँ, क्यों? मेरे बाद भी किसी को गिरफ्तार करोगे? नहीं, जिनको गिरफ्तार किया है उन सबको कत्ल कर डालोगे? नहीं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जब तुम्हें अब कुछ करना ही नहीं है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अभी मुझे उन लोगों के पास जाना है जिन्होंने रंधा के खिलाफ गवाहियां दी है। उन लोगों के पास भी जाना है जिन्होंने रंधा के वकील मिस्टर ए के राय को इसीलिए रिश्वत दी है कि वह रंधा के केस को बिगाड़ दे। और कुछ पूछना है? बस एक बात, सीमा ने कहा। फिर पूछो, क्या तुमने मेरे डैडी को कत्ल कर डाला है? नहीं, वो अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। सीमा ने संतोष की सांस ली और रिवॉल्वर वाले ने अपने साथियों से कहा, अब जाओ। दोनों में से एक सीमा के बगल में बैठ गया और दूसरे ने ड्राइविंग सीट संभाल कर कार स्टार्ट कर दी। वह नगर का बाहरी इलाका था। यहाँ वह लोग आबाद थे जो मिल और फैक्ट्रियों में काम करते थे। उनके फ्लैट ऐसा लगता था जैसे कांजी हाउस हो, एक के ऊपर एक। रातों में तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ घरों में लोग जिस करवट सोते थे उसी करवट सवेरा कर देते थे, दूसरी करवट भी नहीं बदल सकते थे। ऐसी बस्ती में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई आलीशान इमारत भी होगी। इस बस्ती में रहने वाले अपने भाग्य पर संतुष्ट थे। गर्मी के दिनों में फ्लैटों के सामने वाला मैदान रात में आबाद रहता था और जाड़े की रातों में भी यही होता था। एक लिहाफ में कई कई आदमी रात व्यतीत करते थे। लिहाफ की गर्मी से अधिक मानव शरीर की गर्मी उन्हें सुख पहुंचाती थी, मगर बरसात का मौसम उनके लिए बड़ा दुखदायी और कष्टदायक होता था। मगर इस इलाके में कभी कभी कारें दिखाई दे जाती थी,
कहा जाता था कि फैक्ट्री के कुछ ऐसे अफसर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों को कार से पहुंचाने आते हैं जिनके दिलों में इंसानी हमदर्दी की भावना है। यह कारें सड़क के किनारे रुकती थी और फिर गायब हो जाती थी, इसलिए यह कौन सोच सकता था कि यह एक आलीशान इमारत होगी। अगर होती तो नजर अवश्य आती, मगर यह एक शानदार इमारत थी। 20वीं शताब्दी के इस चमत्कारिक और जादुई युग में यह इमारत अपने समस्त अस्तित्व के साथ तमाम सौंदर्य को समेटे हुए मौजूद थी। अब यह और बात है कि उसे देखने के लिए नज़र चाहिए थी और नज़र पैदा करने के लिए जेब का भारी होना आवश्यक था। इतना भारी कि एक रात में कम से कम 100 के नोटों की 4-5 गड्डियां खर्च की जा सके। यह आलीशान इमारत जमीन के अंदर थी। एक फ्लैट जिसमें केवल एक आदमी अपनी पत्नी और साली के साथ रहता था, उसी फ्लैट के नीचे यह इमारत थी। उसकी पत्नी और साली दोनों ही जवान और सुंदर थी। देखने में यह आप मजदूर औरतों की तरह नहीं नजर आती थी बल्कि शहजादियां मालूम होती थी। यह फ्लैट सड़क से लगभग 10-15 गज के फासले पर था। पहले यह गोदाम था, फिर जब फ्लैट बनने लगे तो उसी गोदाम के ऊपर यह फ्लैट बन गया। वह गोदाम फ्लैट के नीचे चला गया। बाद में वही गोदाम एक आलीशान इमारत बन गया जिसमें जाने का रास्ता उसी फ्लैट के अंदर से था। यह बात कदाचित वहां के रहने वालों को मालूम नहीं थी, और अगर मालूम भी थी तो उन्हें इतना अवकाश कहाँ था कि वह इत्मीनान से बैठकर यह सोचते कि गोदाम तो ऊपर था, फिर नीचे कैसे चला गया? गोदाम क्यों और कैसे एक आलीशान इमारत में परिवर्तित हो गया? उसमें क्या है, कौन रहता है, इत्यादि इत्यादि। इस समय उसी शानदार इमारत में दो नंगी लड़कियां नाच रही थी और 4 आदमी बैठे और लेटे हुए शराब पी रहे थे। या तो उनकी निगाहों की भूख मर चुकी थी या फिर उनके जहनों पर इतना बोझ था कि वो अपनी दुनिया के इस दृश्य से आनंद नहीं उठा पा रहे थे। आखिर एक ने उकताए हुए स्वर में कहा, बंद करो यार। फिर उसने दोनों लड़कियों को संकेत किया और वो चली गई। हाँ भाई, आप बिजनेस? दूसरा बोला, क्यों ना हम लोग मन को शांति प्रदान करने वाली कोई दवा खाकर सो जाए। तीसरे ने कहा, सो जाना तो कयामत है। चौथे ने कहा, मैं कहता हूँ सो जाने का सवाल कहाँ से पैदा होता है। दूसरे ने कहा, जब शराब से शांति नहीं मिली तो फिर दवा से क्या होगा, इसीलिए अच्छा यही है कि बिजनेस की बात की जाए। फिर वह चारों इस प्रकार की बातें करने लगे। सवाल यह है कि आज जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। ओह, तो क्या तुम प्रोजेक्ट के लिए चिंतित हो? तो फिर किस लिए मुझे चिंतित होना चाहिए? रंधा के बारे में। हम लोग तो रंधा ही के बारे में सोच रहे हैं। क्यों, रंधा क्यों? मैंने पता लगा लिया है, 3 या 4 घंटे बाद उसे फांसी हो जाएगी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये बड़ी अच्छी खबर है। हाँ है तो, मगर बुरी खबरें भी है। वह क्या? यह कि रंधा के बारे में यह रिपोर्ट है कि उसका चेहरा बदला हुआ है। तो फिर क्या यह नहीं हो सकता कि गिरफ्तार तो रंधा ही किया गया हो मगर इस बार उसका सान किसी दूसरे ने ले लिया हो? ये कैसे हो सकता है? रंधा के प्रति हर बार मुझे संभव मालूम होती है। जब वह 2 बार जेल से फरार हो सकता है तो फिर उससे मिलता जुलता कोई आदमी उसका स्थान भी ले सकता है। हो सकता है कि आरंभ से ही रंधा रहे हो। यह सब हमारा भ्रम है। पहली बार जब रंधा जेल से फरार नहीं हुआ था और हमें यह सूचना मिली थी कि रंधा जेल से फरार हो जाएगा, तब भी यही कहा गया था कि यह हमारा भ्रम मात्र है। मगर नतीजा क्या निकला? हमारी हजामत बन गई। और यदि इस बार भी रंधा को फांसी न हो सकी तो शायद वाक्य पूरा ना हो सका। सब चौक पड़े और उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे, इसलिए कि वह उस दृश्य को देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जिस दृश्य को अब वह देख रहे थे। उनके स्वप्न में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि इस तहखाने में कोई और भी आ सकता है, विशेष रूप से जब आने वाला रंधा हो। रंधा के अधरों पर मुस्कान थी। वह दोनों हाथ कमर पर रखे निर्भीक खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर उसने अत्यंत कटुस्वर में कहा, छोटे बच्चों को हाउ कहकर डराते हैं, लेकिन अगर मैं मुंह आगे बढ़ाकर धीरे से हाउ कह दूं तो तुम सबके हार्ट फेल हो जाएंगे। क्यों? कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब एक क्षण के अंदर अंदर अपने अपने गिलास खाली कर दो, रंधा ने कहा। वह डरे हुए चारों आदमी जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो। उन्होंने एक ही एक घूट में अपने अपने गिलास खाली कर दिए। अब अपने अपने खाली गिलास अपने अपने सिरों पर रख दो, रंधा ने दूसरी आज्ञा दी। उन चारों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। रंधा ने हंसकर बोला, मैं केवल ये देखना चाहता था कि रंधा का आतंक उतना ही है या उसमें कोई कमी हुई है, मगर साबित ये हुआ कि अभी रंधा के नाम उतना ही आतंक है। तो तुम्हें तो 4 घंटे बाद फांसी होने वाली है, एक ने साहस करके कहा। हाँ, और अब फांसी पाने के लिए मैं वापस जेल जा रहा हूँ, रंधा ने मुस्कुरा कर कहा। जेल वापस जा रहे हो? उसने आश्चर्य के साथ कहा और अपने साथियों की ओर देखने लगा। हाँ, और इसलिए वापस जा रहा हूँ कि फांसी पा जाने के बाद और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा,
रंधा ने कहा और हंस पड़ा। सवाल यह है कि तुम यहां कैसे पहुंचे, दूसरे ने कहा और हंस पड़ा। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारी कोठियों तक पहुंच जाता था, रंधा का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। तुम यहां क्यों आए हो? अपनी एक वस्तु वापस लेने, रंधा ने कहा। कौन सी वस्तु? चारों ने एक साथ कहा। तुम्हारी तो कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे ही धन तुम्हारे पास है। मेरी एक वस्तु मेरी अनुपस्थिति में हथिया ली गई है। कौन सी वस्तु? चारों ने एक साथ पूछा। वह सब अब चकित दृष्टि से रंधा को देख रहे थे। वीणा, रंधा ने उत्तर में कहा, हम में से किसी को भी संगीत से कोई शौक नहीं है, और न हमें यह मालूम है कि कभी तुम्हारे पास वीणा थी। तुम तो राइफल, टामीगन और रिवॉल्वर के रसिया हो। मैं उस वीणा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे वीणा, वीणा और बांसुरी कहते हैं, रंधा ने गंभीरता के साथ कहा। मैं उस वीणा की बात कर रहा हूँ जो हार्ड मांस की एक लड़की है और जिसे मैंने हरण किया था। सेठ दुमीचंद की लड़की वीणा, एक ने पूछा। हाँ, वही वीणा जो दुमीचंद की लड़की और प्रकाश की बहन है, रंधा ने कहा। वह कहा है? इस बात को हम में से कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि हम जानते ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते या नहीं बताना चाहते तो कोई परवाह नहीं, तुम्हारा कोई भाई बंद उसका पता बता देगा, रंधा ने कहा। अब तुम लोग उठ जाओ। वह क्यों? चारों ने एक साथ पूछा। तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। हमें कहाँ ले जाओगे? जहां मेरा दिल चाहेगा। मगर क्यों? मैं तुम लोगों को अपना कैदी अपनी कैद में रखूंगा, रंधा ने कहा। मगर तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम जेल वापस जाओगे। अवश्य जाऊंगा, मगर तुम लोगों को अपनी कैद में डालने के बाद, रंधा ने मुस्कुराकर कहा। फिर एकदम से खौफनाक स्वर में कहने लगा, मुझे इस बात का पता लग चुका है कि किसी ने मेरे वकील मिस्टर राय को इसलिए गहरी रिश्वत दी है कि वह मेरा मुकदमा बिगाड़ दे और मुझे फांसी हो जाए। और मुझे यह भी मालूम है कि कोई उस धन की तलाश में है जो मैंने तुम लोगों से छीन कर एकत्रित कर रखी है। तुम लोगों को कान खोलकर यह सुन और समझ लेना चाहिए कि मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करना नहीं जानता। मिसाल के तौर पर सुन लो कि कैप्टन हमीद, इंस्पेक्टर आसिफ, रमेश और सीमा मेरी कैद में हैं, और अब मैं तुम लोगों को भी अपना कैदी बनाने जा रहा हूँ। कल सवेरे 9 बजे तक मैं तुम सब लोगों को मुक्त कर दूंगा, और फिर परसों शायद तुम सब मार डाले जाओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज कुछ घंटों के लिए तुम हमें क्षमा कर दो? चारों में से एक ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगर हम जाने से इनकार कर दे तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय यहाँ एक दूसरे की तड़पती हुई लाशें देखनी पड़ेगी, और मेरा विचार है कि तुम में से किसी को ये बात पसंद न होगी। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। रंधा उनके पीछे चल रहा था। वो चारों मन ही मन इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि वह निहत्ते क्यों है। अगर इस समय उनके पास तरकारी काटने वाला चाकू भी होता तो काम दे जाता, मगर ये केवल उनके सोचने की ही बात थी। तब भी वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए कि इस समय रंधा भी निहत्ता ही था। अगर वह चारों लिपट पड़ते तो रंधा कठिनाई में पड़ जाता, मगर उनमें इतना साहस ही नहीं था। वह बाहर आ गए। रंधा अब भी उनके पीछे ही चल रहा था, मगर अगर वह चाहते तो इधर उधर भाग सकते थे। इस प्रकार अगर होता तो बस इतना ही होता कि रंधा दौड़कर किसी एक को पकड़ लेता, मगर शेष तीन तो अवश्य ही बच निकलते। वह बाहर निकलने के बाद शेर शोर भी मचा सकते थे, उनकी आवाजें सुनकर लोग अवश्य दौड़ पड़ते, और इस प्रकार हो सकता था कि रंधा अपने बचाव के लिए उन्हें छोड़कर भाग खड़ा होता, इसलिए कि वह निहत्ता था। मगर था तो रंधा ही, जिसका केवल नाम सुनकर बड़ बड़ों को पसीना आ जाता था। फिर जब वह सामने हो तो भला कौन आतंकित नहीं हो सकता था। सारांश ये कि वह चारों उसके आदेश पर चलते हुए सड़क तक आए जहां एक कार खड़ी थी। रंधा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, तुम लोगों ने किसी प्रकार की शरारत नहीं की, इसीलिए मैं तुम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब खामोशी के साथ तीन आदमी पिछली सीट पर और एक आदमी अगली सीट पर बैठ जाओ। जब वह चारों बैठ गए तो रंधा ने खुद दरवाजा बंद किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। रात के 3 बज रहे थे। ठंड अपने पूरे यौवन पर थी। सड़कें सुनसान थी, गहरा कोहरा पड़ने के कारण अब ट्रक भी नहीं चल रहे थे। पुलिस के वह सिपाही जो रात में गश्त करते थे उनका भी कहीं पता नहीं था, कदाचित वह भी कहीं दबके पड़े थे। मगर ऐसे में भी एक मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ रही थी। एक आदमी चला आ रहा था और दो आदमी पीछे बैठे हुए थे। गति काफी सुस्त थी, तेज हो भी सकती थी, इसलिए कि एक तो गहरा कोहरा पड़ रहा था और दूसरे मोटरसाइकिल की हेडलाइट बुझी हुई थी। पीछे बैठने वाले दोनों आदमियों में से एक के हाथ में टॉर्च थी, जिसे वह कभी कभी चला लेता था और एक क्षण के लिए सड़क पर मंद सा प्रकाश फैल जाता था। फिर मोटरसाइकिल उस सड़क पर मुड़ गई जिस पर जेल की इमारत थी। प्रोग्राम क्या है, पीछे बैठने वालों दोनों में से एक ने पूछा। जेल की चार दीवारी के पास बम रखना है, अगली सीट वाले ने कहा। लाभ? कुछ न कुछ तो होगा ही,
फिर खामोशी छा गई और मोटरसाइकिल आगे बढ़ती रही। जेल की चार दीवारी से थोड़े फासले पर सड़क पर ही मोटरसाइकिल रुक गई और तीनों नीचे उतर पड़े। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपने दोनों साथियों में से एक को बम थमा दिया। न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है, बम लेने वाले ने कहा। आश्चर्य की बात है, दूसरे ने कहा, जब तुमको डर लग रहा है तो फिर हम लोगों की क्या दशा होगी। मैं तो भागने वालों में से हूँ, बम वाले ने फीकी हंसी के साथ कहा। हाँ, मगर आज दीवार से 100 गज की दूरी पर जमीन खोदकर वह बम तुम्हें काटना है, फिर उसके बाद भागना है। और अगर तुम बम फेंक कर भाग आए तो सब चौपट हो जाएगा। एक आदमी को इस मोटरसाइकिल की रक्षा करनी है और एक आदमी को खुद तुम्हारी रक्षा करनी है, चौथा कोई नहीं है। फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा? मगर आखिर तुम हिचकिचा कर रहे हो। मैं हिचकिचा तो नहीं रहा हूँ, उस आदमी ने कहा। फिर धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती उसके पैर पकड़ती जा रही हो। अंत में वह उस स्थान तक पहुंच ही गया जहां उसे जमीन खोदकर बम गाड़ना था। वह इस काम में निपुण भी समझा जाता था। खुला हुआ स्थान और इसने कड़ाके की सर्दी। अगर उसने हाथों पर ऑइंटमेंट न लगा लिया होता तो शायद हाथ काम नहीं कर सकते थे। गड्ढा खोदकर उसने बम रखा और मिट्टी बराबर कर दी। मगर अभी उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। अभी उसे उस तार के दूसरे सिरे को दीवार तक पहुंचाना था जिसका एक सिरा बम से अटैच था। वह तार को पकड़े हुए धीरे धीरे जेल की दीवार की ओर बढ़ने लगा। मगर उसी समय उसे मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, क्या वो दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हैं, वह बड़बड़ाया और फिर तार फेंक कर सड़क की ओर भागना ही चाहता था कि जोरदार धमाका हुआ और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। इतना भयानक धमाका कि भागती हुई मोटरसाइकिल एक क्षण के लिए झटका खा गई थी। हमारे इस प्रकार भाग आने से वह बहुत नाराज होगा, मोटरसाइकिल चलाने वाले ने कहा। वह अब हम लोगों में वापस नहीं आएगा तो नाराज क्या होगा, पिछली सीट पर बैठने वाले ने कहा। मैं समझा नहीं, क्या तुम ऊंघ रहे हो? जी नहीं तो, क्या तुमने धमाके की आवाज नहीं सुनी थी? क्या उस जोरदार धमाके के कारण यह मोटरसाइकिल एक क्षण के लिए झटका नहीं खा गई थी? यह सब कुछ तो हुआ था, मगर इससे हमारे उस साथी का क्या संबंध, पिछली सीट वाला हंस पड़ा। फिर बोला, सुनो और समझो, उसने जमीन खोदकर उसमें बम रखा और फिर वहां की मिट्टी बराबर की। उसके बाद बम से अटैच तार का दूसरा सिरा दीवार तक पहुंचाने के लिए तार हाथ में लेकर दीवार की ओर बढ़ा और फिर जैसे ही तार को झटका लगा वो बम फट गया। और अब तुम ही बताओ कि क्या वह जिंदा बचा होगा? ओह, तो आपने जानबूझकर? हाँ, इस प्रकार मैंने उसे मार डाला, पिछली सीट वाले ने बात काट कर कहा। मगर क्यों? इसलिए कि मैं उसे जिंदा नहीं रखना चाहता था। मगर वो तो आपका वफादार साथी था, ड्राइवर ने कहा। इससे मुझे इनकार नहीं और उसके मरने का मुझे दुख भी है, मगर विवशता थी। कैसी विवशता? वो मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया था, सबको उसी की तलाश थी। क्या तुम जानते हो कि विनोद लंदन क्यों गया है? जी नहीं, वो इसी की तलाश करने के लिए लंदन गया है। वो लंदन में 4 दिन रहने के बाद आज ही तो वापस आया था। एक क्षण के लिए दोनों चुप हो गए। पीछे बैठने वाले ने सिगार निकालकर लाइटर से उसे सुलगाया और फिर बोला, अब मैं मुतमईन हूँ, पहले खतरा था। किस बात का खतरा? इसलिए कि वह जानता था कि सारी दौलत कहाँ है और वीना कहाँ है, उसने सिगार का कष्ट लेने के बाद कहा। और ये बात तो तुम भी जानते होगे कि अधिक जानने वाला खतरनाक होता है। मैंने हमेशा के लिए उस खतरे को अपने सिर से टाल दिया और एक लाभ यह भी हुआ कि अब मेरे साथियों में कोई सिर न उठा सकेगा। ड्राइवर ने हैंडल पर पूरी शक्ति से अपने हाथ जमा दिए। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे वो खतरनाक आदमी ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही किसी न किसी तरीके से उसे भी मार डालेगा। और पिछली सीट वाला अपनी धुन में कहता जा रहा था, कल से हमारे जीवन का नया अध्याय खुलेगा। आज की रात हमने अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। कल रात धमाकों की रात थी। यही बात जब इंस्पेक्टर जगदीश ने अमर सिंह से कही तो अमर सिंह ने कहा, हाँ, रिपोर्ट तो यही है कि हर तरफ बम फटे। जेल की पिछली दीवार के पास कर्नल विनोद साहब की कोठी के पिछले भाग की ओर, लेबर कॉलोनी में और नगर के 3 बड़े पूंजीपतियों की कोठियों के सामने। चचा आसिफ कहाँ है, जगदीश ने पूछा। मैंने सवेरे ही उन्हें तलाश किया था, मगर न वो अपने घर पर मिले और न कुछ उनके बारे में पता चल सका। जगदीश कुछ न कुछ कहकर विचारों में गर्त हो गया और फिर एकदम से चौंक कर बोला, क्या कल रात कोई लाश भी मिली थी? केवल एक, मगर उसे लाश नहीं कहा जा सकता। क्यों? जगदीश उसे घूरने लगा। इसलिए कि घटनास्थल पर लाश नहीं वरन गोश के बिखरे हुए लोथड़े और हड्डियों के टूटे हुए टुकड़े पड़े मिले थे। जरा घड़ी तो देखना, जगदीश ने कहा। 8 बजने वाले हैं, अमर सिंह ने कहा। क्यों न कैप्टन हमीद को फोन किया जाए, इस केस में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, जगदीश ने कहा। और फिर कर्नल साहब की अनुपस्थिति में तो उनसे परामर्श लेना ही चाहिए।
उसी क्षण टेलीफोन की घंटी बजी। जगदीश ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो। दूसरी ओर से एसपी की आवाज सुनकर वह चौंकना नजर आने लगा। एसपी कह रहा था, रात जो नगर में और इधर उधर धमाके हुए हैं, उनकी सूचना तुम्हें है? यस सर, जगदीश ने कहा। क्या यस सर? एसपी के स्वर में व्यंग भरी हुई कठोरता थी। दो तीन ऐसे स्थानों पर भी धमाके हुए हैं, उनके सामने वाले मकानों का एक आदमी अवश्य गायब है। यहाँ तक कि कर्नल विनोद की कोठी के पिछले भाग की ओर धमाका हुआ और कैप्टन हमीद के घर पर मौजूद नहीं है। क्राइम रिपोर्टर रमेश के फ्लैट के सामने धमाका हुआ, रमेश भी लापता है। लाल जी के यहाँ से उनकी लड़की सीमा भी गायब है। इंस्पेक्टर आसिफ का भी पता नहीं है। सुन रहे हो? यस सर, जगदीश ने कहा। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे। बातें करने से कुछ नहीं हुआ करता। सवाल यह है कि तुमने अब तक क्या किया है? नगर के सारे बड़े पूंजीपति गायब है। एक पूंजीपति की लड़की गायब है जिसका नाम सीमा है। आसिफ, हमीद और रमेश गायब है। इन्हें जमीन निकल गई है, बल्कि इन सब का अपहरण हुआ है। जगदीश का मुंह खुल गया, आवाज आती रही, और जानते हो यह सब किसने किया? जी नहीं, जगदीश ने कहा। रंधा ने, आवाज आई। जगदीश के हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा। उसने दूसरे हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मगर सर, रंधा तो जेल में था। क्या वह इस बार फिर जेल से फरार हो गया? नहीं। तो फिर? रंधा जेल ही में था और आज चार बजे सवेरे उसे फांसी भी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, जगदीश ने बड़बड़ाने के से भाव फिर ऊंची आवाज में बोला। ये कैसे मालूम हुआ कि सर की सारी हरकतें रंधा ने की थी? लाल जी की कोठी पर फांसी का निशान मिला है। रमेश के फ्लैट पर भी यही निशान मिला है। कर्नल विनोद की कोठी में भी फांसी का निशान मिला है। और ये तो तुम जानते ही हो कि फांसी का निशान रंधा का विशिष्ट निशान है। हाँ। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही क्षण पहले खुद रंधा ने मुझसे फोन पर बात की है। फांसी के बाद? हाँ, फांसी के बाद। एसपी की आवाज आई। रंधा कह रहा था कि वह फांसी के बाद और शक्तिशाली हो गया है और वह पुलिस से बदला लेगा। सर, जगदीश ने माथा पोंछते हुए कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहरहाल आप जो आज्ञा दे। ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अमर सिंह ने जल्दी से जगदीश के हाथ से रिसीवर झपट लिया और माउथपीस में बोला, सर, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। रंधा की लाश क्या हुई सर? पोस्टमार्टम के बाद उसके दो रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई। वह रिश्तेदार कौन थे और लाश लेकर कहाँ गए? अमर सिंह ने पूछा। अभी एक दिलचस्प और रहस्यपूर्ण कहानी है। जब उसके दोनों रिश्तेदार उसकी लाश लेकर चले थे तो हमारे दो आदमी उनके पीछे लग गए थे। देखना यह था कि वास्तव में वो दोनों कौन है और लाश कहाँ ले जा रहे हैं। मगर देखने में देहाती लगने वाले वो दोनों हमारे आदमियों को डांट दे गए। हमारे दोनों आदमी अपनी मूर्खता और अयोग्यता का समर्थन कर रहे हैं। उनका बयान है कि देखने में वो दोनों देहाती मालूम होते थे, मगर इतने चालाक फुर्तीले थे कि देखते ही देखते इस प्रकार न जाने गायब हो गए कि काफी तलाश करने के बाद भी उनका सुराग न मिल सका। इसके साथ ही संबंध भी कट गया और अमर सिंह रिसीवर रख कर जगदीश की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। फिर उसने जगदीश से कहा, एक साधारण से अपराधी के सामने हम कितने विवश हैं। तुम उसे साधारण अपराधी कह रहे हो? जगदीश ने कहा। वो आदमी नहीं वरन भूत है। पहले जेल से फरार होता था और अब फांसी पा चुकने के बाद भी जीवित है और हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसे ही अवसरों पर कर्नल विनोद की याद आती है और उनका महत्व मालूम होता है। अमर सिंह ने कहा, पता नहीं क्यों लंदन चले गए, उनकी बातें वही जाने। तो फिर अब क्या करना है? झक मारना है। अचानक उसी समय मोटरसाइकिल की घड़घड़ाहट सुनाई दी और फिर सर्रा नजर आई। वह मोटरसाइकिल से उतरकर बड़ी तेजी से उन दोनों की ओर बढ़ी। वह दोनों ही उसे भलीभांति जानते पहचानते थे। दोनों ने उसे देखकर यही समझा कि वह रमेश के बारे में सूचना देने आई होगी, इसलिए वह जैसे ही उसके निकट आई वैसे ही जगदीश ने कहा, मुझे सूचना मिल चुकी है। और फिर भी आप इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सरला ने कहा। तो क्या करूं, जगदीश ने बेबसी के साथ कहा। आए, सरला ने विस्मय भरे स्वर में कहा। फिर पूछा, आपको क्या सूचना मिली थी? रमेश के अपहरण की। वो तो पुरानी खबर है, इस समय वह पार्क एवेन्यू के 12 नंबर वाले फ्लैट में है। वही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग है। अरे, कहता हुआ जगदीश उठा, फिर अमर सिंह से बोला, तुम चले जाओ, मुझे तो एसपी साहब की प्रतीक्षा करनी है, वो आ ही रहे होंगे। आपको ये बात कैसे मालूम हुई? अमर सिंह ने सरला से पूछा। समय कम है, जल्दी चलिए, मैं रास्ते में बता दूंगी। अगर देर हुई तो वह इमारत भी उड़ा दी जाएगी और वहां मौजूद लोगों में से कोई भी न बच सकेगा। फिर अमर सिंह ने देर नहीं की,
कुछ सिपाहियों को साथ लिया और जीप में बैठकर रवाना हो गया। सरला भी साथ थी, उसने अपनी मोटरसाइकिल कोतवाली में ही छोड़ दी। कल 12 बजे रात में रंधा ने हाथों में अपने ही फ्लैट के कमरे में बंद कर दी गई थी। सरला ने अमर सिंह को बताना आरंभ किया। सवेरे 6 बजे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पांव आजाद है। मैं मसेरी पर उठकर बैठ गई। मेरी नजर उस कार्ड पर पड़ी जो सिराने रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा, उस पर केवल इतनी ही इबारत लिखी हुई थी, पार्क एवेन्यू फ्लैट नंबर 12। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कार्ड किसने रखा था और रखने वाले का ध्येय क्या था। कुछ देर तक मैं यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने गैराज से मोटरसाइकिल निकाली और पार्क एवेन्यू पहुंच गई। वहां मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मुझे बहुत खतरनाक किस्म के मालूम होते हैं। मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं 12 नंबर के फ्लैट में दाखिल हो जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा। वह मेरे निकट आकर खड़ा हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है तो और मुझसे क्या चाहता है, तो वो कहने लगा कि वह यहाँ का चौकीदार है। उसके बाद बताने लगा कि कल रात उसने थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक कार को 4 बार यहाँ आते और रुकते और जाते हुए देखा। पहली बार कार से केवल एक आदमी उतरा, दूसरी बार 2 आए थे, तीसरी बार एक लड़की उतरी थी और चौथी बार 4 आदमी उतरे थे। इसका यह अर्थ न समझ लेना बीबी जी कि वह खुद से उतरे थे, बल्कि उतारे गए थे और सबके सब 12 नंबर वाले फ्लैट में ले जाए गए थे। मगर अब तक मैंने उनमें से किसी को भी फ्लैट से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बस फिर मैं सीधे कोतवाली पहुंच गई थी ताकि इंस्पेक्टर जगदीश साहब तक यह सूचना पहुंचा दूं। सवाल यह है कि उस बूढ़े आदमी ने आपको यह सब क्यों बताया था, अमर सिंह ने पूछा। उस समय तो मुझे होश नहीं था, मगर अब उससे अवश्य पूछूंगी कि उसने ये सारी बातें मुझे क्यों बताई थी, सरला ने व्यंग भरे स्वर में कहा। अमर सिंह ने फिर कुछ नहीं पूछा। सरला भी मौन ही रही। 12 नंबर के फ्लैट के पहुंचकर अमर सिंह ने जीप रोकी और अपने आदमियों के साथ धड़धड़ाता हुआ ऊपर पहुंच गया। दरवाजा भीड़ा हुआ था, उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। वहां कोई नहीं था, बस कागजात और पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। अमर सिंह सरला की ओर मुड़कर कुछ कहना ही चाह रहा था कि उसे किसी पुरुष के कराने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज चेंबर से आई थी। वह दौड़ता हुआ चेंबर में घुस गया और इस परेशानी की दशा में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दृश्य ही कुछ ऐसा था। इंस्पेक्टर आसिफ सोफे पर पीठ के बल लेटा हुआ था और सिर छोड़कर उसके पूरे शरीर पर पुस्तकें लदी हुई थी। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। हमीद की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे कानून की पुस्तकों से भरी हुई शीशे की अलमारियां दिखाई दी। इधर उधर भी पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। एक ओर आसिफ रमेश और सीमा दिखाई दिए, दूसरी ओर नगर के वो 4 पूंजीपति नजर आए जिनके धन के बारे में कहानियां कही जाती थी और जो कई बार रंधा के शिकार हो चुके थे। सब आजाद थे, मगर सीमा को छोड़कर सबके चेहरों पर भय के लक्षण थे। हमीद उनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि दरवाजा खुला और 2 नकाबपोश अंदर दाखिल हुए जिनमें एक लंबे कद का था और दूसरे नाटे कद का था। लंबे कद वाले के हाथ में टामी गन थी। उसने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, आप लोगों को इसका अनुमान हो गया होगा कि आप लोग रंधा के सामने कितने विवश और तुच्छ है। बहरहाल आप लोगों को रिहा किया जा रहा है। आज का दिन और आज की रात आपकी अपनी है। कदाचित कल सवेरे आप सब लोगों को मौत का निमंत्रण पत्र मिल जाएगा। हमीद कुछ कहने ही जा रहा था कि टॉमीगन वाले ने अपने साथी से कहा, छोटे तुम कैप्टन हमीद और सीमा को यहाँ से ले जाओ, मगर दोनों को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर उतारना। शेष लोग दूसरी गाड़ी से ले जाए जाएंगे। छोटे ने दोनों को संकेत दिया और जब वह कमरे से बाहर निकले तो हमीद चौंक पड़ा और उसने सीमा से कहा, अरे ये तो पार्क एवेन्यू का 12 नंबर वाला फ्लैट है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाकर रह गई। यार छोटे साहब, हमीद ने उस नाटेकद वाले से कहा, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो, हम लोग चले जाएंगे। ऐसा न हो कि दूसरों के कंधों पर सवार होकर तुम्हें जाना पड़े, छोटे ने कहा। वह तो एक दिन सबको जाना है, मगर मैं आज ही जाने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि कंधे कोमल और सुंदर हो। कदाचित बातों का क्रम कुछ देर और चलता, मगर पीछे से टामी गन वाले की गर्जना सुनकर हमीद का साहस छूट गया और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। नीचे आते ही कार खड़ी नजर आई और छोटे ने सीमा तथा हमीद को कार में बैठने के लिए कहा। टामी गन वाला भी कार तक आया था। हमीद ने उससे पूछा, तुम रंधा ही हो ना? हाँ। और आज 4 बजे सवेरे तुम्हें फांसी भी हो गई थी, क्यों? हाँ। और अब ये फांसी पाने के बाद के तुम्हारे चमत्कार है, क्यों? हाँ कैप्टन, टॉमीगन वाले ने हंसकर कहा। तुमने अभी रंधा को देखा कहा है? तुमने ये समझा था कि उसे घेर कर पकड़ लिया है? खुले में उससे मुकाबला करते तो आटे दाल का भाव मालूम होता। क्या बताओ दोस्त, बेचारे रंधा को फांसी हो गई, वरना मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता। तो क्या मैं रंधा नहीं हूँ? नहीं, कहने पर तो
रात तुमने मेरा जबड़ा तोड़ डाला था, फिर इस समय कैसे कह सकता हूँ कि तुम रंदा नहीं हो। एक और का जबड़ा तो अभी सही सलामत है, कह दो कि मैं रंदा नहीं हूँ। दूसरा जबड़ा भी तुड़वा लेता मगर कुछ मसलहत के कारण विवश हूँ। टामिगन वाले ने संकेत किया और छोटे ने बारी बारी दोनों को पिछली सीट पर ढकेल दिया, जिस पर रंधा का एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। फिर कार चल पड़ी। छोटे भी पिछली सीट पर बैठा था। तुम कैसे फंसी, हमीद ने सीमा से पूछा। सीमा कुछ कहने वाली थी कि छोटे ने रिवॉल्वर की नाल उसकी ओर करते हुए कहा, क्या तुम अपना वचन भूल गई? तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। फिर उसने हमीद से कहा, अगर अपमानित न होना चाहो तो तुम भी मौन रहो। हमीद मौन हो गया और कार दौड़ती रही। फिर एक जगह रुक गई और छोटे ने हमीद से उतरने के लिए कहा, और ये? हमीद ने सीमा की ओर संकेत करके पूछा, तुम दुनिया भर के ठेकेदार नहीं हो, उतरो, छोटे ने कहा। और पहले खुद नीचे उतरकर हमीद का हाथ पकड़कर नीचे घसीट लिया और फिर खुद कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। हमीद ने कार का नंबर देखा और चौंक पड़ा, क्योंकि प्लेट नंबर पर वही नंबर पड़ा हुआ था जो उसकी गाड़ी का नंबर था। हमीद चलता हुआ उस चौराहे पर आया जहाँ शहर की ओर जाने के लिए टैक्सी मिल सकती थी, मगर संयोगवश इस समय वहाँ कोई टैक्सी नहीं थी। वह खड़ा होकर टैक्सी की प्रतीक्षा करने लगा। दिमाग में विनोद की कही हुई वो बात गूंज रही थी कि बेटे हमीद, रंधा की फांसी के बाद भी तुम्हारा काम बाकी रहेगा, और यही बात आज सच्चाई का रूप धारण करके उसके सामने खड़ी थी। वो सोच रहा था कि आखिर वे सब उस फ्लैट में कैसे और क्यों ले जाए गए थे जो एक ही राय एडवोकेट का ऑफिस है, फिर उन्हें छोड़ क्यों दिया गया, और मौत के निमंत्रण पत्र की धमकी क्यों दी गई थी। क्या वह केवल डराने के लिए थी या सचमुच वो सब कत्ल कर दिए जाएंगे। इतने में एक खाली टैक्सी आकर रुकी और हमीद उसमें बैठ गया। पहले तो ख्याल था कि सीधा घर जाएगा, मगर बाद में इरादा बदल दिया और सीधा कोतवाली पहुंचा। उसे वहां SP नजर आया। उसने हमीद को देखते ही कहा, ये लो कैप्टन भी आ गया। क्यों भाई, तुम पर क्या बीती, पहले बैठ जाओ। धन्यवाद, कहता हुआ हमीद बैठ गया। फिर SP से पूछा, आपकी बात से साबित हो रहा है कि कोई और आया था? हाँ, इंस्पेक्टर आसिफ आया था, वो बहुत डरा हुआ था इसलिए उसे उसके घर भिजवा दिया गया, हमीद ने सारी बातें बताने के बाद कहा। अब सबसे पहले आप उन चारों पूंजीपतियों के घरों पर टेलीफोन कीजिए, ये देखिए कि वे घर पहुंचे या नहीं। जगदीश ने बारी बारी चारों के नंबर रिंग किए। मालूम ये हुआ कि चारों अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, अत्यंत भयभीत है और पुलिस की सहायता चाहते हैं। उसके बाद हमीद ने सीमा के नंबर डायल किया। दूसरी ओर से सीमा के पिता लालजी की आवाज आई। सीमा देवी घर पर है, हमीद ने पूछा। हाँ है, जरा उन्हें रिसीवर दे दीजिए। नहीं, लालजी कठोर आवाज में बोले, वह अब कैद में है, न फोन पर किसी से बात कर सकती है, न किसी से मिल सकती है, और न कोठी के बाहर जा सकती है। आप होश में हैं या नहीं, हमीद ने गरज कर कहा। मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ, सीमा देवी से पुलिस कुछ मालूमात हासिल करना चाहती है। मैं बिल्कुल होश में हूँ कप्तान साहब, लालजी की आवाज आई। आप समझते क्यों नहीं, मेरे लिए यह कितनी बड़ी बदनामी की बात है। अब तो मैं ये निर्णय कर चुका हूँ कि अगर मुझे या उसे या फिर दोनों को मरना ही है तो इस घर की चार दीवारी के अंदर ही मरना है। अगर आप लोगों को सीमा से कुछ मालूम करना है तो फिर थोड़ा सा कष्ट उठाकर यहाँ आ जाइए। इसी के साथ संबंध भी कट गया। हमीद ने भी मुंह बनाते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और SP को ये बातें बता दी जो सीमा के पिता लालजी ने कही थी। ठीक है, अभी उसे देखते हैं, अब इधर की सुनो, SP ने कहा। और फिर सरला के आने और उसके साथ अमर सिंह के पार्क एवेन्यू जाने तथा आसिफ के वहां मिलने की सारी बातें बताने के बाद कहा। और अब अमर सिंह सरला को उसके फ्लैट में पहुंचकर वापस आता ही होगा। मिस्टर राय से आपने संबंध स्थापित किया था, हमीद ने पूछा। हाँ, और जब उसे मैंने सारी बातें बताई तो वह पहले चौंका, फिर कहने लगा कि वह इस संबंध में कुछ नहीं जानता। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले जहाँ थे वही अब है। हाँ, और इसका यह भी अर्थ है कि रंधा का केस पहले से कहीं बहुत अधिक उलझ गया है, SP ने कहा। और अब यह तो हमारे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि जिसे फांसी दी गई थी वह रंधा ही था या कोई दूसरा आदमी था, और अब हम विश्वास के साथ यह भी नहीं कह सकते कि रंधा को फांसी दे दी गई थी। जेल वाले क्या कहते हैं, हमीद ने पूछा। उनका कहना तो यही है कि जो आदमी उन्हें सौंपा गया था उसी को फांसी दी गई थी। इतने में अमर सिंह वापस आ गया और हमीद के पूछने पर उसने बताया कि आसिफ का बुरा हाल है, वह बहुत डरा हुआ है। और रमेश की क्या दशा है, हमीद ने पूछा। देखने से तो उन पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं है, उसने कहा है कि वह तुमसे जल्द ही मिलेगा। हाँ, सरला बहुत डरी हुई है, मिस्टर राय के ऑफिस की तलाशी ली गई, हमीद ने SP से पूछा।
तलाशी लेने के लिए आदमी गए हुए हैं, उनके साथ फिंगरप्रिंट सेक्शन वाले भी हैं। थोड़ी देर में पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। इतने में फोन की घंटी बज उठी। एसपी ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से प्रकाश की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ श्रीमान जी, मेरा जीवन खतरे में है। ओह, एसपी के मुख से निकला। फिर उसने ढाड़स दिलाने वाले स्वर में कहा, घबराओ नहीं, मैं एसपी बोल रहा हूँ। क्या बात है? ओह एसपी साहब, यदि आप कष्ट उठाकर आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, मैं फोन पर नहीं बता सकता। मैं आ रहा हूँ, एसपी ने कहा। फिर रिसीवर रखकर प्रकाश की बात बताने के बाद माथा ठोकता हुआ बोला, एक कर्नल विनोद के न होने के कारण कितनी बदनामियां उठानी पड़ रही है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप जाएंगे? हमीद ने पूछा। और उसे फौरन ही वह ड्राइवर याद आ गया जिसको उसने सीमा के साथ भी देखा था और प्रकाश के साथ भी देखा था। वह एसपी को ध्यानपूर्वक देखने लगा। जाना ही पड़ेगा, एसपी ने कहा। जगदीश और अमर सिंह को यहाँ इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि पता नहीं किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। आसिफ को साथ ले जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि वह नंबर ही गधा है और फिर इतना डर गया है कि उसके होश हवास उसके काबू में नहीं है। रह जाते हो तुम इतने थके हुए हो कि तुम्हें और अधिक परेशान करना नहीं चाहता। जी नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, हमीद ने कहा। एसपी ने कुछ नहीं कहा और हमीद को अपनी ही कार में बैठाकर इस इलाके में आया जिसकी एक गली में सेठ दुमीचंद की कोठी थी। फिर जब सड़क से दुमीचंद वाली गली में कार मुड़ने लगी तो हमीद की नज़र 84 कमरों वाले होटल की बालकनी की ओर उठ गई और वह एकदम से चौंक पड़ा, इसलिए कि बालकनी पर दो आदमी नजर आए थे जो अपने कद के लिहाज से छोटे और टामेगन वाले मालूम पड़ते थे। हमीद ने जब उन दोनों को देखा था तब उनके चेहरों पर नकाब पड़े हुए थे और इस समय उनके चेहरों पर नकाब नहीं थे, इसलिए केवल कद के विचार से उन्हें छोटे और टामेगन वाला मान लेना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं था, क्योंकि उन कदों के आदमी तो हजारों हो सकते थे। मगर हमीद की छठवीं ज्ञान इंद्रिय कह रही थी कि वह दोनों वही छोटे और टामेगन वाले हैं। फिर हमीद ने सोचा कि अभी उन्हें चेक करना किसी प्रकार उचित नहीं होगा, उन्हें थोड़ा सा अवसर देना चाहिए। उसे इसका विश्वास था कि वह दोनों चाहे जो भी हो इसी होटल में ठहरने वालों में से है। अगर किसी से मिलने वालों में होते तो फिर उस आदमी के कमरे में होते जिससे मिलने आए हो। एसपी ने कार रोक दी और नीचे उतरता हुआ हमीद से पूछा, तुम क्या सोचने लगे थे? जी कुछ नहीं, बस इन्हीं उलझनों के बारे में सोच रहा था। सेठ दुमीचंद की कोठी पर बिल्कुल सन्नाटा था। कार रुकने की आवाज सुनते ही चार सशस्त्र आदमी गेट पर आ गए थे और उन्होंने एसपी तथा हमीद को गेट पर ही रोक लिया था। फिर प्रकाश का चेहरा दिखाई दिया, उसने चारों को संकेत दिया, वह सब हट गए और एसपी हमीद को लिए हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रकाश बहुत भयभीत है, एसपी ने हमीद से कहा, इसीलिए तो उसने इतनी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है, हमीद ने कहा। प्रकाश सीढ़ियों पर ही मिल गया। वह दोनों को अपने कमरे में लाया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर बोला, नीचे की व्यवस्था आप लोगों ने देख ली, इस दरवाजे का वैसा सिस्टम कर दिया गया है कि जो भी अनजान आदमी इसे छूने की कोशिश करेगा उसे शॉक लगेगा, मगर इन व्यवस्थाओं के बाद भी मुझे विश्वास है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। हिम्मत रखिए और बताइए कि क्या बात है, एसपी ने कहा। प्रकाश ने मेज की दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला जिसके एक कोने पर फांसी का फंदा बना हुआ था। उसने लिफाफे के अंदर से एक कागज निकाला और उसे एसपी की ओर बढ़ा दिया। कागज पर लिखा हुआ था, जान बचानी है तो देश छोड़ दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। कागज पर भी रंधा का विशिष्ट निशानी फांसी का फंदा बना हुआ था। आपकी मौत से किसको लाभ पहुंच सकता है, एसपी ने प्रकाश से पूछा। वीना को, प्रकाश ने उत्तर दिया। और यदि आप देश छोड़कर चले जाए तो? विदेश जाने का अर्थ यह होगा कि मैं अपना कारोबार बंद कर दूं। मैंने लाभ की बात पूछी थी, एसपी ने टोका। तो फिर मेरे सहयोगियों अर्थात पार्टनर्स को लाभ पहुंचेगा या वीना को? आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं? मिस्टर नौशेर, मिस्टर मेहता, सोहराब जी और सीमा, हमीद चौक पड़ा। फिर प्रकाश से पूछा, सीमा से आपका क्या मतलब है? हमने 5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके हम पांचों बराबर के हिस्सेदार हैं। रात जिन लोगों को रंधा की कैद में समय व्यतीत करना पड़ा था उनमें सीमा और सोहराब जी भी थे, हमीद ने एसपी से कहा। फिर प्रकाश को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारा कारोबार तो वनस्पति घी और तेल का है ना? जी हाँ, हम लोग ये नया कारोबार कर रहे हैं। तुम्हारा छोटा भाई क्या करता है, हमीद ने पूछा। लंदन में पढ़ रहा है और आने ही वाला है। तुम्हारे कारोबार में उसका भी हिस्सा तो होगा ही? हाँ, मगर कानूनी तौर पर नहीं, इसलिए कि अभी उसका नाम नहीं चढ़ा है। एक आदमी तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने उसका नाम ड्राइवर रख लिया है। उसे मैंने परसों सीमा की कार ड्राइव करते हुए देखा था और उसी को कल तुम्हारी कार ड्राइव करते हुए देखा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आपने सच कहा है। और कल ही तुम उसके साथ पार्क एवेन्यू में गए थे,
मिस्टर राय एडवोकेट के ऑफिस तक। क्यों? जी हाँ, मगर आप जब तुम लोग वहां पहुंचे थे तो मैं भी वहां मौजूद था, हमीद ने शुष्क स्वर में कहा। क्षमा करना प्रकाश, मेरा स्वर तुम्हें उखड़ा उखड़ा मालूम हो रहा होगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसीलिए तुम्हारी जान की रक्षा करने के लिए मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। अब बता दो कि ड्राइवर कौन है। मैं मिस्टर राय के पास इसलिए गया था ताकि उनसे मालूम कर सकूं कि रंधा को फांसी होगी या नहीं। बहलाने की कोशिश मत करो दोस्त, हमीद मुस्कुराया। मैं तुमसे उस ड्राइवर के बारे में पूछा था। वो आदमी? प्रकाश जवान होठों पर फेर कर बोला और भयभीत नजरों से इस प्रकार चारों ओर देखने लगा जैसे वो आदमी यही कही हो और जैसे ही उसने उसका नाम लिया वो उसे मार डालेगा। ठीक है, तुम उसका नाम नहीं बताना चाहते तो न बताओ, मगर इतना तो बता ही दो कि इस समय वह कहाँ मिल सकेगा। हो सकता है वह इस समय आपको आपके सामने वाले होटल में मिल जाए। तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कितने का है, हमीद ने पूछा। बताया तो था कि 5 करोड़ का है और 5 ही हिस्सेदार भी है, तुम, सीमा, नौशेर, मेहता और सौरभ। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि बराबर बराबर का हिस्सा होगा। जी हाँ, क्या तुम सब लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए है? जी नहीं, हम लोग कर्ज ले रहे हैं। किससे? लंदन की एक फर्म से, मशीनों के रूप में। उस फर्म का पता बताओगे? प्रकाश ने पता बताया। हमीद ने उसे डायरी में नोट किया और बोला, मुझे तुमसे जो कुछ मालूम करना था वो कर चुका, अब रह जाता है तुम्हारे जीवन की रक्षा का प्रबंध। तो इसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो ये कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए, या फिर तुम कुछ दिनों के लिए अपनी इसी कोठी में बंद हो जाओ और तुम्हारी कोठी पर फोर्स लगा दी जाए। जो उचित समझना मुझे बता देना, मैं कैप्टन हमीद से सहमत हूँ, एसपी बोल उठा। तुम जो उचित समझो अभी बता दो ताकि वैसी ही व्यवस्था की जाए, जेल में भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, 2 दिन इस अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलूंगा, आप हमारी रक्षा का प्रबंध कर दीजिए। हो जाएगा, एसपी ने कहा और फिर उठ गया। बाहर आने के बाद हमीद ने एसपी से कहा, वो 4 आदमी जो रात मेरे साथ थे उनमें से एक का नाम सौरभ जी था, दूसरा बूचा, तीसरा बाटली वाला और चौथे का नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम SH नागर था, एसपी ने कहा। आर्लेट चेनू में डांस का जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है उसके ऑर्गेनाइजर्स में सौरभ जी भी है। कहना क्या चाहते हो? एसपी ने कहा, हम लोगों ने मादाम जायरे की हत्या को उपेक्षित कर रखा है, बस रंधा ही के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, देखो मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, एसपी ने कहा, फिर पूछ बैठा, हाँ वो तुमने लंदन का पता क्यों नोट किया था? मैं आज ही कर्नल साहब को इसकी सूचना देकर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उस फॉर्म को चेक करे, हमीद ने कहा, फिर अत्यंत गंभीरता के साथ कहने लगा, इस समय तो ये सारे लोग उत्पीड़ित नजर आ रहे हैं, मगर इनके काले रुपए, इस ओर शायद आपका ध्यान नहीं गया था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रकाश ने जिस लंदन वाली कंपनी का पता बताया है उसे केवल कागज ही पर दिखाने के लिए लेन देन होगा, वह फर्म रुपए नहीं देगी, यह सब इस चाल से अपना काला धन ही इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ओह, एसपी की आंखें विस्मय से फैल गई, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर हो तो कर्नल विनोद के ही शिष्य ना, और अब मेरी समझ में ये बात आई है कि कर्नल तुम्हें इतना क्यों मानते हैं। और इस पर भी विचार कीजिए, हमीद ने कहा, कि अब तक वही लोग रंधा का शिकार हुए हैं जिन जिनके पास काला धन था, और उन सब ने पुलिस में बस 5-10 हजार की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि उनके लाखों गए हैं। ये बात भी विचारनीय है, एसपी ने कहा, तुम इसे भी देखो और जरा इसका भी पता लगाने की कोशिश करना कि रंधा की लाश ले जाने वाले वह दोनों आदमी कौन थे, कहीं ना कहीं उनके पते तो अवश्य नोट होंगे। कोशिश करूंगा, हमीद ने कहा। अच्छा, अब गाड़ी में बैठो, चला जाए, एसपी ने कहा। आप जाइए, मुझे अभी इस होटल को चेक करना है और सौरभ जी से भी मिलना है, हमीद ने कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर इतना उपदेश अवश्य दूंगा कि अपनी रक्षा का पूरा विचार करना और मुझसे बराबर संबंध स्थापित रखना, एसपी ने कहा और कार में बैठकर कार स्टार्ट कर दी। हमीद होटल की ओर बढ़ा और चारों ओर देखने के बाद ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस होटल को वह 2 कारणों से चेक करना चाहता था। पहला कारण तो यह था कि आते समय उसने बालकनी पर जिन 2 आदमियों को देखा था वो उसके विचारानुसार रंधा और छोटे थे। दूसरा कारण यह था कि प्रकाश ने कहा था कि वह ड्राइवर इसी होटल में मिल सकता है। होटल के मैनेजर के कमरे में पहुंचकर पहले उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड मैनेजर को दिखाया, फिर रजिस्टर तलब करके ठहरने वालों के नाम और पते देखने लगा। लगभग आधी संख्या को तो उससे आयु और राष्ट्रीयता के विचार से छांट दिया, फिर नारियों को छांटा, उसके बाद उन लोगों को छांटा जो परिवार सहित ठहरे थे। इस छटाई के बाद कुल 20 आदमी बचे।
उसने मैनेजर को कहा, मैं इन 20 आदमियों को चेक करना चाहता हूँ। मैनेजर ने उन 20 आदमियों के नाम देखे जिनको हमीद एक कागज पर नोट करता गया था, फिर बोला, इनमें से 9 आदमी इस समय होटल में मौजूद नहीं है, उनके कमरे बंद है, मगर उन कमरों की चाबियां आपको मिल जाएगी। शेष 11 आदमी इस समय आपको डाइनिंग हॉल में मिल जाएंगे। क्या मुझे भी खाने को कुछ मिल सकता है? हमीद ने पूछा। वहाँ केवल उन्हीं लोगों के भोजन या नाश्ते का प्रबंध किया जाता है जो वहाँ ठहरे होते हैं, बाहरी लोगों के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाता, मगर आपको तो मिल ही जाएगा। शुक्रिया, हमीद ने कहा और उठने ही जा रहा था कि मैनेजर ने उसे रोक लिया और घंटी बजाकर एक बैरे को बुलाया, फिर हमीद की ओर संकेत करके कहा, आपको डाइनिंग हॉल में ले जाओ और जो खाना चाहे खिलाओ। जी अच्छा, बैरे ने कहा और हमीद से चलने के लिए कहा। हमीद ने कमरे से बाहर निकलकर बैरे को वह लिस्ट दिखाई, फिर अपने बारे में बताने के बाद कहा, इस लिस्ट में 9 आदमी ऐसे हैं जो इस समय होटल में नहीं है, उनके नामों के आगे क्रॉस बना हुआ है, शेष 11 इस डाइनिंग हॉल में है। तुम्हारा काम यह होगा कि मुझे उन्हें पहचाना दो। फिर उसने 10 की एक नोट बैरे को देते हुए कहा, इन क्रॉस लगे नामों के बारे में मुझे भी बता दो। इनमें से केवल 3 ही के बारे में मैं बता सकता हूँ, शेष 6 के बारे में डाइनिंग हॉल का स्टोवर्ड ही बता सकेगा, मगर इनमें से भी 4 ऐसे हैं जो केवल कल से ठहरे हुए, इसीलिए हो सकता है कि वो उन 4ों के बारे में कुछ अधिक न बता सके। फिर हमीद ने कुछ नहीं कहा, बैरे के साथ डाइनिंग हॉल में आकर एक खाली मेज पर बैठ गया और बैरे को ऑर्डर दिया। फिर जब बैरा खाना लेकर मेज पर लगाने लगा तो उसने धीरे धीरे उन 11 आदमियों के बारे में बता दिया कि उनके हुलिये क्या है और वो कहाँ कहाँ बैठे हुए। बैरे के जाने के बाद हमीद भोजन करने लगा और कनखियों से बारी बारी करके उन 11 को भी देख लिया। भोजन करके वह स्टुअर्ट से मिला और शेष 9 आदमियों के बारे में उससे पूछा। स्टुअर्ट के बताए हुए हुलिये के आधार पर एक आदमी का हुलिया ऐसा था जो ड्राइवर से मिलता जुलता था। उस आदमी के बारे में स्टुअर्ट को आदेश देकर बाहर निकला और फिर झुककर कागज का वह टुकड़ा उठा लिया जो फर्श पर पड़ा था। कागज को देखते ही उसके मुख से हल्की सी सीटी की आवाज निकल आई। कागज वैसा ही था जैसा अभी थोड़ी देर पहले उसने प्रकाश के यहाँ दिखा था। कागज पर फांसी का फंदा बना हुआ था और उस पर लिखा था, कैप्टन हमीद, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमीद ने कागज जेब में रखा और बाहर निकलकर गली पार करता हुआ सड़क पर आ गया। वे टैक्सी करके घर की ओर चल पड़ा। सोच रहा था कि होटल में तो सभी लोग असंबंधित से नजर आ रहे थे, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं था कि वह कागज का टुकड़ा वहां किसने डाला था, और डाला भी था तो ऐसी जगह कि उसकी नजर उस कागज पर अवश्य पड़े। इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि होटल का कोई कर्मचारी रंधा की टोली से संबंध रखता है, हो सकता है कई हो। घर पहुंचकर पहले तो उसने नौकरों को चौकन्ना रहने के लिए कहा, फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। आंख खुली तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी, शायद घंटी ही की आवाज से आंखें खुली थी। उसने लेटे ही लेटे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फिर हेलो कहने के बाद ही उठकर बैठ गया, इसलिए कि दूसरी ओर उसके विभाग का DIG था जो कह रहा था, मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, मगर सच्चाई छिपाई भी तो नहीं जा सकती। खबर यह है कि क्राइम रिपोर्टर रमेश कत्ल कर दिया गया। जी, हमीद के हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने खुद जाकर देखा था। उसकी लाश उसी के फ्लैट में उसके कमरे में पड़ी हुई थी। उसका साथी सरला मौजूद नहीं थी। वह जब वापस आई तो लाश का पता चला। सरला का रोते रोते बुरा हाल था। तुम्हारे बारे में जब मैंने पता लगवाया था तो मालूम हुआ कि तुम कहीं तफ्तीश करने गए हुए। ये दुर्घटना कितनी देर पहले हुई श्रीमान जी? अब से 4 घंटा पहले, लगभग 3 बजे। हमीद ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली, 6:30 बज रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके होटल से आने के 1 घंटे बाद ही यह दुर्घटना हुई थी, DIG कहता जा रहा था। सोराब जी, मिस्टर मेहता, मिस्टर नौशेर, लाल जी, उसकी लड़की सीमा, प्रकाश और इंस्पेक्टर आसिफ को मौत की धमकियां मिल चुकी है। इसी लिस्ट में मुझे भी शामिल कर लीजिए, हमीद ने कहा। अरे कब? आज ही 1:30 बजे, जब मैं रेड एरिया के 84 कमरों वाले होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहा था। लगभग उसी समय सबको धमकी मिली थी। होम सेक्रेटरी अत्यंत परेशान है, मुझसे जवाब तलब किया गया है। बहुत बड़े बड़े लोगों का मामला है। ऐसा लगता है कि अब इस शहर में किसी की जान माल सुरक्षित नहीं रहे। मैं केवल एक बात जानता हूँ सर, और वह ये कि रंधा को फांसी हुई थी या नहीं। फांसी तो हो गई, फिर रंधा कहाँ से टपक पड़ा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। रमेश की लाश कहाँ है? और सरला? रमेश की लाश पोस्टमार्टम के बाद सरकारी मुर्दा खाने में रखी हुई है, और सरला भी हॉस्पिटल ही में है। आज ही 9:30 बजे मैं विनोद से संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा।
अगर आज्ञा हो तो उस समय मैं भी हाजिर हो जाऊं। आ जाना, आवाज आई और फिर संबंध कट गया। हमीद ने रिसीवर रख दिया। जल्दी से नहा धोकर कपड़े बदले, एक कप गर्म कॉफी पीकर मोटरसाइकिल निकाल कर चल पड़ा। सबसे पहले सीमा के यहाँ पहुंचा। सीमा अपने पिता लाल जी के सामने ही उससे मिली। सबसे पहले हमीद ने सीमा के मुख से कल रात उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट सुनी। फिर उसने सीमा से कहा, मुझे ये बात मालूम हुई है कि आप यहाँ एक नया प्रोजेक्ट आरंभ करने वाली है जिसके हिस्सेदार आप, सुहराब, नौशेर, मेहता और प्रकाश है। जी हाँ, सीमा ने कहा, यह सच है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इसके लिए आप लोग कर्ज लेंगे। जी हाँ, यह भी सच है। कर्ज लेने की स्कीम किसने बनाई थी, हमीद ने पूछा। हम सब ने मिलकर, वह तो प्रकट है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कर्ज लेने की बात आप पांचों में से सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी, हमीद ने पूछा। मेरा विचार है कि हम सबके दिमाग में ये बात एक साथ आई थी। कर्ज लेने के संबंध में किसके मुंह से लंदन की किसी फर्म का नाम निकला था? सुहराब जी के मुख से, सीमा ने कहा। पदों का बंटवारा आप लोगों ने किस प्रकार किया था? सुहराब जी और मिस्टर मेहता डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मैं और प्रकाश, तथा सेक्रेटरी मिस्टर नौशेर, सीमा ने कहा। फिर पूछा, मगर इस समय की परिस्थिति का हमारे प्रोजेक्ट से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है मिस सीमा, हमीद ने शुष्क स्वर में कहा। जिसके पास भी रंधा की लूटी हुई दौलत जमा है, वह उसे हजम नहीं कर पा रहा है। उस धन को वह प्रकट भी नहीं कर सकता, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का चक्कर चलाया गया है। लंदन की वह फर्म जो कर्जे पर मशीन देगी, उस फर्म से केवल कागजी संधि होगी। रुपए उसी आदमी के होंगे जिसके पास रंधा की लूटी हुई दौलत जमा है, समझिए आप। और ये भी सुन लीजिए सीमा देवी की, मैं इस समय होश में नहीं हूँ। मेरा दोस्त क्राइम रिपोर्टर रमेश कत्ल कर दिया गया है। सीमा इतनी जोर से उछली जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। लालजी की आंखें भी भय के कारण बाहर निकल आई थी। और हमीद कहता जा रहा था, मेरी और रमेश की आपस में कभी नहीं बनी, हमें बराबर नोकझोंक होती रहती थी, चक चलती रहती थी। मगर आज जब रमेश दुनिया में नहीं रहा, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं उसे कितना चाहता था। मेरा कलेजा खून हो गया है, प्रतिशोध की भावना मुझे जलाई दे रही है। मुझे रमेश के कत्ल का बदला लेना है, और मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं महसूस हो रही कि रंधा की लूटी हुई दौलत और वीना आप ही पांचों आदमियों में से किसी के पास है। मैं आपकी ये बात इसलिए नहीं मान सकता कप्तान साहब कि इन पांचों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे रंधा ने न लूटा हो, लालजी ने कहा। और मगर आपकी इस बात को सच मान भी लिया जाए तो फिर उस आदमी को तो गुप्त हो जाना चाहिए था जिसके पास रंधा की लूटी हुई दौलत जमा है, ताकि रंधा उसका कुछ बिगाड़ न सके। मगर ऐसा नहीं है, पांचों आदमी मौजूद है। रंधा को फांसी हो चुकी है मिस्टर लालजी, हमीद ने कहा। तो फिर मौत की धमकियां आप भिजवा रहे हैं, लालजी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। फिर गंभीरता के साथ बोले, आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये पांचों आदमी पहले भी रंधा का निशाना थे और आज भी है। ये पांचों आदमी सीधे साधे तरीके से एक नया कारोबार करने जा रहे हैं, और आप लोगों का यह सोचना भी गलत है कि रंधा को फांसी हो गई। आप लोग धोखा खा रहे हैं, रंधा को फांसी नहीं हुई। वह रंधा ही था मिस्टर लाल, जिसे आपकी कोठी में इंस्पेक्टर आसिफ ने हथकड़ियां पहनाई थी, ये मैं मानता हूं, मगर फिर फरार हो गया। इस विषय पर मैं आपसे फिर बात करूंगा, हमीद ने कहा। फिर सीमा की ओर मुड़कर बोला, मिस सीमा, अब तक मैं आपको छूट दिए हुए था, मगर अब वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने अभी और इसी समय ये नहीं बताया कि वो ड्राइवर कौन है, तो मैं इसी समय आपको हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दूंगा, और वो आपसे सब कुछ उगलवा लेगी। लाल जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, मगर कुछ बोला नहीं। सीमा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, कुछ क्षणों तक फटी फटी नजरों से हमीद को देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आई और होंठ कांपने लगे। मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ, हमीद ने कहा, वो ड्राइवर कौन है? मिस्टर रमेश, सीमा ने भर्राए हुए स्वर में कहा। हमीद ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला, उसे सीमा का उत्तर सच प्रतीत हुआ। उसने अपनी मनोदशा को छिपाने के लिए लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए कहा, क्या उसने वो मेकअप किसी खास कारणवश? जी हाँ, सीमा ने बात काट कर कहा, मिस्टर रमेश ने मुझसे कहा था कि वो कर्नल विनोद को, बल्कि उनके पूरे विभाग को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो किसी प्रकार सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए मिस्टर रमेश ने उस आदमी का मेकअप किया था। मैंने एक बार उनसे ये भी कहा था कि इस प्रकार तो पुलिस आप ही को धर लेगी। इस पर उन्होंने हंसकर कहा था कि धर लेगी तो सच्ची बात जानने के बाद छोड़ भी देगी, मगर वह रहस्यपूर्ण आदमी जिसे पुलिस तलाश कर रही है, जब अपना सादृश्य देखेगा तो अपने बिल से अवश्य बाहर निकल आएगा। बिजली के समान कई विचार हमीद के जहन में आए, और उसे ऐसे लगा जैसे वह एकदम से अंधेरे से उजाले में आ गया हो। उसने उठते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूँ, आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस यहाँ तैनात कर दी जाएगी, मगर आप लोग 3 दिन तक न इस कोठी से निकलेंगे और न किसी से मिलेंगे।
और इस बात की कोशिश करेंगे कि फोन पर भी किसी से बात न करें। अगर इनमें से किसी बात की अवज्ञा हुई तो फिर नतीजे के जिम्मेदार भी आप ही लोग होंगे। बाहर निकलकर हमीद ने मोटरसाइकिल संभाली और सोहराब जी की कोठी की ओर चल पड़ा। उसने मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर छोड़ रखी थी, इसलिए कि सोहराब जी से मिलना भी था और ठीक समय पर DIG के यहाँ पहुँचना भी था। मगर जब मोटरसाइकिल उस भाग में पहुंची जहाँ लगभग 100 गज का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था, तो अचानक एक और फायर हुआ। मगर उसने किसी और देखा नहीं और न उसे उसकी चिंता हुई। और फिर सड़क के दोनों ओर से फायर होने लगे, मगर यह तो या तो उसके दिन पूरे नहीं हुए थे या फिर फुल स्पीड पर मोटरसाइकिल दौड़ाने का चमत्कार था कि कोई गोली उस पर नहीं पड़ी और वह सांप बचता हुआ निकल चला गया। सोहराब जी की कोठी के कंपाउंड में उसने मोटरसाइकिल रोकी, मगर अभी सीट से नीचे उतरने भी न पाया था कि कई आदमी राइफलें और बंदूकें ताने हुए आ गए और उसे अपने घेरे में ले लिया। हमीद ने जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और बोला, कैप्टन हमीद फ्रॉम इंटेलिजेंस। एक आदमी कोठी के अंदर आया और फौरन ही वापस आकर हमीद को लिए हुए कोठी के अंदर चला गया। एक बड़े से कमरे में सोहराब जी मसहरी पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे की लालिमा गायब थी। उसने हमीद को देखते ही पहले बैठने के लिए कहा, फिर बोला, मैं जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा कैप्टन। अक्सर सोचता था कि मरूंगा कैसे, मगर अब यह सोचता हूँ कि रंधा मुझे मारे या न मारे, इस जबरदस्त मानसिक तनाव के कारण खुद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। क्या आप आलेखचनों में हिस्सेदार है, हमीद ने पूछा। हाँ, अभी हाल ही में उसके कुछ हिस्से मैंने खरीदे हैं। मादाम जायरे के प्रोग्राम से जो आमदनी होती थी वो किसे मिलती थी? पहले जब आमदनी कम थी तो मादाम जायरे से 5% कमीशन लिया जाता था, मगर जब आमदनी अधिक होने लगी तो 10% कमीशन मांगा गया, मगर मादाम जायरे इस पर तैयार नहीं हुई। कमीशन में वृद्धि की मांग तो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ने की होगी। जी हाँ, और मादाम जायरे के इनकार पर आपस में खिंचाव भी पैदा हुआ होगा। जी हाँ, सोहराब जी ने कहा। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर में कौन कौन लोग थे, हमीद ने पूछा। केवल मैं। मादाम जायरे के चाहने वाले कौन कौन लोग थे? अरे साहब, वो एक कलाकार थी, हजारों चाहने वाले रहे होंगे, भला मैं क्या बता सकता हूँ। कल रात वाली दुर्घटना के बारे में बताइए। हम चारों एक जगह बैठे ड्रिंक कर रहे थे कि अचानक रंधा वहां पहुंच गया और हम चारों को राइफल के जोर पर ले गया। मगर अब सोचता हूँ कि वह अच्छा ही हुआ, वरना मैं अब तक मर चुका होता, इसलिए कि हमारी वापसी के समय ही मेरी कोठी के सामने ठीक उस स्थान पर बम फटा था जहां से गुजरते हुए मुझे कोठी में दाखिल होना था। रात आप रंधा की कैद में थे? अगर वो आपको मार डालना चाहता रहा होता तो रात ही में मार डालता। इस प्रकार आपको मारने के लिए बम न फेंकता, इससे साबित होता है कि बम फेंकने वाला आपका कोई दूसरा शत्रु था। मैं उस शत्रु का नाम जानना चाहता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, भला कोई क्यों मेरा शत्रु हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि आपने मादाम जायरे को उसके हवाले नहीं किया। इसलिए अच्छा यही है कि आप उसका नाम बता दे, वरना आज नहीं तो कल आपका जरूर उसकी गोली का निशाना बन जाएंगे, और अगर आप बता देंगे तो यह खतरा दूर हो जाएगा। अब आपसे क्या छिपाना कैप्टन, सोहराब जी ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। मादाम जायरे का सबसे बड़ा चाहने वाला मैं खुद हूँ, मगर अब मुझे इसका एहसास हुआ है कि जितनी दौलत मैं उस पर खर्च कर रहा हूँ उस अनुपात से उसका झुकाव मेरी ओर नहीं है, तो मैंने उससे ताना दिया। इस पर कहने लगी कि एक आदमी ऐसा भी है जो मुझसे अधिक उस पर खर्च करने के लिए तैयार है। जब मैंने उस आदमी का नाम पूछा तो पहले वह इनकार करती रही, फिर कहा कि परसों रात में डांस के बाद बता देगी, मगर परसों रात ही उस पर डांस के मध्य में ही गोली चलाई गई। अब वह अस्पताल में है और कदाचित एक सप्ताह तक मैं अभी उससे न मिल सकूंगा। आपको किस पर संदेह है? हर उस आदमी पर जो मेरे ही समान धनवान है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मादाम जायरे ने अपना मूल्य बढ़ाने के लिए आपसे यह बात झूठ कही हो। पहले मैंने भी यही समझा था, मगर बाद में मालूम हुआ कि वह झूठ नहीं बोलती। इसीलिए कि बाद में मुझे लंदन से सूचना मिली थी कि हाल ही में मादाम जायरे ने एक ऐसी कंपनी में 1,00,000 पौंड के हिस्से खरीदे हैं जो मशीनों पर कर्ज देती है, और उसी कंपनी से आप लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए कर्ज ले रहे हैं। जी हाँ। तो फिर कर्ज मत कहिए, बल्कि ये कहिए कि इस प्रकार आप लोग अपना काला धन सफेद कर रहे हैं, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। फिर पूछा, आप लोग कहाँ ड्रिंक कर रहे थे? जब सोहराब जी ने उस तहखाने का पता बता दिया तो हमीद ने पूछा, उस गोदाम नुमा इमारत का मालिक कौन है? मैं और बाटली वाला। तहखाने के ऊपर वाले फ्लैट में जो आदमी अपनी बीवी और साली के साथ रहता है उसका नाम क्या है? वह बूचा का भाई है, उसे एक बार सजा भी हुई थी। आप सातों में कितने कुंवारे हैं और कितने अपनी बीवियों को खा चुके हैं? प्रकाश और नागर कुंवारे हैं और बाटली वाला 2 बीवियां खा चुका है, बाकी हम सबकी बीवियां हैं।
फिर भी आप लोग इश्क और अय्याशी करने से बाज नहीं आते और आप लोगों में से हर एक आदमी सीमा से शादी करने का इच्छुक है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं, पर कठिनाई ये है कि आप में से जो जिनकी बीवियाँ जीवित है वो सीमा से ब्याह न करके उसे रखेल की सूरत में रखना चाहते हैं, जो सीमा को मंजूर नहीं, और जिससे सीमा खुद शादी करना चाहती है वो शादी करने पर तैयार नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? सोहराब जी ने बात काट कर कहा, यही कि वीना का अपहरण इसीलिए किया गया था कि उससे शादी नहीं की जा सकती थी, और अब 5 करोड़ वाले प्रोजेक्ट द्वारा सीमा को जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मादाम जायरे भी इसी चक्कर का शिकार है। अब देखना यह है कि औरतों के इस चक्कर के पीछे कौन है, हमीद ने कहा और उठ गया। जिस समय हमीद अपने DIG साहब के बंगले पर पहुंचा, उस समय लगभग सभी बड़े अधिकारी उसे लाउंज में मिले थे। वह सब DIG के बंगले से निकले थे और सबके मुंह लटके हुए थे। शायद DIG ने उन्हें फटकारा था। हमीद को देखकर उन्हें और जलन सी हो गई। एक ने दूसरे से कहा, मुगले आजम तो लंदन में तीर मारने गए हैं, और अब देखना है कि शहजादे सलीम साहब यहाँ कौन सा तीर मारते हैं। चचा आसिफ नहीं दिखाई दे रहे हैं? हमीद ने एक से पूछा। वो बेचारे तो जब से रंधा की कैद से छूटे हैं तब से अकेले बाथरूम भी नहीं जाते, फिर यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, उसने उत्तर दिया। हमीद ने फिर कुछ नहीं पूछा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही DIG के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या रहा? हमीद ने पूरी रूपट देने के बाद कहा, मुझे सोहराब जी, नौशेर, प्रकाश मेहता, लाल जी और मदाम जायरे का वारंट गिरफ्तारी चाहिए। रंधा को क्यों भूल गए? रंधा को फांसी हो चुकी है सर, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कल से आज तक जितनी घटनाएं हुई है उनमें इन्हीं 6 आदमियों में से किसी का हाथ था। DIG कुछ कहने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी और उन्होंने लपक कर रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, लाइन पर रहिए श्रीमान जी। हेलो, लंदन योर पार्टी हियर प्लीज। हेलो, हाँ, DIG फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस। हेलो, कर्नल विनोद प्लीज। हाँ बताइए, बात कीजिए। हेलो, मैं DIG बोल रहा हूँ। हाँ कैप्टन हमीद, यहाँ है, उसे दे रहा हूँ। उन्होंने रिसीवर हमीद को दे दिया और उसे विनोद की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे परिस्थिति का पता है, मैं कल संध्या तक पहुँच रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, अपना पूरा ध्यान सीमा पर लगा दो, उसी द्वारा तुम वास्तविक अपराधी तक पहुँच सकते हो। थोड़ी देर बाद तुमसे ब्लैकी मिलेगा, उसकी मंत्रणा का विचार रखना। फिर जब हमीद ने उन 6 आदमियों को गिरफ्तार करने वाली बात कही तो विनोद की आवाज़ आई, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी काम खराब कर देगी, बस तुम सीमा का ध्यान रखो, और अब रिसीवर DIG के साहब को दे दो। हमीद ने रिसीवर DIG की ओर बढ़ा दिया। वो केवल सिर हिलाते रहे और विनोद की आवाज़ें सुनते रहे। फिर रिसीवर रख कर हमीद से पूछा, हाँ तो तुम सीमा के यहाँ जा रहे हो? जी हाँ, कर्नल साहब ने यही आदेश दिया है, हमीद ने कहा और सलूट करके बाहर निकल गया। मगर सीमा के घर जाने के बजाय मादाम जायरे की कोठी की ओर चल पड़ा। यद्यपि सोहराब जी ने उससे कहा था कि मादाम जायरे अस्पताल में है, मगर न जाने क्यों उसे विश्वास था कि आज की रात वह घर पर ही होगी। मादाम जायरे के निवास स्थान पर के निकट पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल एक पेड़ की आड़ में खड़ी कर दी। ये सुनसान इलाका था, कुछ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, मगर इस समय सब अंधकार में डूबी हुई थी। वह गुरु वाटिका में दाखिल हो गया, तभी उसके कान के निकट से गोली शाय करती हुई निकल गई और वह जल्दी से जमीन पर लेट गया। फिर पेट के बल रेंगता हुआ इमारत की ओर बढ़ने लगा। तभी तारों की छांव में उसने एक दूसरे आदमी को देखा जो उसी के समान रेंगता हुआ दूसरी ओर से इमारत की ओर बढ़ रहा था। वो उस आदमी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं पाया था कि फायरिंग होने लगी। जान बचनी मुश्किल हो गई, इसीलिए वह इस प्रकार चीखा जैसे उसे गोली लग गई हो। फिर उसने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनी जो उसी की ओर आ रही थी। अब वह अपनी बचत का उपाय सोचने लगा कि अचानक उस आदमी ने फायरिंग आरंभ कर दी जो दूसरी ओर से रेंगता हुआ इमारत की ओर बढ़ रहा था। परिणाम ये हुआ कि दौड़कर आने वाले दूसरी ओर मुड़ गए और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद वैसे ही चुपचाप लेटा रहा और दूसरे रेंगने वाले को अपनी ओर आता हुआ देखने लगा। वह समझ गया था कि यह अपनी ही जात बिरादरी का आदमी होगा, इसीलिए मुतमइन था। वह आदमी निकट पहुंचकर हमीद को मुर्दा समझकर उठाने के लिए झुका ही था कि हमीद ने कहा, मैं जिंदा हूँ, तुम कौन हो दोस्त? ब्लैकी, मेरे बारे में कर्नल साहब ने आपको बताया होगा, वैसे अपने विश्वास के लिए मेरा कार्ड देख लीजिए। हमीद ने पेंसिल टॉर्च के प्रकाश में कार्ड देखा। कार्ड पर तस्वीर भी थी और विनोद का हस्ताक्षर भी। हमीद ने कार्ड उसे वापस करते हुए कहा, तुम्हें तो सीमा के यहाँ होना चाहिए था, फिर यहाँ कैसे? मैं सीमा के ही यहाँ जा रहा था, आशा थी कि आप वहीं मिलेंगे, मगर जब यहाँ से गुजरने लगा तो एकदम से अंधेरा हो गया और फिर मैंने कुछ लोगों को इसी कंपाउंड में दाखिल होते हुए देखा, इसीलिए रुक गया।
फिर मैंने कोठी के पिछले भाग से एक औरत को निकलते हुए देखा। वो लोग उसे कवर किए हुए थे। मैं उनके ही पीछे लगना चाहता था कि आप आ गए और मुझे रुक जाना पड़ा। वो लोग उस औरत को लेकर किधर गए, हमीद ने पूछा। काले रंग के स्टेशन वैगन पर बैठकर सीधा जाते हुए देखा था। सीधा रास्ता तो जॉर्ज रोड की ओर जाता है जहाँ सीमा रहती है, हमीद बड़बड़ाया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे साथ कोई सवारी है? जी नहीं, मैं टैक्सी से आया था और टैक्सी से ही जाता। हमीद ने उसे अपनी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठाया। फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद जब उससे पूछा कि कर्नल का आदेश उसे कब मिला था, तो उसने कहा आज ही 8:30 बजे टेलीफोन से। हमीद ने फिर कुछ नहीं पूछा, इसलिए कि यह तो वो समझ ही गया था कि वो विनोद की ब्लैक फोर्स का आदमी है और विनोद का आदेश था कि उसकी ब्लैक फोर्स के किसी भी आदमी से कोई जिरह न की जाए। जॉर्ज रोड पर सीमा के कोठी से कुछ इधर एक पेड़ की आड़ में हमीद ने मोटरसाइकिल रोक दी और उतरने ही जा रहा था कि एक गाड़ी की घड़बड़ाहट सुनकर रुक गया। आने वाली गाड़ी उसी पेड़ से लगभग 10 कदम आगे जाकर रुक गई। उसमें से 2 आदमी उतरे और आगे बढ़कर सीमा की कोठी में दाखिल हो गए। हम लोग भी चले, ब्लैकी ने पूछा। नहीं, हम केवल इनका पीछा करेंगे, हमीद ने कहा। वो दोनों फौरन ही वापस आ गए। उनसे एक गाड़ी के निकट पहुंचने पर कहा। चारों ओर अंधेरा देखकर पहले ही मेरा माथा ठनका था और आखिर वही हुआ। वे लोग हमसे पहले ही लालजी तथा उसकी लड़की सीमा को ले उड़े। आओ चले, दूसरे ने कहा। फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ गई। हमीद ने गाड़ी का पीछा आरंभ किया। ब्लैकी ने कहा, पता नहीं वे कौन लोग थे जो बाप बेटी को उठा ले गए, और ये कौन है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई शक्ति रंधा के पीछे थी, जो रंधा के फांसी पा जाने के बाद रंधा के नाम से लाभ उठा रही है। मगर एक दूसरी शक्ति भी है जो पहली शक्ति का रास्ता काट रही है, हमीद ने कहा। फिर बोला, मुझे आश्चर्य है कि कर्नल साहब लंदन में है मगर यहाँ की सारी बातें जानते हैं। कर्नल साहब के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। फिर इस जुर्म की बुनियाद तो लंदन में ही है, यहाँ तो केवल शाखाएं हैं। 5 करोड़ वाला प्रोजेक्ट भूचा का भाई तथा मदाम जायरे, इस सब का संबंध लंदन ही से है। तुम तो इस प्रकार बातें कर रहे हो जैसे इस केस के बारे में सब कुछ जानते हो। जी हाँ, कर्नल साहब इस केस के संबंध में उस समय से मुझसे काम ले रहे हैं जब आप लोग ने रंधा को गिरफ्तार नहीं किया था। उस समय क्या काम ले रहे थे, हमीद ने चौंकते हुए पूछा। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो विदेशी था मगर सूरत बदलकर यहाँ के नागरिक के रूप में रहता था। यहाँ से दूसरे देशों को रुपए स्मगल करता था। कर्नल साहब का विचार था कि रंधा की पीठ पर वही है, मुझे उसी आदमी पर उन्होंने लगा रखा था। हमीद कुछ और पूछना चाहता था कि आगे वाली स्टेशन वैगन एक इमारत के सामने रुक गई और हमीद ने भी मोटरसाइकिल रोक दी। स्टेशन वैगन से 2 आदमी उतर कर इमारत में दाखिल हो गए और स्टेशन वैगन आगे बढ़ गई। मैं स्टेशन वैगन के पीछे जा रहा हूँ मगर तुम मेरी वापसी तक यही रहोगे। मेरा ख्याल है कि इस इमारत से कोई अब बाहर नहीं निकलेगा, हमीद ने कहकर ब्लैकी को उतारा और मोटरसाइकिल के आगे बढ़ गया। अब वह स्टेशन वैगन का पीछा नहीं करना चाहता था बल्कि उसे पकड़कर चेक करना चाहता था, इसीलिए पूरी गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। मगर जैसे ही स्टेशन वैगन झरियाली रोड पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और हमीद ने मोटरसाइकिल में पूरे ब्रेक लगाए। सामने थोड़ी ही दूरी पर वह स्टेशन वैगन जल रही थी। वो मोटरसाइकिल से उतरकर स्टेशन वैगन के निकट पहुंचा। अभी पिछले भाग में आग नहीं लगी थी। उसने जल्दी से उसकी नंबर प्लेट निकाली और जलती हुई गाड़ी को एक नज़र देखकर पलटा और मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस हुआ। फिर जैसे ही पहला टेलीफोन बूथ नजर आया, उसने मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर बूथ में दाखिल हुआ। DIG के नंबर रिंग किया और कहने लगा, सर मैं बूथ नंबर 441 से हमीद बोल रहा हूँ। झरियाली रोड पर 13वीं और 14वीं मील के मध्य में एक लाश और जली हुई स्टेशन वैगन मौजूद है। लाश उठवा ली जाए और गाड़ी चेक करने योग्य हो तो चेक की जाए, और कृपा करके आप खुद एक मजिस्ट्रेट तथा फोर्स के साथ नरीमन रोड की 3री कोठी पर आ जाइए। समय बहुत कम है इसीलिए मैं विवरण नहीं बता सकता, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। DIG का उत्तर सुनने से पहले ही उसने संबंध काट दिया और बाहर निकल कर नरीमन रोड की ओर चल पड़ा जहाँ वह ब्लैकी को छोड़ आया था। इस समय 10 बजे थे। नरीमन रोड की 3री कोठी बाहर से तो अंधकार में डूबी थी मगर अंदर से एक कमरे में रोशनी हो रही थी और उसमें एक आदमी टहल रहा था। फिर एक दूसरा आदमी दाखिल हुआ और पहले वाले से कहा, सब ठीक है? यद्यपि कैप्टन हमीद ने सबको मना कर रखा है कि कोई घर से बाहर न निकले मगर सब जाएंगे, लेकिन कदाचित सीमा और लाल सिंह न जाए, इसीलिए कि हमीद ने उनसे कहा है कि जिन 5 आदमियों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है उन्हीं में से कोई मुजरिम है।
दूसरी रिपोर्ट यह है कि सुहराब जी ने हमीद को बताया था कि जिस आदमी ने मदाम जायरे से प्रेम प्रदर्शन किया था उसका नाम जिस दिन मदाम जायरे उसे बताने वाली थी उसी दिन उस पर गोलियां चलाई गई थी। अच्छा, तो तुम रोहन और रावी को साथ ले जाओ और मदाम जायरे तथा सीमा का अपहरण करके उन्हें यही ले आओ। स्टेशन वैगन तुम ही ड्राइव करोगे, जाओ। वो आदमी जैसे ही बाहर निकला वैसे ही दुमीचंद की लड़की वीना दाखिल हुई। सुनो डार्लिंग, उस आदमी ने कहा, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद जब लंदन से वापस आएगा तो यह मालूम करके आएगा कि न्यूमैन उसके शहर में मौजूद है, इसीलिए मैं आज ही अपनी न्यूमैन वाली हैसियत खत्म कर दूंगा, वरना हो सकता है विनोद मुझे पहचान ले। अब तक मेरी वास्तविकता तो तीन ही आदमी जानते थे। एक था रंदा, जिसने मुझे उस समय देख लिया था जब वह तुम्हें लेकर मेरे पास आया था। दूसरा बूचा का भाई, जिसे मैंने जेल के पास बम का शिकार बनवा दिया था। और तीसरा निम्बालकर, जो अभी अभी यहाँ से गया है और अब मैं उसे भी खत्म करने जा रहा हूँ। तुमने मेरे बाप को भी कत्ल कर डाला, बड़े निर्दयी हो, वीना ने कहा। तुम्हारे बाप को मेरी इच्छा के विरुद्ध रंधा ने कत्ल किया था और उनका कत्ल हो जाना आवश्यक भी था, इसलिए कि वो हम दोनों के बारे में बहुत कुछ जान गए थे। अगर वह जीवित रहते तो न हमें मिलने देते और न हमारा कारोबार चलता, और ये भी हो सकता था कि वह तुम्हें कत्ल कर देते। सीमा के बारे में तुमने क्या सोचा, वीना ने पूछा। थोड़ी देर बाद वह जहाँ जा जाएगी और तुम्हारे सामने उसे नंगी होकर नाचना पड़ेगा ताकि वह कभी तुमसे आंखें न मिला सके, यही तो तुम्हारी इच्छा है ना? हाँ, वीना ने मुस्कुराकर कहा। फिर पूछा, क्या सचमुच रंधा को फांसी हो गई? हाँ। तो फिर रमेश को किस रंधा ने कत्ल किया? मिस्टर राय एडवोकेट के ऑफिस में हमीद इत्यादि को किसने कैद कर रखा था? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, उस आदमी अर्थात न्यूमैन ने कहा। अच्छा ठहरो, मैं अभी आता हूँ तो तुमसे बातें करूंगा। बात समाप्त करके न्यूमैन पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर एक कमरे में पहुंचा। एक अलमारी खोली जिसमें दो छोटे छोटे बम रखे हुए थे। एक के साथ पॉकेट साइज घड़ी अटैच थी। उसने उस बम की घड़ी की सुई एक घंटा आगे कर दी और दूसरा बम अपने भीतरी जेब में रखा। फिर कमरे से निकलकर गैरेज की ओर बढ़ा ही था कि निम्बालकर नजर आया। उसने निम्बालकर से कहा, तुम चलो, मैं स्टेशन वैगन लेकर आ रहा हूँ। यह ख्याल रहे कि स्टेशन वैगन सीमा और हमीद के नजरों में आ चुकी है, इसलिए वापसी में तुम सीमा, राबी और रोहन को यहाँ उतार कर झरियाली की ओर चले जाना। वहाँ जंगल में पहुंचकर स्टेशन वैगन जला देना और कल सवेरे टैक्सी से वापस चले आना। बात समाप्त करके वह गैराज में दाखिल हो गया। एक तख्ता हटाकर वह निचले गैरेज में पहुंचा। एक काले रंग की स्टेशन वैगन खड़ी थी। उसके डैशबोर्ड से लगे हुए खाने का ढक्कन खोलकर वह बम रखा जिसकी सुई एक घंटा आगे कर दी गई थी। फिर ढक्कन बंद करके उसमें ताला लगाया। उसके बाद उसे ड्राइव करके ऊपर वाले गैरेज में लाया। फिर उसे बाहर लाकर निम्बाल करके हवाले किया और अपने हाथ से गैरेज बंद करके फिर उसी कमरे में पहुंच गया जिसमें वीना को छोड़ा था। वीना टहल रही थी मगर अब कुछ उदास सी दिखाई दे रही थी। तुम कुछ चिंतित सी नजर आ रही हो, क्या बात है? उसने वीना से पूछा। हाँ, वीना ने कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे रंधा अभी जीवित है। असंभव, मैं तस्दीक कर चुका हूँ, न्यूमैन ने कहा। फिर उसकी लाश क्या हुई? उसे तो तुम ही गायब करने वाले थे। इसकी चिंता मुझे भी है, मेरे वो दोनों आदमी पता नहीं कहाँ क्या हो गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी रंधा के नाम से अनुचित लाभ उठा रहा है और मुझे ब्लैकमेल भी करना चाहता है। तुमने रंधा को अकारण गिरफ्तार कराया। मैंने गिरफ्तार कराया? हाँ, वीना ने कहा। रंधा जहाँ था वहाँ के टेलीफोन का तार पहले ही काट देता था, मगर सीमा के यहाँ उसने तार नहीं काटे थे। प्रकट है कि वह तुम्हारा ही आदेश रहा होगा। तुम जानती हो कि रंधा की क्या मांग थी? न्यूमैन ने पूछा। नहीं, उसने कहा था कि या तो मैं सारी दौलत उसके हवाले कर दूँ या तुम्हें उसके हवाले कर दूँ। इसीलिए मैं स्टेशन वैगन लेकर लौट आया था कि कहीं वह मुझे न गिरफ्तार करा दे या तुम्हें न उठा ले जाए। तुमने अकारण ही मेरी आवाज़ जेल में प्रसारित, तुम्हारी आवाज़ पर ही तो मैं वह मौन रहा था, वरना सब कुछ उगल दिया होता। अब क्या प्रोग्राम है? वीना ने कहा। मादाम जायरे के माध्यम से पहले तो उस मशीन के संधि पर हस्ताक्षर कराना और फिर उसे कत्ल कर देना। तो फिर दूसरे लोगों को क्यों बुलवाया है? वो सब लोग भी संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं सेक्रेटरी हूँ, सारे अधिकार मेरे पास है। 5 करोड़ रुपए पलक झपकते ब्लैक से व्हाइट हो जाएंगे, सूद अलग मिलेगा। फिर हम तुम लंदन चले जाएंगे और ऐश का जीवन व्यतीत करेंगे। उसी क्षण गड़गड़ाहट सुनाई दी और न्यूमैन ने वीना को संकेत किया कि वो बाहर निकल गई। दूसरे ही क्षण द्वार खुला और सुहराब जी, मेहता, प्रकाश, बूचा और नागरवाला अंदर दाखिल हुए। वापसी पर ब्लैकी को हमीद ने वही पाया जहाँ छोड़ गया था। उसके पूछने पर ब्लैकी ने कहा,
इस इमारत के एक कमरे में इस समय सोहराब जी और प्रकाश सहित 6 आदमी हैं और कुछ संधियों पर बहस हो रही है। कोई औरत भी है? हमीद ने पूछा। जी नहीं। वह सब यहाँ कैसे आए हैं? एक ही गाड़ी पर आए हैं जो बाहर खड़ी है और कदाचित हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही से मौजूद है। आपके कारण मैं चला आया, वरना उनकी पूरी बात सुनता। हमीद ने अपनी कहानी सुनाने के बाद कहा। अब वही चलो जहाँ से तुम उनकी बातें सुन रहे थे, हमीद ने कहा। ब्लैकी उसे लिए हुए इमारत के पिछले भाग की ओर पहुंचा। पिछली दीवार इतनी ऊंची थी कि ऊपर ही छत पर पहुंचना असंभव था। पाइप भी नहीं था कि उसी के सहारे ऊपर तक पहुंचा जा सकता। हमीद कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने ब्लैकी की जेब से रस्सी का एक लच्छा निकालते हुए देखा। रस्सी के एक सिरे से कोई जानवर बंधा हुआ था। उसने जानवर वाले सिरे को चक्कर देकर छत की ओर उछाल दिया। दूसरे ही क्षण रस्सी छत से लगी नीचे तक झूल रही थी। क्या रस्सी में कोई आंकड़ा था जो ऊपर फंस गया? हमीद ने पूछा। जी नहीं, वो गो थी। उसने पत्थरों पर अपनी पैर जमा लिए। अब अगर 10 मन का बोझ भी ऊपर चढ़ा जाए तो उसके पैर अपने स्थान से नहीं हटेंगे। हाँ, रस्सी ही टूट जाए तो दूसरी बात है। तुम लोगों को कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा प्रशिक्षण दे रखा है, हमीद ने कहा। पहले मैं चढ़ रहा हूँ, फिर आप आ जाइएगा, ब्लैकी ने कहा और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। फिर हमीद भी ऊपर पहुंच गया और छत से पेट चिपका कर अपना शेष चेहरा छिपाते हुए केवल अपनी आंखें रोशनदान से लगा दी। राबी और रोहन खड़े थे। न्यूमैन ने उनसे पूछा, क्या रहा? सीमा तो नहीं मिली? वो मौजूद नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे उसका अपहरण किया गया है। निम्बालकर स्टेशन वैगन लेकर गया? न्यूमैन ने पूछा। जी हाँ, मगर किसी ने स्टेशन वैगन का मोटरसाइकिल से पीछा किया था और वही मोटरसाइकिल अब भी स्टेशन वैगन के पीछे गई है। तुम लोग अपने कमरे में जाओ और मदाम जायरे का अमादा करो कि वह संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। तुम लोग उससे तफरी भी कर सकते हो और उसे यह धमकी भी दे सकते हो कि तुम दो ही नहीं और भी है। ठीक 11:30 बजे उसे कमरे में भेज देना। और हाँ, ये लो गैराज के बगल वाले कमरे की कुंजी। अलमारी में कीमती शराब की एक बोतल है, वो तुम्हारा इनाम है, न्यूमैन ने कहा और दूसरी ओर मुड़ गया। राबी और रोहन अब उस कोठरी में पहुंचे जिसमें मदाम जायरे को रखा गया था, तो वो उन्हें देखते ही चीखने लगी। मैं जानती हूँ कि मुझे किसने अपहरण करवाया है। उससे कह देना कि मैं उसके दोनों नाम जान गई हूँ। उसे कह देना कि रंधा जीवित है और यह भी कह देना कि मैं सोहराब जी को बता दूंगी कि वह मुझे और सीमा को। उसकी आवाज चीखों में बदल गई, इसलिए कि दोनों ने उसे दबोच लिया। जब 11:30 बजने में 2 मिनट रह गए थे तो सोहराब जी ने अपने साथियों की ओर देखा और कहने लगा, एग्रीमेंट्स तैयार हो गए हैं जिन्हें मैं एक बार पढ़कर सुना चुका हूँ और अब केवल हस्ताक्षर करने शेष है। एक एग्रीमेंट वह है जिसका संबंध यहाँ एक फैक्ट्री और एक मिल स्थापित करने से है, जिसमें हमें 2 करोड़ की पूंजी लगानी पड़ेगी और यह रकम हमें लंदन की एक फर्म से कर्ज के तौर पर मिलेगी। दूसरा एग्रीमेंट 5 करोड़ के प्रोजेक्ट का है और यह रकम भी हमें कर्ज ही लेनी पड़ेगी, मगर दूसरे एग्रीमेंट में नागर और बूचा सम्मिलित नहीं है। प्रश्न ये है कि इससे हमें लाभ क्या पहुंचेगा, मेहता ने पूछा। क्या बचकाना सवाल आपने किया है, सोहराब जी ने कटु स्वर में कहा। आप सबको मालूम ही है हमारी गाढ़ी कमाई पर सरकार की ओर से छापे पड़ रहे हैं। सरकार ने उसका नाम काला धन और काला रुपया रखा है। अगर हम उसे बैंक में रखे तो 75% टैक्स दे, लॉकर में रखे तो सरकार ले ले, घर में रखे तो रंधा चुरा ले या फिर सरकार ही जब्त कर ले, मगर इन दोनों प्रोजेक्टों से आप सब की रकम वाइट हो जाएगी। विदेशी बैंकों में आपका जो धन है वह जब्त नहीं होगा और आपको काम आएगा और इसका क्रेडिट केवल मिस्टर नौशेर को जाता है। पहली दस्तखत किसे करनी है, नौशेर ने पूछा। मदाम जायरे को, जो प्रकट में तो एक डांसर है मगर वास्तव में उस विदेशी कंपनी की एजेंट है और रुपये की बहुत बड़ी स्मगलर है। वैसे ही द्वार खुला और मदाम जायरे दाखिल हुई। हमीद ने जैसे ही रोशनदान से आंखें लगाई थी वैसे ही मदाम जायरे कमरे में दाखिल हुई थी। उसने सबको देख भी लिया था और पहचान भी लिया था। मदाम जायरे के आगमन की प्रतिमा क्रिया सबसे अधिक सोहराब जी पर हुई थी। वह चहक कर कुछ कहने वाला था कि मदाम जायरे का उतरा हुआ चेहरा देखकर सन्नाटे में आ गया। नौशेर ने बड़े कोमल स्वर में कहा, एग्रीमेंट तैयार है मदाम, आप उस पर दस्तखत कर दीजिए। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे यहाँ इस प्रकार क्यों बुलवाया गया है। आप ही नहीं वरन हम सब भी इसी प्रकार यहाँ एकत्रित हुए हैं, नौशेर ने कहा। समय कम है, 1 बजे फ्लाइट से सारे कागजात लेकर मैं लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरे साथ आप भी चलेगी, इसीलिए जल्दी से एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दीजिए। इस समय मैं किसके मकान पर हूँ, मदाम जायरे ने कहा। एक विदेशी जो लंदन का रहने वाला है, नौशेर ने कहा।
फिर दोनों एग्रीमेंट उसके सामने रखते हुए कहा, दस्तखत न करने की सूरत में करोड़ों की हानि होगी, और क्या कहो, आप खुद ही समझदार है, बाकी लोग दस्तखत कर चुके हैं। मदाम जायरे ने गर्दन घुमाकर नौशेर की ओर देखा और फिर मुस्कुरा पड़ी। फिर दोनों एग्रीमेंट पढ़कर उन पर हस्ताक्षर कर दिए। नौशेर दोनों एग्रीमेंट तय करके जेब में रखने ही जा रहा था कि दरवाजा खुला और 5 आदमी दाखिल हुए। सबसे आगे सीमा और लालजी थे। उनके पीछे वह ड्राइवर था जिसके बारे में सीमा ने बताया था कि वह रमेश है और उस आदमी के मेकअप में है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। हमीद उस ड्राइवर को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे ड्राइवर से संबंधित सारी बातें याद आ रही थी और वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि ये वास्तव में वही न्यूमैन है जिसकी पुलिस को तलाश है या रमेश ही न्यूमैन के मेकअप में है और यह कि रमेश मरा नहीं बल्कि जीवित है। मगर इससे अधिक चौंका देने वाली बात वह दो आदमी थे जो ड्राइवर के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुए थे। उनमें से एक रंधा था जिसका चेहरा देखकर डर लगता था, मगर इस समय वह खाली हाथ था, और दूसरा एक लंबा कद का नकाबपोश था जो दरवाजे से बिल्कुल चिपका हुआ था। अचानक रंधा के अधरों पर मुस्कान थिरक उठी। फिर उसने कहा, तुम लोगों के न चाहते हुए भी तुम्हारा सेवक रंधा आज फिर तुम लोगों की सेवा में हाजिर है। अब हम लोगों के पास क्या है जिसे लूटने आए हो? क्या है यह तो अभी मालूम हो जाएगा। पहले यह तो बताओ कि जब तुम लोगों को मना किया गया था कि अपने घरों से न निकलना, तो फिर क्यों बाहर निकले? किसी ने कुछ नहीं कहा। सब परेशान नजर आ रहे थे, मगर सूरब जी और नौशेर कुछ संतुष्ट नजर आ रहे थे। रंधा बोलता जा रहा था, सीमा आ गई है, उसके एग्रीमेंटों पर हस्ताक्षर करा लो और जो जो दिल चाहे करो, मुझसे कोई मतलब नहीं कि मैं केवल अपनी लूटी हुई दौलत वापस लेने आया हूँ, जिसे मेरे जेल जाने के बाद एक आदमी ने हड़प कर लिया। उसी आदमी के पास वीना भी है। क्या तुम्हें फांसी नहीं हुई थी? मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अंधकार में रहो, इसीलिए बता रहा हूँ। जिस रात मुझे गिरफ्तार किया गया था, उसी रात कर्नल विनोद मुझसे मिला था। मैं कर्नल विनोद से घृणा करता था, मगर उस रात उसने मुझे जीत लिया था। तुम लोगों ने मुझे जेल में ट्रांसमीटर भिजवाया था, मगर वह ट्रांसमीटर मुझे कर्नल विनोद के माध्यम से मिला था। मगर मैंने तुम लोगों से बातें नहीं की, बस वीना की प्रेम भरी बातें सुनता रहा था। अचानक रंधा ने पैतरा बदला और पीछे से गरजदार आवाज उभरी, खबरदार, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। जितनी अपनी जेबों की ओर हाथ ले जा रहे थे, अपने अपने हाथ खींच लिए। और रंधा फिर कहने लगा, यह भी कर्नल विनोद के ही कारनामा है कि जिसने मुझे फांसी नहीं होने दी और सबको धोखे में रखा। तो फिर वो लाश किसकी थी? किसी की रही होगी। वो दोनों जो लाश लेकर गए थे, उन दोनों को लाश सहित कर्नल विनोद के आदमियों ने धर लिया था और अब वह सरकारी गवाह बना लिए गए हैं। मगर सारे बड़े सरकारी आदमी तक यही कहते हैं कि तुम्हें फांसी हो गई, नौशेर ने कहा। वो ये कहने के लिए विवश थे, इसलिए कि उनको ऊपर से यही आदेश दिए गए थे। तो तुम कर्नल विनोद से मिल गए? नहीं, रंधा ने करज कर कहा, मैं अब भी उसी हरामी का वफादार हूँ जो मुझसे काम लेता रहा था और जिसने मेरे गिरोह के एक एक आदमी को चुन कर कत्ल कर दिया। उसी ने कल रात बूचा भाई को बम देकर जेल के पास खत्म कर दिया। उसी ने मेरे साथी निम्बालकर को स्टेशन वैगन पर झरियाली की ओर भेजकर टाइम बम द्वारा खत्म कर दिया और अभी थोड़ी देर पहले राबी और रोहन को जहरीली शराब पिलवाकर खत्म कर चुका है। कल रात तुमने ही हम लोगों को गिरफ्तार किया था? नहीं, कर्नल विनोद ने। कर्नल विनोद तो लंदन में है। हाँ, वो लंदन में है, मगर उसका असिस्टेंट हमीद तो यहाँ है। वो बेचारा तो खुद ही हम लोगों के साथ कैद में था। तो फिर कर्नल विनोद का कोई और आदमी रहा होगा, रंधा ने उकताकर कहा। हाँ, इतना और सुन लो कि कर्नल विनोद लंदन में न्यूमैन के षड्यंत्र को समाप्त कर चुका है। अगर प्रमाण चाहते हो तो वह भी दे दूँ। लाओ प्रमाण दो, नौशेर ने कहा। पहले दोनों एग्रीमेंट मेरे हवाले कर दो। लो, नौशेर ने दोनों कागजात रंधा की ओर बढ़ाए। रंधा ने भी कागजात लेने के लिए हाथ बढ़ाए। खबरदार, पीछे से गर्जना सुनाई दी और रंधा हाथ खींच कर कहने लगा, अब तुम लोग इस एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर दो। उसने जेब से हाथ निकाल डालकर 7 फॉर्म निकाले और उन्हें सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक एक फॉर्म सबको दे दो और कह दो कि ये लोगों इन्हें भर दे, जो नहीं भरता वह जिंदा नहीं बचेगा। जब सीमा ने एक एक फॉर्म सबको दे दिया तो रंधा ने कहा, मिस्टर नौशेर, तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ कौन खड़ा है? मैं क्यों पूछूं? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, नौशेर ने गरज कर कहा। तुम डाकू हो, तुम एक बार मेरे घर से मेरी सारी दौलत लूट कर ले गए थे और अब यहाँ इस प्रकार ड्रामा कर रहे हो जैसे हम सब मुजरिम हैं और तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो। खैर, मैं खुद ही बता देता हूँ, रंधा ने हंसकर कहा। ये मिस्टर न्यूमैन है, यही आदमी मुझसे डाके डलवाता था और मेरी लूटी हुई रकम का केवल 10% मुझे देता था,
लड़की अपहरण करके इसी के पास में पहुंचाता था। इसी ने 2 बार मुझे फांसी से बचाया था। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। हाँ, तो तुम इसे नहीं पहचानते मिस्टर नौशेर? नहीं सीमा, रंधा ने कहा, इनको न्यूमैन का वास्तविक रूप दिखा दो। सीमा ने आगे बढ़कर सबसे पहले उस ड्राइवर के सिर पर लगा हुआ विग हटाया, अधरों पर चिपके हुए टेप अलग किए और फिर जैसे ही भवे अलग की ऊपर हमीद चौक पड़ा, क्योंकि अब न्यूमैन की जगह रमेश खड़ा था। हाँ तो मिस्टर नौशेर, रंधा ने कहा, मेरा विचार है कि अब तुम्हारी सुंदर दाढ़ी, तुम्हारी मूंछ, तुम्हारी वीक और तुम्हारे होठों पर लगे हुए टेप भी अलग हो जाने चाहिए। क्या ख्याल है? खैर, ये तो बाद में भी हो जाएगा, कुछ और बातें भी सुन लो। मिस्टर रमेश को इस भेस में तुम्हें इसीलिए दिखाया गया कि तुम घबराहट और बौखलाहट का शिकार होकर मुक्ताय करते जाओ। आज तुमको फिर इसी भेस में मिस्टर रमेश को दिखाया गया था और उसका परिणाम यह निकला कि तुम बिल्कुल ही बौखला गए। तुमने जल्दी में यह प्लान बनाया कि आज ही 2 बजे की फ्लाइट से वीना तथा सारी दौलत को लेकर तुम निकल जाओ। मिस्टर रमेश को मैं न्यूमैन के भेस में इसीलिए यहाँ ले आया था ताकि तुम्हारे साथियों को यह समझा सकूं कि तुम किस प्रकार असली न्यूमैन होते हुए भी नौशेर बनकर उन्हें धोखा देते रहे हो, और अब तुम्हारा यह मेकअप हटा दिया जाएगा तो तुम्हारा असली चेहरा ये लोग भी देख लेंगे। नौशेर मौन खड़ा रहा और रंधा उसकी ओर देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजरें ऊपर वाले रोशनदान की ओर उड़ गई। वो मुस्कुरा पड़ा, फिर कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर यहाँ की सरकारी फाइल में मौजूद है और तुम्हारे कारनामे भी। तुम करोड़ों रुपए हिंदुस्तान से बाहर ले जा चुके हो। कर्नल विनोद को तुम्हारी तलाश थी। उसी तस्वीर के आधार पर तुम्हारा मेकअप मिस्टर रमेश के चेहरे पर किया गया था, और अब तुम्हारे सारे खेल खत्म हो चुके हैं न्यूमैन उर्फ मिस्टर नौशेर, और तुम्हारे विरुद्ध सारे प्रमाण भी एकत्रित किए जा चुके हैं। पहला प्रमाण मैं खुद हूँ, रंधा, जिससे तुमने कत्ल कराए, डाके डलवाए, खुद अपने यहाँ भी डाका डलवाया ताकि तुम्हारे साथी तुम पर संदेह न कर सके। और तुम ये तो जानते ही थे कि वह दौलत भी तुम्हारे पास ही आएगी। उस समय तक मैं ये नहीं जानता था कि एक ही आदमी के 2 नाम हैं, न्यूमैन और नौशेर। मैं लूट की सारी रकम यही तुम्हारे पास लाता था और तुम्हारे हवाले कर देता था और चला जाता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ही नौशेर भी हो और तुम ही न्यूमैन भी हो। मगर उस रात मैंने तुम्हारी असली सूरत देख ली थी, जिस रात मैं वीना को लेकर तुम्हारे पास आया था। तो फिर उसी समय तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह क्यों नहीं किया था? नौशेर ने हंसकर पूछा। इसलिए नहीं किया था कि मुझे इस बात का विश्वास था कि तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे। जब तुम मुझे ये बताया करते थे कि किसके पास कितनी दौलत है और कहाँ रखी है, तो मुझे आश्चर्य होता था कि तुमको इस प्रकार की सच्ची सूचनाएं किस प्रकार मिलती है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि कुछ तो तुम अपने साथियों को ही घुमा फिराकर प्रश्न करके मालूम कर लेते थे, कुछ उनके घरों के नौकरों को रुपए देकर मालूम करते थे, और कभी उन घरों की लड़कियों से पता लगाते थे, और कुछ वीना तथा मदाम जायरे से मालूम करते थे। वो अपनी काम पिपासा बुझाने के लिए बता दिया करती थी। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। नौशेर गर्जा, तुम समर्थन करते हो कि तुम ही न्यूमैन हो? रंधा ने पूछा। हाँ। यह भी समर्थन करते हो कि इस तमाम अपराधों में तुम लिप्त थे? नहीं। नौशेर या न्यूमैन गर्जा, तुम्हारा बयान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे विरुद्ध प्रमाण चाहिए, और यह भी सुन लो कि तुम आज मेरी मुट्ठी में हो। विनोद ने तुम्हें फांसी से बचा लिया, मगर मैं तुम्हें अवश्य फांसी दिलाऊंगा। मैं बड़ी सफाई से कह रहा हूँ कि मैंने अपने विरुद्ध हर प्रमाण हर गवाह को खत्म कर दिया। क्या साबित करोगे? यह एग्रीमेंट्स। इसमें गैर कानूनी बात क्या है? क्या व्यवसाय करना जुर्म है? क्या कर्ज लेना जुर्म है? और ये काला धन जिसका डिक्रेशन फॉर्म इन लोगों ने भरा है, इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैंने तो नहीं भरा है, तुम मेरा जुर्म बताओ। तुम्हारा जुर्म, तुमने बूचा के भाई को कत्ल किया, तुमने बमों के धमाके किए, तुमने निम्बालकर रोहन और राबी को कत्ल किया, और सबसे बड़ा प्रमाण यह मादाम जायरे है। अभी तुम बच्चे हो, नौशेर ने अट्टहास लगाकर कहा। राबी, रोहन, निम्बालकर और बूचा के भाई की हत्या का कोई निशान तुमको नहीं मिल सकता है, और केवल तुम्हारे कहने से अदालत मुझे इनका कातिल नहीं मान सकती। रह गई यह मादाम जायरे, तो इससे पूछो कि इसे यहाँ कौन लाया है। मैं? तुम्हारे 2 आदमी राबी और रोहन इसे यहाँ लाए थे, और वह दोनों इसका समर्थन करने के लिए जिंदा नहीं रहे, नौशेर ने कहा। फिर भयंकर अट्टहास लगाते हुए बोला, अभी तुमने खुद ही कहा कि मादाम जायरे और वीना अपनी काम पिपासा बुझाने के लिए मुझे दूसरों के धन के बारे में बताती रहती थी, इसीलिए मैं सीना तान कर यह कह सकूंगा कि मादाम जायरे के एक अय्याश औरत है। राबी और रोहन उसके आशना थे, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मादाम जायरे ने उन्हें शराब में जहर दे दिया। अब बोलो, अब तो यही कहना है कि जब संसार की कोई अदालत तुम्हें सजा दे ही नहीं सकती, तो फिर मैं ही तुम्हें कत्ल कर दूं।
रंधा ने कहा, न्यू मैन इसलिए नहीं पैदा हुआ कि तुम जैसे तुच्छ आदमी के हाथ से कत्ल किया जाए। उसने फुफकार कर कहा, मेरी मौत जब भी होगी मेरे ही हाथ से होगी। इस दावे के बाद भी अब कुछ छिपाने से कोई लाभ नहीं। सुनो, पहले तो मैं निकल जाने की ही कोशिश करूंगा, और यदि इस प्रयास में सफल न हो सका तो फिर केवल मैं ही नहीं मरूंगा बल्कि इस कमरे में जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे। मेरी जेब में एक अत्यंत शक्तिशाली बम है, समझे मेरे दोस्त। सीमा और रमेश चुपके से बाहर निकल गए। किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि सब लोग तो रंधा और न्यूमैन की बातें सुनने में लीन थे। हाँ, मिस्टर रंधा और कर्नल विनोद के मित्र तथा हिंदुस्तानी पुलिस के वफादार। बोलो क्या कहते हो, कोई प्रमाण है मेरे विरुद्ध? न्यूमैन ने हंसी उड़ाने वाले भाव से कहा। हो सकता है कि यहाँ कहीं तुम्हारा टेप रिकॉर्डर भी हो और उसमें मेरी कही बातें टेप भी हो रही हो, मगर मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं एक बार फिर सारे अपराधों का समर्थन करता हूँ, मगर तुम प्रमाण क्या दोगे? रंधा कुछ नहीं बोला। तुम्हारी खामोशी यह साबित कर रही है कि तुम विवश हो, न्यूमैन ने कहा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मुझे भी चला जाने दो, वरना जो कुछ होगा वह न मेरे लिए अच्छा होगा न तुम लोगों के लिए। वीना कहा है, प्रकाश बोल उठा। अच्छा रंधा, न्यूमैन ने कहा जो अब भी नौशेर हो के मेकअप में था, वीना भी तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। उसे कैसे हवाले करोगे दोस्त? रमेश ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, वो तो तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा प्रमाण है और वीना यही है, वह मरा। रंधा ने चहक कर कहा, हाँ दोस्त मिस्टर न्यूमैन, बोलो अब क्या कहते हो? वीना के साथ साथ ही यहाँ करोड़ों की मौजूदगी तुम्हारे हर अपराध को साबित कर देगी। अब वह जुर्म तो नहीं कर सकोगे जो करने जा रहे थे। इसके अतिरिक्त एक अच्छा काम यह भी हो गया कि इन शरीफ आदमियों ने अपनी छिपी हुई दौलत प्रकट कर दी। अब तुम जानो और पुलिस जाने, मैं तो चला। मैं केवल वीना को लेने के लिए आया था। तुम या इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा न जा सकेगा, न्यूमैन ने फुफकार भरी आवाज में कहा। यहाँ से केवल मैं जिंदा जाऊंगा। यार मिस्टर नौशेर, सुहराब जी ने कहा, तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। कैप्टन हमीद ने कहा था कि हम में से ही कोई मुजरिम है और उनकी बात सच साबित हुई। एक ओर तो तुम हमारी कंपनी के सेक्रेटरी बनकर हमारे रुपए हड़प कर लेना चाहते थे और दूसरी ओर हमारे भेद मालूम करके हमारे यहाँ डाका भी डलवाते रहे थे। ये दुनिया है मिस्टर सोराब, यह सब चलता है, न्यूमैन ने कहा। मुझे इस सच्चाई को मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि मैं जो दोहरी चाल चल रहा था उसमें असफल रहा, और ये सच्चाई भी प्रकट हो गई कि मैं नौशेर नहीं बल्कि न्यूमैन हूँ। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। ठहरो, एक बात बताते जाओ, सोहराब जी ने कहा, कल रात हम लोगों को कौन ले गया था? कर्नल विनोद का कोई आदमी। तो क्या कर्नल विनोद लंदन में नहीं है? है तो लंदन ही में, मगर यहाँ की सारी बातें उस तक पहुँच रही थी और वह वहीं से रहकर अपने आदमियों को आदेश देता रहा था, न्यूमैन ने कहा। बहरहाल विनोद के आने से पहले ही मैं ये देश छोड़ चुका हूँगा, और यदि उसे लंदन से मेरे विरुद्ध प्रमाण मिल भी गए तो वह मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा। बात समाप्त करके जैसे ही न्यूमैन ने आगे बढ़ना चाहा, रमेश ने गरज कर कहा, अपने हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर न्यूमैन। अरे अब मुर्दे भी बोलने लगे, न्यूमैन ने हंसकर कहा। कर्नल विनोद ने लाशों का अच्छा कारोबार किया, अगर तुम्हें मुर्दा ना मशहूर किया गया होता तो मैंने तुमको अवश्य कत्ल कर दिया होता। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जैसा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी कर्नल विनोद की प्रशंसा कर रहा है, रमेश ने मुस्कुराकर कहा और फिर गरज उठा, अपने हाथ ऊपर उठा दो। अच्छा सरकार, न्यूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, मगर उसी समय कोई वस्तु टप से फर्श पर गिरी। हमीद ने ब्लैकी की ओर देखा और रोशनदान में अपने पैर डाले। उसी समय एक धमाका हुआ और पूरा कमरा धुएं से भर गया, मगर इतनी देर में हमीद नीचे कूद चुका था और भागते हुए न्यूमैन की कमर पीछे से पकड़ ली थी। न्यूमैन हमीद के बंधन से मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहा था। कमरे में घुटन भी थी और चीखें भी गूंज रही थी। बाहर जीपों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। आखिर न्यूमैन अपने प्रयास में सफल हो ही गया, हमीद के बंधन से निकलकर भागा। हमीद उसके पीछे दौड़ा, फिर उसने न्यूमैन को गिरते देखा। उसने छलांग लगाकर न्यूमैन को दबोच लिया और उसके मुंह पर घूसे बरसाने लगा। उसी समय उसने बूटों की खड़खड़ाहट सुनी। वो समझ गया कि DIG पुलिस फोर्स के साथ आ पहुंचा, इसीलिए पूरी शक्ति लगाकर चीखा, हथकड़िया। इसी के साथ न्यूमैन ने उसे उलट दिया। हमीद ने समझा कि वह उसके नीचे से सरक कर निकल भागा, मगर दूसरे ही क्षण न्यूमैन फिर उसके बंधन में आ गया और वह यह न समझ सका कि इस बार न्यूमैन किस प्रकार उसके बंधन में आया। बहरहाल वह उसके चेहरे पर फिर घुसे बरसाने लगा और जब न्यूमैन ने हाथ पांव डाल दिए तो वह उठकर खड़ा हो गया।
अब उसके हाथ में हथकड़िया का जोड़ा था। किसने दिया था इसका ज्ञान उसे नहीं था। उसने न्यूमैन के हाथों में हथकड़िया डाली और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। आंखों में मिर्चें भर गई थी, सिर चकरा रहा था। किसी प्रकार कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले डीआईजी पर नजर पड़ी। वह रुक रुक कर कहने लगे, सर वीना इसी इमारत में है और तलाशी लेने पर वह रुपये भी मिल जाएंगे जो रंधा ने द्वारा लूटे थे गए थे। और वह पूरी बात किए बिना चकरा कर गिर पड़ा और चेतना गवा बैठा। सवेरे जब हमीद की आँख खुली तो दिन निकल आया था। उसने अपने सामने डीआईजी को खड़ा पाया। वह जल्दी से पलंग से नीचे उतर गया और सलूट किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ हमीद, डीआईजी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात तुम बेहोश हो गए थे इसीलिए मैं तुम्हें अपने बंगले पर उठा लाया था। शुक्रिया सर। नौशेर अर्थात न्यूमैन का क्या हुआ, हमीद ने पूछा। उसने आत्महत्या कर ली, साधारण से लापरवाही के कारण मामला बिगड़ गया, मगर अच्छा ही हुआ। जिंदा रहता तो अदालत तक दौड़ धूप करने की परेशानी उठानी पड़ती। उसका मैसअप हटाकर देखा गया, वह सचमुच न्यूमैन ही था। रमेश, हमीद ने पूछा। वह तथा तमाम लोग सकुशल अपने अपने घर पहुंच गए हैं। वीना प्रकाश के हवाले कर दी गई है। तलाशी ली गई थी और वीना की निशानदेही पर करोड़ों रुपए की करेंसी बरामद हुई थी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस नगर के पूंजीपतियों ने अपना काला धन प्रकट कर दिया। रंधा कहाँ है, हमीद ने पूछा। उसे तो फांसी हो गई। मगर सर, हमीद ने आश्चर्य से कहा, रात वह भी वहां मौजूद था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। इसके बाद हमीद अपनी कोठी पर आ गया और 4 बजे तक सिर खपाता रहा। सूरभ से लेकर प्रकाश तक सब ने वहां रंधा की उपस्थिति का समर्थन किया, मगर सीमा, रमेश तथा लालजी ने इनकार किया। ब्लैकी का भी कहीं पता नहीं था। संध्या की हवाई जहाज से विनोद आया। उसने पहले हमीद को लिपटाया, फिर उसकी सफलता पर बधाई देता हुआ बोला, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, मगर रंधा, हमीद ने पूछा, उसे भूल जाओ, उसे फांसी हो चुकी है। आप लंदन ही से आ रहे हैं ना, हमीद ने मूर्खों के समान पूछा। हाँ भाई, विनोद ने हंसते हुए कहा, मगर हमीद सोच रहा था कि विनोद ने गलत कहा था। वह खुद लंदन नहीं गया था बल्कि अपने ब्लैक फोर्स के किसी आदमी को भेज दिया था और खुद यही रहा विभिन्न रूपों में हर स्थान पर, वरना किसी में इतना साहस नहीं हो सकता था कि वो विनोद की कोठी से उस प्रकार उसका अपहरण करता। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इब्ने सफ़ी के फ़ैन हैं और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।